पढ़ेंगे कहां से शुरू कहां से करेंगे है ना कहां से शुरू तो शुरू होगा बिल्कुल जीरो से जोड़ घटाना गुड़ा भाग से हमें उम्मीद है लगभग लोगों को ये चीजें आती होंगी लेकिन कोई मतलब नहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है है ना ये मानना चाहिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है मानना चाहिए इंसान जिंदगी भर सीखता है कुछ लोगों की हट होती है नहीं हमको तो आती है फोन करेंगे हमें तो सीजीएल वाली मैच चाहिए बता बता, सबसे न्यून कितने होता है अरे गुरु जी यह, है यह सब अच्छा एकांतर कोण किसे कहते हैं अरे रेखा गणित तो बचपन से ही नहीं पढ़े थे मास्टर पढ़ाए नहीं थे तो बता तुम्हें आता क्या फिर चलो देखो फिर जोड़ घटाना गुड़ा भाग यहीं से शुरू है हमारा मतलब है कि आज की क्लास में हम आपको पढ़ने के लिए तैयार करें ठीक है पढ़ने के लिए तैयार करना ये मत सोचना कि हम पहली क्लास में सब सीख जाएंगे ठीक है बढ़िया आगे चलें, तो सभी लोग पहले अपने आप को ये मनाओ ये जनाओ कि मुझे नहीं आती स्वीकार करो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है इंसान पूरी जिंदगी सीखता है लोग मानने को तैयार नहीं होते कि मुझे नहीं आती है मानिए सबसे पहले एक चीज याद रखिए आज की क्लास में पढ़ाई ज्यादा नहीं होगी पहले जान लीजिए आपको पढ़ने के लिए हम तैयार करेंगे हाँ कि आप पढ़ फकें सबसे बड़ा तो यही सवाल है जब आप शुरू कर दोगे तो हो जाएगा मैं एक छोटी बात बताऊं अक्सर कभी कभी कोई नहीं रहता तो मुझे खाना बनाना पड़ता है और रोटी बनाना हमारे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है उसके बारे में हम तीन चार घंटे सोचते हैं कुछ काम करते रहते हैं दिमाग में चलता है मुझे रोटी बनाना है और रोटी बनाने में हमें तीन चार रोटी बनाने में मुश्किल से पंद्रह मिनट दस मिनट लगता है लेकिन उसको सोचने में उसके लिए तैयार होने में कम से कम दो तीन घंटे लगते हैं तो तैयार होने में ही समय लगता है शुरू कर दो के करना तो टाइम नहीं लगता है समझ रहे हो कि नहीं तो ये चीज जान लो तो इसलिए आज हम आपको तैयार कर देंगे शुरू कर देंगे उसके बाद तो आप कर ही ले जाओगे चलो देखो जैसे देखो, देखो कोई ना कोई किसी से आपका बड़ा लगाव है कॉलेज वाली से तो आप डर रहे हो पहली बार बोलने में ही है ना पहले बार तो डर लगता है ना एक बार बोल दिया तो फिर तो इधर रहते उधर बन गया तो बन गया हालात खा गए तो खा गए है ना यही तो ना लेकिन डर तो शुरू में लगता है ना तो वो शुरू वाला चीज हम आपका निपटा दे रहे हैं आज तो शुरू वाला मुसीबत दूर हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं चलो तो जोड़ घटाना कूड़ा भाग ये दुनिया का सबसे आसान जोड़ है जिसमें कोई प्रकार का हासिल नहीं आता है ठीक है स्टार्टिंग वाला सिंपल सिंपल सा आप कहो कि हम अंगुली जोड़ जोड़ के बताएं तुमको यहां जमीनों तो नहीं है कि वोहीम खचाक खचाक बताएं देखो इसे तीन दो पांच पांच एक छ चार तीन सात कितने लोग इसको कर लेंगे बताओ कुछ लोग तो कह रहे होंगे हमारा बचौ करता है इतना बड़ा तो हमारे पांच आठ साल का लड़का है वो कर ले था. हमका सिखावत है कोई बात नहीं आपको आता है सबर रखिए तसल्ली रखिए आपको आता है ठीक है अगर आपको आता है और आप फिर भी यहाँ रुके हैं तो मान लो कि आप मैथ सीखना चाहते हैं हम्म इसको कर लेंगे बताओ अच्छा ये भी तो तुम्हें पता है मूवी में भी तो तुम्हें पता होता है क्या होगा लास्ट में हीरो हीरोइन जीत जाएंगे उनकी शादी हो जाएगी शुरू बीच में मार होगी लड़की का बाप मानेगा नहीं लास्ट में ही लड़की का पिता लड़, उस लड़के के साथ शादी करवा देगा तुम्हें पता रहता है ना कि किसी भी पिक्चर में कभी भी फिल्म में कभी हीरो मरता नहीं है तुम्हें पता है ना फिर भी तो देखते हो क्यों देखते हो शादी में जाते हो तुम्हें अच्छे से पता है कि वही सब रस्म होगी जयमाल होगा वहां प्रोग्राम होगा इधर उधर का लेना देना जो भी चीजें हर जगह वही होता है फिर भी तुम बैठे रहते हो रात भर क्यों देखते हो पता तो रहता ना यही होगा देखे तो हो कभी ना कभी ना तो फिर फिर भी देखते हो तो वैसे आता है फिर भी देखो आता है फिर भी देखो ये सब पांच तीन आठ दो दो चार और चार तीन सात सात दो एक तीन चार दो देखिए मेरा मतलब सिर्फ आपको इसमें आज तैयार करना क्लास के लिए बुरा ना माने बस देखें ये था वो जोड़ जो बिना हासिल के होता है उम्मीद है कि हर कोई इसको कर लेगा इसका आंसर कमेंट करना अब आगे नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं दिख रहा है देखो अब ये वो तरीके का जोड़ है जिसमें हासिल आता है तीन दो सात पांच एक तीन हासिल वाला जोड़ है ठीक है समझना यहां पे, यह सात पांच बारह देखो बारह ऐसे लिखा जाता ट्वेल्व इसमें टू डिजिट होता है यह वंस प्लेस होता है टेंस प्लेस ठीक है इकाई दहाई तो जो इकाई अंक है यानी वंस प्लेस वाला उसको यहां लाके लिख देते हैं इसको और जो ये एक बच रहा था ना भैया ये दहाई अंक वाला यानी टेंस प्लेस वाला ये अगले के आने वाली गिनती के चुर्की पे आके बैठ जाता है ऐसे चुप अभी दोनों जोड़ते हैं दो एक तीन और एक हासिल चार और ये तीन तीन छा यह आ गया छे सौ बयालीस सभी को समझ में आया ये था हासिल वाला जोड़ एक बार मैं एक अभी और बताऊंगा मुझे पता अधिकांश लोग को आता है फिर भी आपको बने रहना यहाँ पे ठीक है जिनको मैथ सीखना है वो टाइम देंगे जाएंगे नहीं चलो आगे चलिए देखिए इनको कर लेंगे बहुत आसान है वेरी इजी है फाइव टू सेवन नौ चार कितना होगा तेरह नाइन फोर थर्टीन और देखो यहां पे कोई प्रकार का कैरिया हासिल नहीं बचा है क्यों क्योंकि पांच दो सात सात सिंगल है अकेला है इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो इसमें कोई हासिल अफल रफड़ा नहीं है उधार उधार कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं तो नौ चार तेरह तीन इसमें देखो भाई थर्टीन ये डबल है जोड़ी है इनकी तो एक प्राणी यहाँ आ जाएंगे एक प्राणी यही रह जाएंगे ठीक तो जोड़ी है तो इनको लाके यहां लिख दिए और ये सिंगल वाले बचे हैं ठीक है तो अब जो हासिल वहां बच रहा था वो लाके इसके खोपड़ी पर रख देंगे अगले वाले के अब ये फाइव कितना होगा जानते हो ट्वेल्व ट्वेल्व वन थर्टीन थर्टीन का फिर थ्री और फिर वन बचा इसके खोपड़ी पे आ गया थ्री सेवन यानी चार तीन सात और एक हासिल आठ बोलो सही है विनोद सोनी ज्योति कुमारी मधु गुप्ता प्रिंसी यादव हिना खातून प्रभति आर के यादव अमन पूर्णिमा पूजा पूजा राठौर ये अलग अलग हैं भाई एक है ही नाम के कई बच्चे हैं देखिए अभी अधिकांश लोग भाग जाएंगे मुझे पता है अभी पंद्रह मिनट के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग भाग जाएंगे क्यों क्योंकि वही लोग हैं जो एक बार जोश आता है उनको बस हम सीखेंगे मैथ उसके बाद फिर दो दिन बाद ठंडा फिर फिर दो साल बाद फिर इंक्वायरी करेंगे हमारे यहां मैं बताऊं 2020 में इंक्वायरी करते करते 2023 में आके क्लास ज्वाइन किए हैं तीन साल सोचे हैं मतलब जवानी निकल गई बुढ़ापा निकल गया एग्जाम देने की उम्र निकल गई बहुत सारी फिर आके ज्वाइन किए क्यों क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है पैदा हो गए तो उनको सिखाना है तो मुझे तो मैं नहीं चाहिए हम्म तो ये था वो जोड़ जो हासिल वाला और बिना हासिल वाला अब बात करेंगे जीरो जीरो का जोड़ जीरो का जोड़ देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनमें जीरो आता है ठीक है शून्य का एक अपना अलग रोल है समझिए थ्री में जीरो ऐड करेंगे थ्री पांच तीन आठ और ये यहां पे क्या सीखा कि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता वही आता है ठीक है मैं बार बार बता रहा हूं आज की क्लास में जोड़ना घटाना आप सीखेंगे प्लस क्लास के लिए मोटिवेट होंगे कि आप मैथ सीख सकते हैं ठीक है इसके बाद आगे अगर आप हाई फाई देखना चाहते हो तो फिर आप तीसरी चौथी क्लास से जुड़ोगे तो वहां प्रतिशत सिंप्लीफिकेशन प्रॉफिट लॉस और ये सब टॉपिक आ जाएंगे तब तक ठीक है चलो इनको जोड़ेंगे सात दो नौ पांच एक ये अलग तरीके का जोड़ है पिछले वाले से इसमें जीरो है क्योंकि हम उनको सिखा रहे जिनको कुछ नहीं आता है जिनको आता है उनके लिए यहां कोई जगह नहीं देखो तीन में जीरो ऐड करेंगे तो तीन ही रहेगा जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही रहेगा और नौ तीन बारह समझ में आया ये था क्या जोड़ना छापो भैया छापो मनीष जाट वर्तमान रिटर्न्स शैलेश कुमार प्रवती माझी भीम यादव संगीता पूजा प्रिंसी पंकज तो ठीक है इसमें और ज्यादा क्वेश्चन करें क्या क्या मतलब है नहीं ना इसको आप लोग कर लेना इनको कर लेना इनको कर लेना फट से स्क्रीन साठ ले लीजिए जल्दी से आइए इसी में लगे हाथ एक और बात करते हैं कि जब ये तीन लाइन में होता है तब कैसे होता है तीन लाइन में चाहे तीन लाइन में हो या पांच लाइन में हो वैसे ही होता है दो एक तीन और तीन होगा कितना होगा, छे, कितना होगा? छे। इसमें छे में देखो कोई हासिल नहीं क्योंकि ये सिंगल है अगर सिंगल नंबर है नाइन तक है जीरो से लेकर तो उसमें कोई हासिल नहीं बचता है अब ये तीन दो पांच और तीन ये आठ यहां पर भी कोई हाफिल नहीं दो एक तीन और तीन में जीरो ऐड करेंगे तीन ही रहेगा चार तीन सात और तीन दस है ना समझ गए ना तो ये कितना प्यार से जुड़ गया एक और देख लो इसको आप लोग खुद से कर लेंगे आ चाहे ये कितने भी नंबर हों आप इन्हें ऐफे करेंगे जैसे मैंने बताया ठीक है हम आपको जीरो से सिखा रहे हैं तो हम सब कुछ बताएंगे कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें नंबर पर संपर्क करो बाबू नंबर पे कांटेक्ट करो ठीक है आगे बढ़े तो ये था जोड़ना जोड़ने में बहुत कुछ होता है ये तो सिंपल सा जोड़ना बताया अब अगर हम इसमें बात करें कि अंडर रूट तीन में पांच जोड़ेंगे तो क्या होगा ये भी जोड़ना ही है हा? अगर हम बात करें रूट सत्ताईस में ये घनमूल तीन चार तीन को जोड़ें तो क्या होगा ये सब पढ़ाएंगे आगे चल के अभी ये जोड़ना इसके बाद इसमें सूट नहीं करेगा आपके लिए ये तो वही हुआ ना क्या कि मेथी गोले खिला के जहर पिला दिया है ना तो ऐसा नहीं करने वाले नहीं गड़बड़ हो जाएगा इसके बाद ये चीज नहीं अभी टॉपिक टॉपिक स्टेप स्टेप चलेंगे आइए तो अब घटाना घटाना ठीक है सबस्ट्रैक्शन सबसे पहले साधारण सा सवाल साधारण प्रश्न मतलब सिंपल क्वेश्चन जो आसानी से इजी वे में सब ट्रैक हो जाए उधार वाला छोड़ो अभी नहीं

आजकल फर्श पर बैठने वाले टेबल पे बैठने वाले लोग कहाँ खिंचाएंगे तीन एक चार दो एक तीन तीन दो पाँच। अरे बहुत दिन की बात नहीं आज के पंद्रह सत्रह साल पहले तक चलता था मतलब हमारे यहाँ स्कूल अब बंद हो गया अब नए जमाने के स्कूल आ गए सब बंद हो गए पुराने वाले तो ये आया समझ में अगला कर लेंगे ऐसे सभी कर लेंगे ना ये बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं भले मुझे ये बताओ सभी को समझ में आ रहा है उम्मीद है कि मैथ सीख जाओगे ना पूरी गारंटी है कि आप मैथ सीख जाओगे बस क्लास को आपको पूरा देखना प्यार से जितना आप यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर रील देख देख कैसे बर्बाद करते हो टाइम ना अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा यहां टाइम दे दोगे हम सिखा देंगे हुँ? चलो ये भी सिंपल था इसको भी कर लेंगे आज हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपको आता है लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है तीन एक में से एक गया कितना है भैया दो ये देखो हासिल वाला बन जा रहा है इनको थोड़ा चेंज करो अभी हम हासिल वाला नहीं बता रहे हैं। इनको पांच कर लो मान लो पांच में से तीन गया दो सात में से जीरो सात नौ में से पांच चार सभी को आ रहा है हम्म अभी वो भी बताएंगे माइनस प्लस जब सब हो तब वो भी बताएंगे सबर रखो अभी ये बताएंगे ये बताएंगे तीन चार तीन प्लस माइनस इक्कीस माइनस अट्ठारह ऐसे ऐसे ये सब करेंगे अभी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में ठीक है इनको कैसे काटेंगे इनको कैसे सिंपलीफाई करके ऐसे लिखते हैं वो सब बताएंगे फली रखिए ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात वो सब होगा आइए देखिए तो ये क्या हो गया आपने जोड़ और घटाना सीख लिया अभी नहीं अभी घटाने में तो एल के जी वाला लेवल आप हो और आप हो टेट, टेट वाले लेवल के पढ़ने वाले यूपीएससी वाले है ना तो हमारा ये पर्पज है छोटी छोटी चीजों बताने का कि आपको ये लगे कि हम कुछ छोड़ नहीं रहे हम बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हैं ठीक है तो जिनको मैथ नहीं आती है ये बिल्कुल छोटा छोटा चीज दो दिन में खत्म हो जाएगा एक दिन में उसके बाद आप लाइन पे आ जाएंगे अपने टॉपिक पे फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हाई दैया कुछ छूट गया कुछ छूटा नहीं फिर समझ रहे हो तो कुछ छूटने वाली बात नहीं है आइए अब घटाने में नेक्स्ट लेवल का अगला लेवल सेकेंड मान लो घटाने में बताइए देखिए इसमें थोड़ा अलग है थोड़ा सा अलग है जल्दी से सब ट्रेक करके बताओ कितना आएगा कितना आएगा देखिए इसमें उधार वाली बात हो गई कैरी वाली आगे बढ़े मैथ से डर नहीं लगता यहां पर आने वालों को मैथ से मोहब्बत करवा दी जाती है समझ रहे हो और मोहब्बत के बाद कुछ दिन बाद उनकी शादी भी करवा दी जाती है किससे मैथ से तो इसलिए आप कुछ दिन आओ तो देखो ना डर नहीं लगेगा यहां मैथ से आइए देखिए कैसे टू से फाइव सब करना है भैया दो से पांच नहीं घटने वाला साधारण तरीके से तो क्या करेंगे पता है मैथ वाले मानते बहुत हैं कल्पना में बहुत जीते हैं हाँ, सूखी रोटी भी खा जाते हैं कि दाल है मेरे साथ में चलो देखो कैसे तो हम इनको मान लेते हैं कि ये दो में इधर पड़ोसी से उधार ले लिया इसको बना बना दिया कितना बना दिया कितना ट्वेल। अब ट्वेल्व से फाइव को सब करेंगे बारह में से पांच को घटाएंगे सात आएगा कितना आएगा सात आएगा ठीक है यहाँ पे सात लिख दिया लेकिन मानने से ही तो जिंदगी चलती नहीं है रियलिटी में तो झाकना ही पड़ता है यह हो गया एक काम तो हो गया अब इसमें से एक उधार दिया था तो कम हो गया ठीक है ये मान के चलते हैं तो यह चार बचा है चार में से एक गया तीन चार में से एक गया कितना तीन इतना हो गया अब देखो तीन में से चार तो घटेगा नहीं फिर क्या करेंगे आगे से उधार लेंगे तो भाई इनसे उधार लेते हैं चार से इसको बनाते हैं तेरा थर्टीन से फोर घटाएंगे कितना आएगा Nine. Hmm? Nine यहां लिख देंगे अब हमारा काम हो गया इनको हटाओ आजकल दुनिया ऐसे चलती है सिर्फ अपने गर्ज से काम हो गया उनको हटाओ इसमें से एक उधार लिया था तो इसको मानते हैं कम हो गया है तो ये तीन बचा है तीन में से दो गया एक कितना एक वो नहीं सैतीस आया बोलो समझ में आया थोड़ा सा भी आया एकदम रच्ची भर आया कमेंट करो ईमानदारी के साथ आया कि नहीं अगर दो परसेंट भी आज आपको आ गया ना तो आप उम्मीद बना लो कि आपको मैथ आ जाएगी सिर्फ यही चीजें अगर आपको आ गई कुछ लोगों को लग रहा होगा हमको तो आती है ये सब तो आता है काहे को देखें तो मैंने कहा ना शादी में गए हो कभी तुम्हें पता है कि वही रसम होगी जो पुरानी फलाना शादी में हुई थी फिर भी क्यों देखते हो क्या मिलता है तुम्हें कुछ मिलता है नहीं ना फिर भी जाते हो ना तो वैसे तुम्हें आता है फिर भी देखो ये सब मूवी देखते हो उसमें पता है लास्ट में हीरो, हीरो इनके साथ शादी ही हो जाएगी हाँ हीरो कभी नहीं मरने वाला फिर भी मूवी देखते हो तो वैसे देखो इसको भी तभी कुछ मिलने वाला है इनको घटा लेंगे कर लेंगे फोर से थ्री सब होगा वन आएगा कितना वन फाइव से नाइन जाएगा कितना आएगा फाइव से नाइन जाएगा नहीं पड़ोसी से उधार लेगा इधर से तो ये कितना बन जाएगा फिफ्टीन कितना बन जाएगा ये फिफ्टीन अब पंद्रह में से नौ गया कितना आएगा छ कितना आया भैया छ अब ये जो लिखा था काल्पनिक नंबर इसको हटा दो देखिए ये तीन इसको उधार दिया था हा? अपने पास नहीं खाने को चले हैं बुझाने को कैसे बात है वैसे है कि तीन तो खुद नहीं घट रहा नीचे फिर भी क्या किया था उसको उधार दिया था अब ये बचा है दो कितना दो अब दो में से पांच तो घटेगा नहीं फिर क्या करेंगे फिर पड़ोसी से उधार लेंगे ठीक है तो फिर पड़ोसी से उधार लेंगे तो इसको मान लेंगे कि ये बन गया कितना तेरह नहीं बन गया थर्टीन तीन बारह बन गया क्योंकि ये ऑलरेडी एक उधार दे चुका है ठीक है तो बारह में से पांच गया सात अब देखो इनको हटा दो काल्पनिक नंबर जो बनाया था इसमें से अब उधार इसको दिया था बचा है सात सात में से नौ तो फिर नहीं घटेगा फिर इधर से उधार लो पड़ोसी से तो सात क्या बन जाएगा सत्रह सत्रह में से नौ गया आठ नौ आठ सत्रह होता है हुँ? नौ आठ सत्रह होता है कि नहीं भाई हाँ होता है तो कितना है सत्रह में से नौ गया आठ देखो ये इसको एक उधार दिया था ये आठ बचा आठ में से पांच घटाओगे सॉरी तीन घटाओगे पांच आएगा अट्ठावन सात सौ इकसठ आया समझ में देखिए एक बार मैं फिर बोल रहा हूं जिनको मैथ सीखना है वो क्लास को पूरा देखेंगे बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे हम मानते हैं कि आपको ये सब आता है फिर भी आप इतना टाइम सोशल मीडिया पर और फालतू जगह बर्बाद करते हैं आज आप टाइम दे के जाएंगे लास्ट में आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा ठीक है ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जो आप सोच रहे हो वही होगा कुछ नया भी सिखाएंगे बीच में भी देखना तो ये चीजें कर लोगे नॉर्मली चलो ठीक है घटा लो फटाफट चलो फटाफट सब ट्रेक करो भाई चलो कर लोगे ना बढ़िया तो ये क्या था जोड़ना घटाना हासिल वाला भी कर लिया न? अभी हम आपको ये भी सिखाएंगे जनाब क्या कि जब चार यक्स वाई से आप तीन यक्स वाई घटाओगे तो क्या आएगा ये भी घटाने में सिखाएंगे नौ एक्स स्क्वायर वाई से जब तुम ये स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा ये भी सीखोगे आप हा? बेसिक मैथ में ही अभी है ये भी बेसिक मैथ में है जब ये भी सीखोगे अभी ये भी इसको घटाएंगे तो क्या होगा बेसिक मैथ में सिर्फ जोड़ घटाना ही नहीं पढ़ना है सब कुछ पढ़ना है आगे चल के अभी ठीक है बृहत कोण संपूर्ण कोण न्यून कोण अधिक कोण यानी स्ट्रेट एंगल 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 एक्यूट एंगल, एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल ये सब भी पढ़ना है उसी में त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे त्रिभुज छह प्रकार के होते हैं आयत वर्ग वृत्त सब पढ़ना है लेकिन अभी शुरुआत है जब बच्चा पैदा हुआ है छोटा सा तो पहले एल में ही पढ़ता है है ना तो ये मान के चलो स्टेप बाय स्टेप पूनम जी बिल्कुल क्लास बंद नहीं होने वाली है जब तक हम रहेंगे इस धरती पे देखो एक बार जाके लौट आए हैं पता ही है नहीं तुम लोग को चलो तो ये बात समझ गए सभी अगली क्लास डीएलएड वाली है और मुझे लगता है कि जोड़ घटाना हो गया है कुछ क्वेश्चन दे, दे दें आप लोग करेंगे जो इंटरेस्टेड हैं अब बाकी जिनको आता है कोई बात नहीं है एक बार मैं फिर से बता दूं जल्दी से उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ध्यान से स्क्रीन देखिए ये नया बैच शुरू हुआ जिसका नाम है बैच आज पार्ट वन है ये बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगी इसका कोई पेमेंट नहीं करना है यानी जो आप लोग तीन महीने का हजार पंद्रह सौ जमा करते थे कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है क्लास को लाइक और शेयर करना है बस और जबरदस्ती शेयर करना है अपने सभी दोस्तों को अपने घर परिवार के लोगों को भले वो देखें या ना देखें सभी को भेजना है स्टेटस में भी लगाना है व्हाट्सअप पे हम देखेंगे कौन कौन लगाता है ठीक है बिल्कुल लाज शर्म छोड़ करके कि हाँ ये तो जोड़ घटाना बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं किसको दिखाएं आया हाँ, गजब बेजती है हु? तो बेजती छोड़ करके शेयर करना है और ये बैच के लिए आपको रात नौ बजे लाइव जुड़ना है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी YouTube पर हमारी कोशिश है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में YouTube पे लाइव आएंगे इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल बाद में नहीं मिलेगी इस बैच की याद रखिएगा का कान खोल के सुन लीजिए तीन क्लास की मिलेगी शुरू बस उसके बाद नहीं मिलेगी हम नहीं जानते आपके क्या क्या काम करना है हमारी जिंदगी में बहुत सारा काम है सारा काम छोड़ के आएंगे अगर आपको सीखना है और फ्री सिखाएंगे सारा काम छोड़ के आइए लाइव आप ठीक है रात नौ बजे लाइव आइए बिल्कुल सीधा सीधा बिंटर बैच में बिल्कुल शून्य से सिखाएंगे ये बैच आपके डीएलएड, सीटेट, बीएड, टेट एसएससी, यूपीएससी नीट जेई एग्जाम सब के लिए कोई ऐसा परीक्षा नहीं इंडिया में जो होती हो जिसमें ये मैथ काम ना है। क्योंकि भैया बेसिक सिखाएंगे ना बेसिक सबका वही होता है अरे कोई प्रकार की बिल्डिंग बनेगी या झोपड़ी बनेगी जमीन पे ही बनती है न्यू सबकी वही होती है होती है कि नहीं बताओ अब ये जोड़ घटाना मैंने पांच में तीन जोड़ा आठ हुआ है तो क्या यूपी बस जो यूपीएससी वाले होंगे उनके लिए बारह होगा क्या हा? यूपी त्रिपेल एससी वालों के लिए सात होगा क्या नहीं होगा ना हाँ नीट जेई वालों के लिए क्या पांच में तीन जोड़ने पर अठारह होगा आठ ही होगा सबके लिए ना तो जब हम शुरू से स्टार्ट किए हैं तो सब चीजें आपको जो सिखाई जाएंगी वो सब के लिए होंगी ठीक है तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किस परीक्षा वाले हैं आप किसी भी राज्य से हो इंडिया के हर किसी के लिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं करूं कि अगर संख्या 1820 का हम 10 परसेंट बोले क्या होगा बताओ बताइए आइए बताता हूं 1820 का 10 परसेंट मतलब ऐसे 10 दस दो जीरो दू जीरो कट गया एक यानी अगर हमारे पास अठारह बीस रुपए हैं हम कहेंगे जो सब क्वेश्चन कर लेगा उसे दस परसेंट दे देंगे यानी उसे एक सौ रुपए दे देंगे अब चाहे आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं या आप एसएससी के हैं या आप रेलवे का ग्रुप डी देते हैं या आप बी एड सीटेड के स्टूडेंट हैं 1820 का 10 परसेंट सबके लिए एक ही होगा तो ये मत कहना कि हमारे लिए है कि नहीं है समझ गए ना आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो ये 1820 का 10 परसेंट सबके लिए वही होगा कुछ अलग उत्तर नहीं होगा तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जो इस बैच में क्लास पढ़ाई जाएगी वो सबके लिए होगी आप किसी भी प्रकार के कैंडिडेट हैं किसी भी परीक्षा के लिए हैं ठीक है, है? पेश ना करें कोई अगली क्लास दस बजे से होगी तो मेरा यही कहना है कि आप लोग डेली रेगुलर क्लास में आए और जुड़े और पढ़े आज आपको मैंने जोड़ घटाना पढ़ाया है क्या पढ़ाया है जोड़ घटाना पढ़ाया है इसके आगे गुड़ा भाग गुड़ा भाग के आगे आपको भिन्न सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन वर्गमूल घनमूल ठीक है करड़ी वगैरह और फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और वो क्या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आयत वर्ग त्रिभुज वृत्त घन ये सब पढ़ेंगे घन गन, घनाभ सब कुछ होगा ठीक है एक तरफ से लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी बाबू ना इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं मिलेगी चलो इनको कर लोगे ना ये सब आप लोग कर लीजिएगा वैसे फालतू है मुझे लगता है सब देना कि नहीं हम्म एप्लीकेशन के जो बच्चे हैं उनकी लाइव क्लास एक नवंबर से चलेगी उसकी तो बात ही ना करो वो तो अलग चीज है मतलब दूसरी बैच की ये बैच तो मैंने फ्री चलाया यूट्यूब पे इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा लेकिन आपको लाइव आना लाइव के ला में बाद मिलेगा भी नहीं इनको घर से कर लीजिएगा ठीक है स्क्रीन लीजिए जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए ये बैच आज ही शुरू हुआ है भीम यादव आज क्या पढ़ेंगे आज साथियों टॉपिक है गुड़ा और भाग एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम बिल्कुल जीरो से मैथ का एक नया बैच शुरू किए हैं तो इसमें हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे सिखाएंगे आपको पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे और आपको आता होगा काफी चीजें इनमें फिर भी आपको क्लास को पूरा देखना है सेम उसी तरह से जैसे आप शादी विवाह में जाते हो आपको पता है कि वही सब प्रक्रिया होगी सात फेरे जयमाल वगैरह वगैरह फिर भी तुम जागते हो पूरा रात ना वैसे बिल्कुल और मूवी में पता होता है कि लास्ट में हीरो हीरोइन एक हो जाएंगे गहरी मोहब्बत में कभी हीरो मारा नहीं जाएगा कितनी भी लड़ाई हो चाहे बीस लोग लड़े एक साथ फिर भी मूवी देखते हो तो वैसे ही गुड़ा गुड़ा क्या होता है बताइए प्रीति जी कमेंट आ रहा है आपका रचना भीम प्रिया राजकुमार बलाई भूपेश मोनिका आ, मोहित आरिफ जितेंद्र एमडी डी शाहनवाज रेखा यादव सृष्टि मौर्य नेमपाल सिंह दर्श सिंह आरिफ मिश्रा सनाज और भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं सभी का नाम पॉसिबल नहीं है तो शुरू करें देखिए क्लास शुरू होने में दो चार मिनट लग जाता है कोई बड़ी बात नहीं है चलिए गुड़ा गुड़ा क्या होता है व्हाट इज मल्टीपल क्या होता है भाई गुड़ा जब किसी एक ही संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार सॉरी यहां पर दो या दो से अधिक बार लिखा जाएगा ठीक है दो या दो से अधिक बार क्या करें गुड़ा करें गुड़ा ना करें जोड़ें ठीक है दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुड़ा कहते हैं संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है उतनी ही बार उसका गुड़ा किया जाता है गुड़ा को फलाने चिन्ह से दिखाते हैं देखो यहां पे जैसे अगर पांच को हमने जोड़ा कितनी बार यहां पे देखो चार बार अगर पांच को हम चार बार जोड़ते हैं तो बीस होगा जोड़ के देखो भाई पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस चाहे इसको हम ऐसे जोड़ें और चाहे हम पांच को चार बार जोड़े हैं तो चार में गुड़ा करें बीस ये दोनों प्रक्रिया में सेम आता है ठीक है अगले 20 मिनट बाद फिर सबका कमेंट पढ़ेंगे तब तक हम बीच में किसी का कोई कमेंट नहीं देखेंगे क्लास को पूरा एंड तक देखना है अगर आपको मैथ सीखना है याद रखना अगर आपको मैथ सीखना है जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अगर स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो पहले मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग मिलेगा जीते जी नहीं मिलता है सुने हो ना कि नहीं तो जो लोग सोशल मीडिया पर ऐसे खिसका खिसका के रील देखते हैं अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उतना टाइम अगर यहां दे दोगे आज तो बहुत अच्छी बात है आइए तो ये समझ में आया इसी तरीके से अगर हम बी वाला बात करें दूसरा एग्जाम्पल थर्टीन प्लस थर्टीन प्लस थर्टीन ये जोड़ लीजिए थर्टी नाइन आएगा उनतालीस कितना आएगा थर्टी नाइन अच्छा हमने क्या किया तेरह को तीन बार जोड़ा थर्टीन को क्या किया तीन बार जोड़ा अगर हम यही काम करें कि थर्टीन को तीन बार जो जोड़े हैं ना जोड़ करके थर्टीन को तीन से मल्टीपल करें तब भी थर्टी नाइन आएगा समझ में आया यही गुड़ा है यही गुड़ा की परिभाषा है समझ गए ना हम्म पक्का समझ गए एकदम अच्छे से चलो अच्छा पक्का समझ गया सब ही ना एकदम अच्छे से क्यों का को कोनो दिक्कत ना है ना कब भैया बुझान गिना है बुझानो बुझाए है देखा अस्सी नंबर देखा सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन कितनी बार जोड़ो पहले इनको सात सात चौदह सात इक्कीस सात अट्ठाइस सात पैंतीस पांच बार है कितनी बार है भाई साहब पांच बार है वन टू थ्री फोर फाइव एक काम करें हम सेवन को अगर फाइव में गुड़ा कर दें तब भी पैंतीस आएगा यही क्या है गुड़ा की परिभाषा हम्म बढ़िया समझ में आ रहा है सचिन सेन दिनेश मोहित प्रिंसी ज्योति एक्सक्लूसिव बॉय आओ चलो आगे बढ़े ठीक है बढ़िया है समझ गए इतना मस्त चलो तो डेली क्लास की लिंक पीडीएफ और आदि अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिएगा जरूर से जरूर करिएगा कसम है उसकी किसकी जो समझ गए उन्हीं के लिए बस चलो देखो ये कसम मौसम तो मजाक में बोला बाकी कुछ नहीं मत करना तुम्हें गरज होगी पढ़ना होगा तो कर लेना नहीं पढ़ना होगा मत करना चलो तो ये था गुड़ा की परिभाषा अब बात करते हैं गुड़ा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग वो क्या है देखना अभिन्न अंग गुड़ा का क्या है जीरो का गुड़ा मल्टीपल ऑफ आ, इसे रहेगा मल्टीपल ऑफ जीरो ना समझना यहां पे जैसे साथी मेरे पहला है कि फाइव का मल्टीपल जीरो से करेंगे तो क्या आएगा बताओ कमेंट करो फटाफट जल्दी से बताइए काम उक रहे हो कुछ निकलने वाला नहीं इधर से चलो बताओ अच्छा जीरो का फाइव में करें तो क्या होगा भाई हम्म बताइए बताओ 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 बहुत अच्छा वेरी गुड देखिए जो एकदम महानालायक होते हैं समझ रहे हो उनके लिए तुम कुछ भी कर लो महानालायक ही रहते हैं फिलहाल ये एग्जाम्पल थोड़ा कम बैठा ये जीरो है ना चाहे इसको इधर से गुड़ा करोगे चाहे इधर से ये क्या आएगा जीरो ही आएगा बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे तुमने तरबूज देखा होगा सभी लोगों ने खीरा भी देखे हो खीरा ककड़ी तो चाहे चक्कू तरबूज पे गिराओ तरबूज चक्कू पे गिराओ कटेगा तरबूज ही तो जीरो चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे मतलब अगर है वो गुड़ा में तो आएगा जीरो ही समझ रहे हो तो ये जीरो आएगा ये भी जीरो ही आएगा समझ रहे हो एक और चीज बताऊं गुड़ा के बारे में देखो एक और बताओ कितना आएगा <laughs> बिना कुछ सोचे अगर कहीं भी कोई प्लस माइनस नहीं है सिर्फ गुड़ा का चिन्ह है तो आप जीरो लिख दो अगर आपकी टीम में आपकी संगति में एक महानालायक शामिल है तो सब लोग महानालायक हो जाओगे ठीक है समझ रहे हो कि नहीं अगर अगर मगर छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं सभी को समझ में आ रहा है सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे आज हंड्रेड प्लस पार हो जाए फटाफट शेयर करें दबा के चलो एक चीज और नहीं बताया ये क्लास सिर्फ लाइव देख पाओगे लाइव के बाद पे नहीं रहेगी सिर्फ शुरू की तीन क्लास रहेंगी बस यूट्यूब पे इसलिए सारा काम धाम छोड़ के अगर पढ़ना है तो नौ से दस लाइव आओ फ्री में पढ़ाएंगे उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए फीस है इसकी साल भर की इसकी जगह पे जीरो लेकिन आप नौ से दस पढ़िए आके लाइव और ऐसी क्लास कभी पढ़ाया नहीं जैसा इसमें पढ़ाएंगे इसको कोई बताएगा नहीं मन बताओ भाई फटाफट चलो ठाकुर ऋषि चौहान बताइए जवाब दीजिए कितना आएगा चलिए एनी वन संभावी समझ में आ रहा है ज्योति सचिन वेरी गुड चलो देखो यहां पर होगा क्या तीन प्लस इनका गुड़ा होगा ये तो जीरो हो जाएगा प्लस प्लस नाइन माइनस वन जितना प्लस प्लस है, आपस में जुड़ जाएगा तो तीन सात दस नौ उन्नीस उन्नीस में से एक जाएगा अठारह आएगा ये जीरो नहीं आएगा देख लो वही हाल हुई वही वही, वही कौन बचपन वाली देखे थे कि नहीं कबूतर उड़ चिड़िया उड़ मैना उड़ बीच में कोई बोल दिया हाथी उड़ तो उसको भी उड़ा दिया हम्म बिल्कुल उड़ा रहे हैं कुछ लोग हमने यहां बताया जीरो हाथी मत उड़ाओ भाई हाथी नहीं उड़ सकता है तो अगर चार ठहरे में जीरो आया तो सब मत जीरो ना आए भैया देखा थोड़ा समझा हम्म जैसे देखो हाथी उड़ाने में कौन कौन शामिल है संभवी एम डी गुलाब संजीत मोनिका सिंह मोनिका त्यागी मोनिका तिग्ञा चलो ठीक है कर लो नकल तो ये था क्या जीरो का गुड़ा आगे आइए देखते हैं अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं चूंकि हम बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं पढ़ा नहीं रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सबर बना के रखना पड़ेगा एक अंक का एक अंक में गुड़ा करेंगे ठीक है एक अंक का एक अंक में गुड़ा करेंगे हम्म लगभग हर कोई कर लेगा पक्का आप बताओ ये इतना छोटा सा सवाल हम दे रहे हैं कि सवाल भी शर्मा जाए है ना कर लोगे ना कुछ लोग कह रहे होंगे इसको तो हमारा छोटका बटौ इतना बड़ा तो लड़का है जो कर लेगा इसको हमको पढ़ा रहे हैं इसको कोई बात नहीं अभी कुछ लोग के लड़का नहीं है जो उम्मीद में है तो उनको भी थोड़ा मोटिवेट करिए कि कैसे हो गया भाई चलो अरे मतलब सवाल कैसे हो गया लड़का नहीं उसको सबको जानते हैं चलो देखो क्लास शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग ना ठीक है मत करो चलो देखो सभी को टेबल आता है पहले एक बार हाथ खड़ा करो कितने तक आता है ईमानदारी के साथ झूठ नहीं बोलना हम टेबल की ट्रिक भी बताते हैं अगर आपको पहाड़ा नहीं आता कोई टेंशन नहीं पहाड़ा आप दस मिनट में याद कर लेंगे दस मिनट में पढ़ाते नहीं हम सिखाते हैं ना सिखा देंगे आप पहाड़ा बना लोगे समझ रहे हो कि नहीं हम आपको कोई चीज खरीदना नहीं बताते रटना हम आपको बनाना सिखाते हैं बना लो आप चलो देखो कैसे और कुछ लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश में काहे बोल रहा है तुमको पता है पहले हम ट्यूशन पढ़ाते थे होम ट्यूशन स्टार्टिंग में जब पी स्टडी नहीं था ये शुरुआत भी वहीं से हुई है तो हम सीबीएसई बोर्ड वाले अपने स्टूडेंट से इंग्लिश में पहाड़ा बोलना सीखे थे मतलब उसको नहीं लगा कि मैं सीख रहा हूं लेकिन मैं उसे सुनते सुनते सीख गया कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं क्योंकि मैं कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं था नहीं। और मैंने इंग्लिश मीडियम वाले इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया आईसीएससी सीबीएसई वालों को, को उनके मम्मी पापा नहीं समझ पाए कि हम हिंदी मीडियम वाले थे समझ रहे हो ये होती है प्रैक्टिस अभ्यास मतलब उनके माँ बाप आज भी नहीं समझ पाए कि हम हिंदी मीडियम वाले थे ये था एक अंक का एक अंक में गुड़ा ठीक है टेबल ट्रिक बताऊं कितने लोग कह रहे हो सिर्फ एक की ट्रिक बताऊंगा बाकी आप कमेंट करोगे बाद में मिल जाएगा ठीक है जैसे देखो अगर हमें सतरा का पहाड़ा नहीं आता है तो हम आपको सतरा का टेबल पढ़ने की ट्रिक बता रहा हूं आराम से हर किसी को आ जाएगा देखो कैसे पहले आप एक का पहाड़ा लिखो एक एक कम एक एक दूना दो एक तिहाई तीन एक चौके चार एक पंचे पांच इतना समझ में आते एक बार हां बोल दो फटाफट चलो बोलो बजरंग बली की जय संख्या हो गई पूरी दस हजार है ना दस हजार स्टूडेंट आ गए ना आज वेरी गुड चलो देखो बोलो ना मुंह से चलो वन का हो गया अब सेवन का टेबल लिखेंगे देखो नाइन टेन तक नाइन तक टेबल तो आपको आना चाहिए नॉर्मली आप याद कर सकते हो ठीक है सात एक कम सात सात दू चौदह सात त्रीक इक्कीस सात चौक अट्ठाईस सात पचे पैंतीस सात छंग बयालीस सात सत्ता उनचास सात अठे छप्पन बढ़िया कोई डाउट ना किसी को हम्म चलो हम पढ़ा रहे हैं सत्रह का टेबल कैसे बनाएंगे चलो देखो आओ चल भैया आजा 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 आजा, ये सत्रह ठीक है इसमें कोई खतरा नहीं है इसमें देखिए बीच के दो अंक को जोड़ लेंगे शुरू के ठीक है तो दो एक तीन कितना दो एक तीन तो ये हो जाएगा चौतीस स्टार्टिंग के दो अंक को आप जोड़ लेंगे तीन दो पांच तो ये हो गया इक्यावन देखते जाओ बाद में पहाड़ा सर्च कर लेना गूगल पे जो बनेगा वही होगा सत्रह 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 दोनों चौथी चौतीस सत्रह इक्यावन सत्रह चौका होता अड़फट आपकी अड़फट बनेगा देखो शुरू के दो अंक जोड़ो चार दो छे सत्रह पचे पचास ही होता है शुरू के दो अंक जोड़ो पांच तीन आठ शुरू के दो अंक जोड़िए छह चार दस बोलो बन रहा है कि नहीं सत्रह छक्का एक सौ दो बन रहा है ना समझ में आ रहा है मोनिका अमन पार्थ कुमार जारीना खातून लाई भाई है। चलो शुरू के दो अंक जोड़ो भाई सात चार ग्यारह शुरू के दो अंक जोड़ो आठ पांच तेरह ऐ रुकना रे दादा और लास्ट वाला छे शुरू के दो अंक जोड़ो नौ छह पंद्रह और फरा दामा एक सौ सत्तर शुरू के दो अंक जोड़ो वन में जीरो जोड़ोगे वन ही रहेगा ये हो गया पहाड़ा खत्म कितना आसान था ऐसे तुम टेबल बना लो नाइनटी नाइन तक का कोई भी टेबल कभी याद नहीं करना पड़ेगा ये तो था टेबल बनाना अब हम आपको जुगाड़ बता रहे इंडिया वाला समझ में आ गया ना किसी को कोई तकलीफ सगुन आया समझ में हिना खातून अर्चना यादव एक बार सभी हां बोलें फटाफट और ये सेशन को लाइक करें बहुत जल्दी एक बार बोलें आ गया यस मैथ नहीं आती तो क्लास छोड़ के ना जाना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के तो बने रहना ऐसे प्यार प्यार बन के समझ रहे हो जाना नहीं मैथ सिखा देंगे पूरी गारंटी है चलो देखो कैसे तो ये तो था टेबल की ट्रिक अब मैं जुगाड़ बता रहा हूं जुगाड़ देखो क्या है जैसे मान लो कि अगर हमें गुड़ा करना है नाइन्टी फाइव में किसका किसका मान लो हमें इसमें सत्रह का गुड़ा करना है अब चलो हमें पहाड़ा सत्रह का आता नहीं है कैसे करेंगे पता है आपको देखो सत्रह का पांच में गुड़ा करना है हमें नहीं पता कि सत्रह का पांच में गुड़ा करने पर कितना आता है तो हम ऐसे करेंगे सतराह का पांच में ऐसे गुड़ा कर लेंगे पांच सत्रह पैतीस हाफिल तीन पांच एकम पांच तीन आठ पचासी आया जान गए ना यहाँ लाके रखो सत्रह पच्चे पचासी का पा पांच हासिल आया आठ आठ इसके खोपड़ी पर रख दो समझे ना अब सत्रह का गुड़ा नौ में करना है हमें नहीं पता कि सत्रह का गुड़ा नौ में करने पे कितना आएगा तो क्या करेंगे सत्रह का गुड़ा नौ में कर लो यहाँ नौ सत्या तिरसठ हाँ नौ छः पंद्रह एक सौ तिरपन एक सौ तिरपन में आठ जोड़ दो एक सौ इकसठ हम्म एक सौ तिरपन में सात जोड़ेंगे एक सौ साठ एक सौ एकसठ बोलो ये जुगाड़ सही है ना ये बिना टेबल याद किए बिना बनाए उसके लिए नीचे नंबर चल रहा है बाबू कोई कॉपी पेस्ट ना करो अमन कॉपी पेस्ट ना करो नीचे नंबर चल रहा है दिन में संपर्क करना प्रिया शुक्ला समझ में आ रहा है सलमान खान सॉरी सलमा खान कंफ्यूज हो गया थोड़ा बीच बीच में थोड़ा एड ओड आएगा उसको भी देखते जाइएगा क्योंकि आप लोग फ्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो सहयोग करें तो टेबल ट्रिक आ गया सभी को चलो फिर आ गया तो फिर लगे हाथ देख लेते हैं आगे दो अंक का एक अंक से गुड़ा ठीक है देखो पहला पैतीस गुड़े सात दूसरा उन्तीस गुड़े छः हम आपको मैथ बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं ये मत भूलना तो ऐसी दशा में आपको कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जा सकती हैं जो बहुत ही छोटी छोटी हैं ए रे दादा रुक जा तू भाग का है। मेरे साथ चलो ठीक है आगे बढ़े क्या कहता है बोल ना का शर्मा था ससुरारी तो थोड़ी आया शर्मा ना इतना बोले रहा फटाफट चलो तो सात बचे पैतीस हाँ पैतीस देखो इनकी जोड़ी बनी ऑलरेडी तो भाई ये तो जोड़ी बनी है सिंगल नहीं है तो पैंतीस का जो पांच है ना इनके लाख यहाँ लिखेंगे और जो तीन है इनके खोपड़ी पे लिख देंगे इनके खोपड़ी पे ठीक अब सात इक्कीस इक्कीस में तीन जोड़ देंगे क्योंकि हाफिल था वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है तो ये चौबीस सभी को समझ में आया बीच बीच में हाँ बोलते जाओ वन 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 त्रिपल वन संख्या हो गई है वेरी गुड चलो यस बोलते जाओ फटाफट बहुत दिन बाद ये संख्या देखने को मिली है चलो इनका गुड़ा करेंगे छ नवाई चौवन चौवन भाई इनकी भी जोड़ी बनी ये भी सिंगल नहीं है मेरे जैसे देखो डबल नहीं ये इनके एक प्राणी को लाके रखते हैं दूसरे प्राणी इनके बन जाते हैं हाफिल ठीक तो फिप्टी फोर। फिप्टी फोर का फोर यहां हो गया फाइव हो गया कैरी एंड सिक्स टू जा ट में फाइव एड करोगे कितना? था। थान तो छानवाई वाई चौवन के चार हासिल पांच छह दूना बारह पांच सत्रह सही है ना आकाश शुक्ला समझ में आ रहा है माला आ रहा समझ में पूनम प्रिंसी महेश मुनीस मनीष इसको बता दो लगे हाथ कितना आएगा सी वाले में इतना तो दया करो ना थोड़ी हमारे ऊपर आगे बढ़े चलो ठीक है आगे बढ़ने के पहले थोड़ा पीछे बढ़िए कहते हैं जिंदगी को जीना है तो आगे देखिए और जिंदगी को समझना है तो पीछे देखिए तो पीछे देखो ना ये क्लास यूट्यूब पे सिर्फ लाइव देख सकते हैं उसके बाद यूट्यूब पे नहीं रहेगी अगर आप पहले दिन जुड़े हैं तो 9 से 10 डेली लाइव आइए 9 से 9:40 तक ठीक है सब कुछ छोड़ के आइए पढ़ना है तो फ्री सिखाएंगे दो हजार की जो फीस होती साल भर का वो नहीं लगेगी बिल्कुल फ्री और हम आपको यूट्यूब पर सिर्फ डेढ़ महीना में सिखा देंगे हाँ डेढ़ से दो महीना पूरा बेसिक खत्म लेकिन लाइव आना पड़ेगा आपको और नहीं आओगे बाद में नहीं मिलेगा पक्का नहीं मिलेगा और नहीं तो उसके बाद फिर ये वाला ऑप्शन है हाँ उसके बाद फिर ये ऑप्शन है नहीं आओगे तो।, तो चाहे तो आप डेली लाइव आओ नहीं आ सकते हो तो आप पी वी आर स्टडी ऐप में जाके उदय बैच ज्वाइन करिए उसमें भी यही मिलेगा सब अच्छे से जो आपको अच्छा लगे काजल रानी समझ में आ रहा है ठाकुर ऋषि चौहान आइए अब हम दो अंक का एक अंक से गुड़ा कर चुके हैं अब दो अंक का दो अंक से गुड़ा बहुत मजेदार चीज मिल गया देखो इसमें एक ट्रिक भी है दो अंक का दो अंक से गुड़ा देखो कैसे समझो भाई साहब इनका तुम्हें एक लाजवाब ट्रिक बताऊं मैं एक लाजवाब ट्रिक बताऊं क्या होती है समझो यहां पे पहला स्टेप अगर इनको हम ए बी और इनको सी डी मान लें ट्रिक देखना ट्रिक टेबल का कोनो काम नहीं है छोड़ दो तो पुराना जमाना हो गया वो स्मार्टफोन का जमाना आ गया देखो कैसे सबसे पहले स्टेप में आप बी और डी का गुड़ा करोगे पहले स्टेप में क्या करोगे बी डी का गुड़ा करोगे दूसर के स्टेप में ए और डी का गुड़ा करोगे और जोड़ दोगे फिर बी और सी का गुड़ा करोगे मतलब ए डी बी सी का गुड़ा करके जोड़ दोगे लास्ट में ए सी का गुड़ा कर लोगे बस खत्म खिलाड़ी चलो देखो बी और डी यानी लास्ट लास्ट इसका गुड़ा कर लो पचम पच्चीस पांच हाथी लाया दो तिरछा गुड़ा करो इनको चार पंचम बीस और तीन चौक बारह बीस में बारह जोड़ो बत्तीस बत्तीस हसीलवा दुई हो जाएगा चौंतीस का चार हांसी लाया तीन इनका गुड़ा करो चार बारह बारह तीन पंद्रह कैलकुलेटर से करके मुझे बताओ फट से सही है एक बार सभी कमेंट करो ये सही है हाँ या नहीं कैलकुलेटर से कर लो भैया पैतालीस का पैंतीस में अगर सही है अरे भाई गड़बड़ है का यार कुछ पैंतालीस का पैंतीस कुछ छूटा है एक मिनट रुको चार तीन बारह और हाफिल कितना आया था इसमें अरे बारह तीन पंद्रह कुछ गड़बड़ा गया का यार एक मिनट रुको कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे ये ट्रिक क्या नहीं सही है ना ये एक बार फिर से चेक करते हैं पैंतीस पंद्रह पैतालीस आ रहा है क्या ये कहाँ गड़बड़ा है भाई रुको भागना नहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका समाधान तुरंत होगा देखो यहाँ पे पचम पच्चीस पांच हांसी लाया दो तिरछा गुड़ा करके जोड़िए पान्तियाई पंद्रह अच्छा ये पांतियाई पंद्रह ये चार पंचे बीस भैया पंद्रह और बीस जोड़ना बाबू पैतीस आएगा कितना पैतीस पैतीस दो सैतीस के साथ हासिल आया तीन कितना आया तीन एक बार जोड़ दो तो लो यार पैंतीस दो हाफिल सैतीस के साथ हाफिल तीन और चार तीन बारह बारह तीन पंद्रह सही तो आ रहा है ना हाँ हमारा ट्रिक गलत थोड़ी हो सका था वो तो थोड़ा गड़बड़ाई कर गर गा नहीं से सभी को समझ में आ गया अनुज बात मत करिए बिल्कुल आनंद कुमार सही हो गया बिल्कुल देसी फार्मर बहुत बहुत बेलकम है जी आपका सब एक समझ में आता है ना एकदम मस्त चला आगे बढ़ी चला आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करूं एक चीज मांगू छोटी सी चीज है बताओ दोगे ना? पक्का देखो अगर आपके घर में और भी फ़ोन है मम्मी पापा भैया भाभी किसी का ऐसा भी कोई फ़ोन जिसमें इंटरनेट है लेकिन कोई यूज नहीं रखा है तो उसमें भी आप इस क्लास को प्ले कर देंगे ठीक है लेकिन ध्यान रहे कि इंटरनेट एक से कनेक्ट करके दो में ना चलाएं चाहे भले ना देखें ठीक है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होगा ठीक है तो आप ऐसा ज़रूर करें अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा है ब्रॉडबैंड है आपके पास और भी डिवाइस हैं तो फिर आप दो जगह चलाएं तीन जगह करेंगे ना कितने लोग और जो लोग इसका वीडियो बना के आप फोटो भेजेंगे हमें उनको एक सरप्राइज भी मिलेगा तो सभी को ये ट्रिक समझ में आ गया चलो देखो आगे तो ये ट्रिक समझ में आ गया आगे बढ़े सेवेंटी फाइव इसका मल्टीपल करना है फिफ्टी सेवन से आइए समझिए पहला स्टेप किनारे किनारे की नंबर का गुड़ा तो पांच सते पैतीस हासिल आया तीन दूसरा स्टेप में क्या करोगे साथी मेरे इनका क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ना है सात सता उनचास पचम पच्चीस उनचास पच्चीस कितना आएगा पचास पच्चीस चौहत्तर पचहत्तर होता है तो ये होगा चौहत्तर सॉरी हाँ सही तो है यार हाँ, चौहत्तर और तीन हाफिल जोड़ दोगे सतहत्तर का सात हाँसी लाया अब भी सात अब इनको किनारे किनारे गुड़ा करो सात पचे पैंतीस पैंतीस पांच चालीस दो बयालीस देखो सही है नैन्सी कोई बुक की जरूरत नहीं है बेसिक के लिए हम्म नेहा यादव वाचिंग टाइम बढ़ा दीजिए अच्छा बहुत अच्छा काफी समझदार हैं आप ऐसे ही समझदार लोग की तो जरूरत है हमें चलिए आगे बढ़े सी नंबर तो ये ट्रिक समझ में आई तो एक बार हाँ बोल दो सभी फटाफट नहीं समझ में आई तो ना बोलिए जल्दी करिए जरूरत है तो ठीक है लगे हाथ आप इनका गुड़ा करके जल्दी बता दीजिए आधा मिनट में कितना आएगा मैं बताऊं बहुत आसान है मुझे टेबल ओबल नहीं आता फिर भी बहुत ईजी है देखो कैसे आठ अठाई चौसठ का चार हांफिल आया छे और नौ अठे बहत्तर और तीन अठे चौबीस ये हो गया आपका सात दो नौ तो इसमें छ जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना एक सौ दो का दो हाफिल आया दस नौ तरीक सत्ताईस दस सांतिस. देखो सही है कि नहीं दोनों सही है कितनी जल्दी कर दिया ना टेबल ओबल नहीं पड़ा थर्टी एट का यह है गुड़ा करने की ट्रिक दो अंक की क्योंकि गुड़ा है टॉपिक तो मैं इसको बता दे रहा हूं तो आपने देख लिया दो अंक की संख्याओं को दो अंक की संख्या से कैसे गुड़ा करते हैं विद ट्रिक अब बेसिक भी देख लो भैया भी देख ले भाई लगे लगे हाथ बेसिक में ऐसे करते हैं पहले चार नवाई छत्तीस का छह हाफी लाया तीन और चार तियाई बारह और तीन पंद्रह ठीक है फिर लास्ट वाली गिनती के नीचे क्रॉस कर देते हैं और दो नवा अठारह का आठ हांसी एक दो ती आई छत ऐसे ठीक है अच्छे और ये पांच आठ तेरा हांसी एक सात एक आठ और हाफिल एक नौ समझ में आया सभी को किसी को कोई डाउट तो बताओ मुझे एनी डाउट कन्नू आपको पीवीआर स्टडी सर्च करना है बस सिर्फ पीवीआर स्टडी सर्च करना है मिल जाएगा फिर कर दीजिएगा बाकी शेयर भी होता है हाँ ज्यादा जानकारी के लिए सीखने के लिए आप नंबर पर मैसेज करिए बता दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पर ध्यान से देखिए प्यार से देखिए चल रहा है नंबर ये देखो ना हम पकड़े हैं ये है ना नंबर तो ठीक है बढ़िया है किसी को कोई डाउट तो बता दीजिए मुझे कोई तकलीफ नहीं ना चलो तो ये था दो अंक की संख्याओं का दो अंक की संख्या से ही गुड़ा करना अब हम देखेंगे तीन अंक की संख्या का तीन अंक गुड़े दो अंक बिल्कुल वैसे ही होता है कुछ नया नहीं है ऐसा ही होता बिल्कुल पहले चार से गुड़ा करेंगे पूरे में तो तीन सौ सतासी में पहले चार से गुड़ा करेंगे चार सते अट्ठाईस हासिल दो इसके खोपड़ी में लिख दो चार अठे बत्तीस दो चौतीस का चार हाफिल तीन यह लिख दीजिए चार तीन बारह बारह तीन पंद्रह चार सत्य अट्ठाईस हासिल दो चार अठे बत्तीस दो चौतीस हाफिल तीन चार तीन बारह तीन पंद्रह पंद्रह सौ अड़तालीस इसके नीचे क्रॉस करिए फिर अब दो से गुड़ा करना है पूरे में दो से गुड़ा करना है पूरे में दो सात चौदह चार हाँसी लेख दो सोलह एक सत्रह हांसी लेख दो तीन छा एक सात ये सात सात चार इनके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे लास्ट वाली गिनती के नीचे इनको जोड़ेंगे आठ में कुछ नहीं है तो आठ ही चार चार आठ सात पाँच बारह सात एक आठ वहाँ से लेक नौ उनतालीस <laughs> का चौबीस वाले में कोई कह रहा है कुछ भूला है क्या गदा होगा तुम एकदम न लायक हो कहा फालतू डिस्टर्ब करते हो सही है सब कुछ नहीं बोला कुछ आ जाते हैं इसे ठीक है हो गया तो इसी तरीके से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुड़ा करना है वैसे कर लेते हैं अगर मैं बताऊं तो एक और बता देता हूं वैसे भाग वाला आज नंबर नहीं आया यार जाने तो टाइम काफी हो गया बड़ी संख्याओं का गुड़ा ठीक है इनको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए मैं ये भी बता देता हूं इसमें जिनको मैथ सीखना है बार बार बोल रहा हूं क्लास छोड़ के नहीं जाना है ठीक है ईमानदारी के साथ जुड़े रहना है बस सिर्फ चालीस मिनट नहीं दे सकते आप मैथ सीखने के लिए बताओ क्या आप अपनी जिंदगी का चालीस मिनट नहीं दे सकते गणित सीखने के लिए आपको पता है गणित सीख करके अगर आपको सरकारी नौकरी ना भी मिली तो आप नॉर्मली ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को महीने के आठ देश दस हजार आप आराम से कमा सकते हैं जितना प्राइवेट जॉब में मिलता है सिंपल सी बात है समझ रहे हो ना और बाकी तो अगर बड़े लेवल पे आप कुछ करते हैं तो लाखों कमा सकते हैं आजकल इंडिया में ये बहुत अच्छा चांस है समझ रहे हो ये सिर्फ यूट्यूब पर लाइव चलेगी लाइव के बाद इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको ओनली लाइव मिलेगी बस तो सफली रखें देखते रहें अगर सीखना है तो मोनिका बेसिक मैथ है इसमें ट्रिक का कोई चांस नहीं है वो तो मैं एक बता दिया रिझाने के लिए आप लोगों को बस बाकी ये बेसिक है तो बेसिक ही सिखाएंगे पहले साथियों आज का टॉपिक है भाग करना क्या पढ़ेंगे आज भाग अनबी बंदना चौहान कमेंट आ रहा है पंकज सिंह प्रिंस एटीट्यूड गर्ल प्रिया शुक्ला आप पढ़ाई पे बात करेंगे कमेंट नहीं पढ़ेंगे अगले दस पंद्रह मिनट आइए तो आज का टॉपिक है भाग टॉपिक है क्या भाग डिवीजन वो भागना नहीं जो तुम भागते हो मैथ से नहीं अगर आप डेली क्लास में आते हैं ना तो हम आपकी मैथ से मोहब्बत करा देंगे भागने की तो बात छोड़ो अच्छी वाली मोहब्बत करा देंगे आंखों में नींदे ना दिल में करार और ये मैथ भी क्या चीज होती है यार ऐसा कहोगे आप चलो भाग में हम आपको कम से कम सात आठ टाइप का भाग बताएंगे ठीक है तो टाइप वन जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि हम आपको जीरो लेवल से सिखाएंगे तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे भाग में भी देखो भैया एक थी एग्जाम्पल देखा सा भाई पहले ऐफे ठीक है मतलब समझने वाली बात समझिएगा बाकी इसके नीचे भी चलूंगा तो तीन सत्य इक्कीस ठीक है घटाने पर आता है दो तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो होता है भाजक यानी जो संख्या से हम भाग करी थे वो कहा थे भाजक इंग्लिश में एक डिवाइजर कहा थे, का डिवाइजर और जो ऊपर आता है मिलता है वो होता है भागफल मतलब यही प्रसाद होता है वस्तु वाला इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू quotient. ठीक है भाग को हम जीरो से सिखा रहे हैं। तो पहले इनके हाथ पैर तो बता दें लड़का बच्चा कौन कौन थे इनके दादा परदादा कौन थे ना भाई भाग में क्या यही सब तो होता है ना मेरी आवाज आ रही ना ठीक है चलो नीचे जो बचता है इसको बोलते हैं शेषफल और जिसमें भाग करते हैं इनको बोलते हैं क्या बोलते वो भाज इनको बोलते हैं भाज्य इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं क्या बोलते हैं डिविडेंड इसको बोलते हैं डिवाइजर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक होगा तो बता देना लिखू कि ना लिखूं कहा लिखूं? लिखूं चलो फटाफट इतना छापो इतना छापो भाई चलो बढ़िया किसी को कोई डाउट राय रूपाली आ रहा समझ में कुलदीप सोलंकी मीना बेली गुड बहुत अच्छा भैया बेली बेली गुड बहुत अच्छा कितने अच्छे हो आप लोग अरे बेली बेली नहीं मतलब वेरी वेरी गुड छाप लिए तो बता देना कि हाँ मैंने छाप लिया आगे बढ़ जाऊं इंग्लिश में भी लिख दू कहा डिडियन ठीक है और क्वासियंट आगे चलूं, हो गया ठीक है तो इसको हो गया क्लियर बढ़िया आगे बढ़े ठीक है आ... बाकी कर लोगे ना आप लोग छाप लिया चला ठीक है तो अब हम पहले प्रकार की भाग पे चलते हैं ठीक है इंग्लिश वाला मैंने बता दिया लिख लीजिएगा आप कहोगे तो इंग्लिश हम बता देंगे फिलहाल अभी टाइम लगेगा और मुझे थोड़ा स्पेलिंग बहुत अच्छा क्लियर नहीं है इसको डिवाइजर बोलते हैं इसको डिबीडियंट बोलते हैं इसको क्वेश्चन बोलते हैं इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश वाले इतना बताने से समझ गए होंगे वो चलो तो टाइप वन में हम चलेंगे सबसे पहले टाइप वन में ऐसी भाग जो बिल्कुल शुरुआत करती है एकदम स्टार्टिंग मैथ की ठीक है देखो जैसे बाबू ये है सेवन इसका भाग करना है ट्वेंटी वन में तो एक के बार में अगर आप देखो तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा मतलब जीरो सुनना आ जाएगा मतलब शेषफल जीरो आ जाएगा कैसे देखो ये पहली प्रकार की वो भाग है जो बचवा भी कर लेगा छोटका वाला हाँ आप लोग का ना इसमें से अधिकांश लोग कहे हैं तो वो तो समझ ही रहे हैं मतलब जो टेबल में डायरेक्ट आ जाता है बिल्कुल फ्रंट पे ये देखो है ना इक्कीस तो सात का पहाड़ा पढ़ते हैं तो सात इक्कीस कितना तीन बार जाता है इक्कीस यानी जीरो से जाता है ये वो प्रकार की भाग है जो बिल्कुल बिना किसी मेहनत के हो जाती है हम्म चलो भैया एक दूसरे का कर लो इसी तरीके से जैसे मान लो बारह का किया और यहां बहत्तर तो बारह छंग बहत्तर इसको तो बिल्कुल वन क्लास एल के जी यूकेजी वाला भी कर लेगा लेकिन अभी रुकना 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 भैया जाना नहीं कहीं क्योंकि हम जीरो से सिखा रहे हैं ऐसा हम बोलते ही नहीं करते भी हैं प्रॉमिस मैंने कहा ना या तो उससे किया था या तो आपसे किया हूं तो जब करता हूं प्रॉमिस तो निभाता हूं किससे किया था कोई गैस कर पा रहा है क्या फोर्टीन जा हम्म चौदह नवैया एक सौ छब्बीस होता है ये वो प्रकार की भाग है जिसमें रिमाइंडर नहीं आता अमीन शून्य आता है ये पहला टाइप में है अभी मैं आपको नौ टाइप बताऊंगा उसमें फिर आपको लगेगा कि ये तो जानते ही नहीं थे ठीक है इसमें डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है भैया नो नो नीड फॉर डेफिनेशन काफी चीजें आपको इसमें आ रही होंगी लेकिन आपको फिर भी देखना है अगर मैथ सीखना है तो टाइप दो टाइप में जिसमें शेषफल आ जाता है जैसे मान लो मैंने सात का भाग किया चौसठ में एक एक आ गया, एक बार भाग गया शेषफल एक आ गया अभी हमें जीरो बार मतलब जीरो नहीं करना है ठीक है इसे छोड़ देंगे ये सेकंड टाइप की भाग में पढ़ रहे हैं, जैसे ग्यारह से भाग किया सौ तो में एक सौ दो तो में कर लो यानी यहां पर शेषफल क्या होगा सुनना नहीं होगा ठीक है बढ़िया ये सेकंड टाइप का भाग है प्रिया या तो समझ में आ रहा है स्टेटस आपको भी आ रहा है भैया भैया बच्ची क्या है तुम्हें पता अलोक सिंह देखो पूरा एंड तक देखना है अगर छोड़ के चले गए तो मैथ नहीं आएगी याद रखना कभी कोई इतना शुरू से सिखाएगा नहीं मैं बीच बीच में तुमको रोकने के लिए बकता हूँ जो भागते हैं लगता है आप कुछ नहीं होगा जिंदगी में नहीं अरे सबर तो रखो आजकल तो इतना ये सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया बन गया बर्बाद कर रहा है शार्ट वीडियो का फीचर ले आया शार्ट वीडियो में सिर्फ दिखा सकते हो अपने आप को नंगा करके बस मैं गौत कड़वी बात बोल रहा हूँ बाकी कुछ सीख नहीं सकते हो समझ रहे हो और वही लोग देख रहे हैं आजकल जितने वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं देखो क्या जा रहे हैं तो सब लोग चाहते हैं उसी साठ वीडियो में सीख जाए तो भाई जिंदगी इतनी साठ नहीं है साठ वीडियो में मैं नहीं सीख पाओगे पैंतीस सेकंड में चालीस सेकंड में समझ रहे हो ना सबसे ज्यादा व्यूज आजकल उन्हीं वीडियो में आ रहे हैं यूट्यूब पे देखो शार्ट वाले में लोगों ने धंधा खोल रखा है तो हमारे मुंह से जो निकलता है बड़ा कड़वा कड़वा रहता है टाइप नंबर सेकेंड था टाइप नंबर थर्ड में आगे बढ़े उसके पहले ये याद रखिएगा कि जो क्लास ये चल रही है अगर इसको आप लाइव नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि लाइव की बात तो यूट्यूब पर मिलेगी नहीं तो आप पी वी आर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए इसमें आप अगर जा करके बेसिक मैथ ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा ढंग से मिल जाएगा फिर आपको लाइव देखने की कोई बाध्यता नहीं होगी ठीक है ये आपके लिए ऑप्शन आप है बाकी यूट्यूब पर मैं फ्री पढ़ाऊंगा और फिर तभी पढ़ पाओगे जब आप लाइव आओगे तो भैया थर्ड टाइप में आगे बढ़ो थर्ड टाइप में कुछ अलग होगा यही सारी चीजें होंगी कुछ नया नहीं होगा देखो ये इसमें दो स्टेप इस में भाग जाएगा लेकिन शेषफल जो है वो जीरो आएगा जैसे नौ दूना अठारह सब किया बनाया ऊपर से आठ उतारा नौ दूना अठारह घटाने पर जीरो आया ठीक है बारह से भाग करेंगे आठ सौ चौसठ को कर लेंगे टेबल नहीं आता है तो बताना कमेंट करना बता दूंगा मैं टेबल का ट्रिक बताया था कल ना ये टेबल ना है, चुटकी में याद कर लोगे नाइनटी नाइन तक बारह सत चौरासी घटाने पर दो आया ऊपर से चार उतारा बारह दूना चौबीस ये दो स्टेप में जा रहा भाग बट जीरो से आ रहा है एक नजर अगर देखो हाँ पहली नजर में तो नहीं समझ पाए तुम ये भाग भी देख लो सेकंड टाइप ये पहला टाइप देख लो दिख रहा है तो भैया कुछ अंतर लग रहा है नहीं तीनों में क्योंकि जीरो से सिखा रहा हूं मैं ऐसा नहीं मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता अगर आपको आता है तो तसल्ली रखें तसल्ली रखें जिनको आ रहा है देखो मैं रोज बताता हूं ना तुम्हें पता होता है शादी में कि वही सारी रस्में होंगी फिर भी जाते हो रात भर बैठे रहते हो हम्म और जो आशिक है उन आसिकों से पूछो जो रात भर हूं करते हैं उनको पता है वही होने वाला जो पिछले वाले में हुआ था फिर भी लगे रहते हैं तो अगर तुम्हें पता भी है कि आगे क्या करेंगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे हमें आता है फिर भी लगे रहो यही जिंदगी है सीखोगे बहुत कुछ आओ चलो अगला एक क्वेश्चन और तेरह से भाग कर लो पांच सौ को कितना आएगा शेषफल कमेंट करिए जल्दी चलिए बताइए पार्थ कुमार प्रिया सूरज करण आलोक सिंह रात नौ से दस टाइम है नौ से नौ चालीस नौ बजे फिर नौ चालीस तक चंचल शाम्भवी देवेंद्र बढ़िया है आगे बढ़े चलो टेबल का ट्रिक कुछ लोग के कंफ्यूजन में है चलो बता देता हूं एक ठीक देखो टेबल का ट्रिक कैसे बनाना है जैसे मान लीजिए मैंने टेबल दे दिया अठारह का इतना गंदा भी ना लिखे जाए सोलह लिख लो सोलह का टेबल नहीं आता इसकी ट्रिक कैसे होती है मैं आपको एक मिनट के अंदर क्लियर करना चाहता हूं देखिए सबसे पहले आप एक का पहाड़ा लिखोगे एक दूना दो एक तिहाई तीन चौका चार पंचे पांच छक्का छ एक का पहाड़ा लिख लोगे गिनती लिखना है ये पहला स्टेप है दूसरा स्टेप में क्या करोगे इसका पहाड़ा लिखोगे छे का बस एक मिनट में टेबल का ट्रिक बता दे रहा हूं सोलह का पहाड़ा आपको याद हो जाएगा एक मिनट में छूना बारह त्रिक अठारह छह चौक चौबीस नवाई चौवन छह धामा सत्तर ये तो आपको याद है न? बढ़िया चलो साथ ही मेरे अब क्या करना है? ट्रिक बनाना बाबू देखो 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 ना मगर प्यार से देखो ऐसे ना देखो देखो ये सोलह तो ठीक है ये स्टार्टिंग के दो अंक जुड़ जाते हैं टू में वन एड करेंगे तो थ्री हो जाएगा बबुआ और ये बगल वाला टू थर्टी टू स्टार्टिंग के दो अंक जोड़ लो फिर से तीन में एक जुड़ेगा चार और बगल वाला आठ स्टार्टिंग के दो अंक जोड़ लीजिए चार में दो जोड़ेंगे छे लास्ट वाला अंक ऐसे उतर जाएगा पांच में तीन जोड़ो आठ तीन जोड़ो नौ शुरू के छह में तीन जोड़ो नौ और छह वैसे उतार लो इतना समझ में आया तो एक बार हाँ बोल दीजिए इज्जत के साथ मतलब समझ रहे हो मतलब इज्जत के साथ का मतलब बुरा ना मानना इज्जत साथ में ही रहती है इसलिए बोला चलो बहुत अच्छा वेरी गुड सूरज रिसु कुशवाहा चिक्कू बहुत बतला रही हो तुम लड़की हो कि लड़का हो कि कुछ और हो क्या हो हम समझ नहीं पाए बड़ा कंफ्यूज है करण सब लोग हाँ बोलेंगे आपके उसकी कसम है जिसका ऊपर से मैसेज आ रहा अभी उसको भी बता देना और हाँ लेके आया करो साथ में पूछे ना कहाँ गए थे इतना देर तक कह तो चल पढ़ लिख ले कुछ जिंदगी में मिल जाएगा लेके आकरो सभी हाँ सात चार ग्यारह और बगल वाला दो आठ चार बारह और ये आठ नौ पाँच चौदह और ये बगल वाला चार एक में जीरो जोड़ोगे एक है रहेगा ये सत्तर है भाई यह नीचवा का होगा वो हो? छः नवाई चौवन छः दामद साठ वो थे भैया निचवा गलत रहन एक में जीरो जोड़ोगे एक एक सौ साठ सभी को समझ में आ गया तो एक बार हाँ बोलते ईमानदारी के साथ सभी का आवाता है हो सिंगल एक को लोग ना हमें पता है तू सब डबल आ और यहाँ कुछ लोग तो तिरपल चौबल पंचबल पता नहीं कैट हो रहा है लेकिन कहेंगे ना बाबा हम ऐसे यहाँ अकेले तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कितने हो झूठ ना बोलो चलो समझ में आ गया सभी को टेबल ट्रिक तो ऐसे टेबल बना लेते हैं समझ रहे हो कि नहीं आ, कोई पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है हाय वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है और कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है तो पद चिन्ह बनाइए पद चिन्हों पर मत चलिए अगर आपने सुना है किसी बड़े महान आत्मा की कहानी कि वो ऐसे करता था ऐसे करता था सुबह छह बजे उठ 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 जाता 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 था, चार जाता था, जाता था, बजे 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 सुबह गंगा जी में नहा के आ जाता था। तो तुम ऐसा नहीं करना क्योंकि टाइम बदल चुका है तब गंगा जी अलग थी तब टाइम अलग था अब पता चले छह बजे नहाने जाओ तुम मगरमच्छ गिर ले जाओ तुमको तो सुबेरे चार बजे तब हो सकता ना रहते हो पहले मगरमच्छ तो कोई किसी के पद चिन्ह पे नहीं चल सकता है अपने आप को ऐसी जगह फिट करने की कोशिश ना करें जो आपके काम की ना हो बाकी अपने हिसाब से जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे करिए मत देखिए फलन में टॉप की आठ घंटे पढ़ता था अठारह घंटे पढ़ता था हम भी टॉप करेंगे एक अच्छे जगह पर पहुंचने के बाद ना लोग बड़ा झूठ बोलते हैं समझ रहे हो ना लकलक -लक की बात होती बस बाकी बात करेंगे बाद में चलो आगे पढ़ते हैं ठीक है तो हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन तुम बस एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना समझ रहे हो आ गया हूँ मैं बैटरी हो गई थी डिस्चार्ज लेकिन हम तो फुल चार्ज हैं अभी तक चलो आ, टाइप नंबर फोर में आ जाओ भैया एम में का है एम में तुम कुछ भी करो शेषफल बचेगा शेष फल बचेगा लिखो पांच सौ सैतीस को 13 से भाग करने वाला ये भी इसी का हिस्सा था ठीक है हम जीरो से सिखा रहे हैं तो करना पड़ेगा चलो देखो थर्टीन का भाग कितनी बार जाएगा इसमें देखिए एक चीज है कहा पता है देखो तेरह का पहाड़ा हमें नहीं आता और ये इतना बड़ा गिनती भी हमें समझ में आ रही तो कितनी बार जाएगा कैसे करेंगे इसमें का दो अंक लेते हैं इसमें का भी दो अंक लेते हैं और यही में ट्राई कर लेते हैं सोच लेते हैं कितनी बार जाएगा तेरा चौका बावन चार बार ना हम्म ठीक है तो चार बार तेरा चौका बावन लेकिन इतना गंदा भी को लिख रहे हो अब यार एक ऊपर से सात द्वारा अब तेरह कम तेरा घटाने पर चार आया देखिए टाइप तीन टाइप चार में क्या अंतर है अगर आप एक जीरो लेवल मैथ के लर्नर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अंतर लग रहा होगा स्टेप दो ही इसमें भी गया बट इसमें सेसफ आ रहा है उसमें सेसफफल नहीं आ रहा था अभी आगे हम शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार भी बताएंगे जिसमें हम बताएंगे कि पांच के ऊपर ऐसे बार लगा रहता है ना तो ये कैसे पांच बटा न हो जाता है ये भी इसी का हिस्सा है जो भाग पढ़ रहे हो बताऊंगा आगे नौ से कर लो चार सौ को कितनी बार जाएगा जरा देखो एक बार फोर्टी नाइन में इसमें ट्राई करेंगे तो नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव सब ट्रेक करेंगे कितना आएगा फोर हम्म कितना आएगा फोर ना ऊपर से क्या करेंगे सेवन यहां लिख लेंगे और फिर से फाइव बार जाएगा घटाने पर कितना आएगा दो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो वाले को पढ़ा रहे हैं नहीं ये वाले को नहीं पढ़ा रहे हैं ये कक्षा पांच वाले के मम्मी पापा को पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा था मैथ नहीं आई फिर भी माँ बाप तो बनी सकते हैं पढ़ाई से उसका कोई संबंध है नहीं तो अब उनको पढ़ाने में बड़ी शर्म लगती बच्चों को तो इसलिए वो सीखते हैं कुछ ऐसे हैं जो टेट सीटेट सुपर टेट देते हैं आ? वो भी उसी लाइन में लगे हैं कि नौकरी मिल जाएगी तो फिर हमें मम्मी पापा बनेंगे तो वो लोग पढ़ते हैं ये मैं कक्षा एक दो वाले को नहीं पढ़ाता हूँ निवेदन कर रहा हूँ जो लोग गार्जियन देखते हैं संपर्क करते हैं हमारा हुआ वन में पढ़ता है गुरुजी होम ट्यूशन पढ़ा दो तो भैया उनके लिए नहीं है ये ये उनके लिए नहीं दस से भाग करेंगे इनको शेषफल बताओ फट से चलो जल्दी करिए जिनको मैथ सीखना है कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा और जो चले गए वो समझ लो चले गए वो समझ लो सिर्फ ब्याहन के लिए पढ़ रहे हैं वो गए जिनको जल्दी थी वो चले गए आइए पांच नंबर पे आगे बढ़ते हैं जो रियल में मैथ सीखने वाले वो नहीं जाने वाले हैं ठीक है और हां एक चीज और ये क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में नहीं मिलने वाली सिर्फ लाइव देख लो अच्छा, अगर तो अच्छी बात है लाइव नहीं देखते हो तो नहीं मिलने वाली है सिर्फ शुरू के तीन वीडियो मिलेंगे उसके बाद नहीं मिलेंगे कितनी बार जाएगा बताइए कितनी बार जाएगा एनीमन सचिन बताओ विशाल कितनी बार तीन बार जाए ना भैया सत्रह इक्यावन घटाने पर एक आया और ऊपर से उतार लिया पांच आप क्या इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि वन बार ले जा रहे हैं तो यहां पर सत्रह आ रहा जो कि बड़ा हो जा रहा है खतरा हो जा रहा है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आप सभी मुझे हाँ या नहीं में जवाब दो क्या इसको ऐसे छोड़ सकते हैं नहीं एक सूत्र होता है इसमें रख के उसको चेक करते हैं इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि सही है गलत है अगर इसमें रखने के बाद वो सही नहीं बैठा तो मतलब सवाल वो गलत है भाग गलत है जैसे देखो भाज्य 525 सौ पच्चीस और भाजक सत्रह भागफल तीन शेषफल अगर रख दें पंद्रह सत्रह इक्यावन धन पंद्रह भैया देखो ये दोनों बराबर आना चाहिए बराबर नहीं है ना यानी ये भाग गलत है क्या है भाग गलत है पॉइंट नहीं ले जाना है ऋतु कटरिया पॉइंट नहीं लगाना यहाँ यहां पॉइंट की बात नहीं हो रही दशमलव नहीं लगेगा ना देखो एक्चुअली में बात यह है इतनी सी है कि जब हमने ऊपर से पांच उतार लिया पहले घटाने पर एक आया था अगर हमने ऊपर से एक नया नंबर उतारा है तो हम भाग जरूर ले जाएंगे अगर वन टाइम नहीं जा रहा तो जीरो बार ले जाते हैं और जीरो बार किसी भी नंबर में भाग ले जाने पे हमेशा जीरो आता है शेषफल में कोई बदलाव नहीं होगा शेषफल में कोई बदलाव नहीं होगा बट जो भागफल है वो चेंज हो जाएगा और अब रख लो ये भाग सही हो गई देखो आगे बराबर ना तो ये था क्या भाग का एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कृपा शंकर आ रहा समझ में शैलेश तिवारी प्रिया शुक्ला हीना सुभद्रा यादव चलो आगे बढ़ते हैं पांच नंबर में एक देखा आपने अब ये इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला नंबर में सोलह का भाग करेंगे आठ सौ पंद्रह में कितना भागफल आएगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो कितना आएगा हम्म कितना भागफल आएगा भैया नहीं पता है क्यों का सच्चे में नहीं पता है हा? कसम से चलो देखा फिर सोलह पंचे अस्सी पहाड़ा पढ़ा जाता है कहोगे कैसे कर लिया एक के बार में सोलह पंचे अस्सी ये बाल दाढ़ी मैंने धूप में नहीं पकाए हैं यहीं पकाए हैं पढ़ा पड़ा के तो घटाने पे कितना आया वन अब देखो वही कंडीशन यहाँ भी बनेगी ऊपर से पांच उतार लिया अब देखो इसमें अगर वन बार ले जाओगे ज्यादा हो जाएगा फिर जीरो बार जाएगा और यहां पर जीरो बस ये तरीका है यही पे लोग फंस जाते हैं ठीक है बढ़िया तेरा से कर लो चार सौ दो को मुझे बताओ कितना आएगा ईमानदारी के साथ मुझे इसमें आंसर बताइए आधा मिनट के अंदर चलो बताइए चंचल आदित्य राज ऋतु हर्षल पता बाबू भैया फटाफट देर ना करो यार का है, को इतना लफड़ा कर रहे हो तुम लोग भाई कहा हो रहा है यहाँ पे ये ए, जाओ यहाँ से आप हम्म ना ना, ना भागो यहां से ठीक है चलिए ये यहाँ पे हमारे जो साथी लोग होते हैं मैनेजमेंट वाले ये कभी कभी बवाल करने लगते हैं आपस में जिसे कहते हैं ना हुदंगाई कर रहे हैं बैठ के इनको लग रहा है कि यहाँ सिनेमा हाल चल रहा है ठीक है कितना आएगा भागफल एनी वन पूजा कुमारी वेरी गुड दर्श सिंह चंचल स्मार्ट स्टूडी कहाँ पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं चलो भाई साहब तेरह तीय उनतालीस घटाऊबा ना भैया तो आए एक ऊपर से दो उतार लेबा अगर एक बार ले जाबा तो जाए ज्यादा तो जाए जीरो बार और जीरो बार जाए यहाँ जीरो लिख देबा लिख देबा लिख देबू कैसे बोले ऐसे ना फिर का घटाएंगे तो कितना आए बारह बस होएगा खत्म क्योंकि कौनो दिक्कत नाट कोई परेशानी नहीं चलो बहुत अच्छा वेरी गुड सब मस्त चल रहा है तो ये था भाग का आपका टाइप नंबर मेरे यार कौन सा था वो पांच कौन सा था ये ये टाइप नंबर पांच था स्क्रीन ले लीजिए जो दिख रहा है स्क्रीन पर यह सिर्फ यूट्यूब पे लाइव होगा लाइव के बाद ये डिलीट कर दिया जाएगा टाइप नंबर छ में आगे बढ़ो भाई पंद्रह से नौ सौ चौदह में भाग करके मुझे बताना रुको ये होमवर्क है एका सब कहीं की बताया आराम से कर रहे हैं टाइप नंबर छह में आगे बढ़ा सभी को समझ में आ रहा किसी को कोई दिक्कत कोई लफड़ा नहीं ना हम्म चले अच्छा है चलो ठीक है सभी को समझ में भी आ रहा है ना बढ़िया है छह नंबर और सात नंबर में देखिए क्या है दो बार में भाग जाने के बाद पूरा पूरा कट जाना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है रुकना थोड़ा सा मुझे इसको समझने देना टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार और अफांत दशमलव प्रसार हम्म ठीक है यहीं से कुछ मैटर फिरियस होता है लिख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव प्रसार इसमें कहा है ना कि आठ से सात में भाग करेंगे छटके में ठीक है क्या इसमें कोई भागफल बताएगा एनीवन कोई भागफल बताएगा इंटरटेनमेंट का अड्डा तुम्हें मैंने ना दस मिनट के लिए नहीं पांच मिनट के लिए होल्ड किया है बहुत बात कर रहे हो आओ मैं बताता हूं पहले साथी मेरे सबसे पहले जीरो बार ले जाएंगे बिना कुछ किए जीरो बार प्यार से किसी में भी भाग ले जा सकते हो अपना हिस्सा है फिर दशमलव बढ़ाते हैं यहाँ पे जीरो उतारते हैं और फिर आठ बार जाता है एट एट जा सिक्सटी फोर नौ बार ले जाओगे सेवेंटी टू ज्यादा हो जाएगा घटाओगे छह आएगा एक बार दशमलव बढ़ाया था तो आप जीरो उतार सकते हो आठ फतेह छप्पन ऊपर से चार उतार लोगे एक बार दशमलव बढ़ाया तो आप जीरो उतार सकते हो फिर पांच बार जाएगा और ये यहीं पर निपट जाएगा पांच बार में खत्म पर जीरो आ गया यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है देखो इसकी कहानी बता दूं ऐसी कंडीशन कब कब होगी इसी में यह भी सीख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनको बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार और अफांत दशमलव प्रसार ये यदि कोई भिन्न जो दी गई है देखो ये जो लिखा है इसका मतलब यही है ए उल्टा लिखे या दादा इसका मतलब ये है ठीक है ये क्या है यही चीज है जो मैंने यहां हल किया है अगर दी गई भिन्न के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो दो के रूप में आए या पांच के रूप में आए या दो और पांच दोनों के रूप में आए तो ऐसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा इन दोनों के अलावा अगर साथ में कुछ और आ गया तो अशांत होगा समझ रहे यहां पे देखिए इनका गुणनखंड सिर्फ दो के रूप में है तो सात बटा आठ का अभाज वो जो दशमलव प्रसार है क्या शांत है जीरो से आ रहा है ठीक है अगर ये ऐसे हो जाए मान लो उन्नीस बटा चालीस ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं साथ ही मेरे वो नाइस बटा दो का घात तीन और पांच का घात एक फिर भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है दो और पांच के रूप में आ रहा है ठीक है चालीस को हम ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि इसका मान आठ हो जाएगा या पांच आठ पंचायत चालीस लेकिन लेकिन क्या लेकिन का लू आठ सुने हो कभी ना ही शब्द देखो पहले सब जान जा देखा लेकिन Uh, अगर ये ऐसा है कहीं पैंतीस बटा ऐसे पैंतीस सात की घात एक तीन का घात दो इसका अभाज्य गुणनखंड अब शांत नहीं होगा अशांत होगा क्यों क्योंकि यहां पर जो क्या है हर का भाज गुणनखंड है वो दो और पांच के रूप में नहीं है ठीक है भाग करके देख लो तिरफर्ट से पच्चीस को भाग करोगे कभी भी जीरो स्पल नहीं आएगा करके देख लीजिए सभी को समझ में आया कोई डाउट ना कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना रे बाबा चलो बढ़िया है हम्म तो अभी इसी टाइप का हम पढ़ेंगे वो तो एक्स्ट्रा बता दिया अलग बात है इसी टाइप में कुछ और भी कर लीजिए बताइए क्या करें ऐसा कुछ और क्वेश्चन बताइए सोलह से ग्यारह भाग करो सोलह से भाग करिए ग्यारह में भागफल बताइए कितना आएगा पूजा कुमारी चंचल सचिन विशाल सलमान खान हिना पंकज मोहित मिश्रा देखो भैया आसान है आओ चलो पहले जीरो बार ले जाबा ही आराम से इनका घटा ले है फिर दस हमलो बढ़ा लेबा यहाँ जीरो उतर कितना बार जाए छह बार जाए सोलह छक्का छानबे सोलह सत्तर ले जावा गड़बड़ाई जाए सोलह सत्तर एक सौ बारह <coughs> एक सौ बारह ज्यादा हो जाए तो सोलह छक्का छानबे ना घटाओगे कितना आएगा छब्बीस सही घटा घटाएगा हो गलत का, का है? अरे गलत है तो गलत है अरे सोलह आएगा यार आप देखिए एक बार दस तो जीरो उतार लेंगे ठीक है? एक काम ये भी तो कर सकते थे अब जीरो रुका है रुको मिनट फिर ऐसा कैसे हो रहा है सोलह नहीं आएगा रे दादा चौदह आएगा घटा नहीं पा रहा दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक है आप समझ में आया कोई नहीं बताया इतना देर में कोई कमेंट भी नहीं किया जीरो उतार लिया कितनी बार जाएगा सोलह सत्ते एक सौ सो बारह सोलह अठे एक सौ सो अट्ठाईस सोलह नौ कितना होता है नौ छंग चौवन हासिल पांच और नौ एकम एक नौ पांच चौदह एक सौ चौवालीस होता है जाएगा नहीं नौ बार आठ बार जाएगा आठ छंग अड़तालीस का आठ हासिल आया चार आठ एकम एक आठ चार बारह अगर ये तीस होता तो घटाने पर दस आता बट ये दुई और कम है तो घटाने पर बारह आएगा ठीक है फिर क्या करोगे फिर से जीरो उतार लोगे सोलह अट्ठे एक सौ अट्ठाईस सोलह सत्ते एक सौ बारह कितना जाएगा भैया कौनों बताया था का छ आठ सात पांच हाँ सोलह सत्ते एक सौ बारह बहुत अच्छा घटाओगे आठ आएगा ऊपर से जीरो उतार लो पांच बार जाएगा सोलह पंचे अस्सी देखिए इतना कुछ ओझाई करने के बाद लास्ट में जीरो आ गया यही था क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसीमल एक्सपेंसन दशमलव परफार ये इसलिए जीरो आ गया क्योंकि ये ग्यारह बटा सोलह है सोलह जो है उसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ दो के रूप में होगा बस इसीलिए लीजिए कोई दिक्कत है बताओ नहीं ना कोई परेशानी नहीं ना ये क्लास में थोड़ी लंबी खींच दूं क्या दस बजे वाली छोड़ दूं क्या पढ़ते हैं नहीं ये लोग गधा टाइप के आ जाते हैं खच्चर टाइप के दो चार पांठी आप लोग देखो कितना प्यार से पढ़ते हो ना नहीं प्यार ज्यादा हो जाएगा बहुत देर तक पढ़ाएंगे तो फिर भाव खाने लगोगे आप लोग तो इसमें और भी एक थी बताऊं एक थी और लिख लो तो 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 इसी में लिख लो ना यार काहे को अलग ले जाऊं इकट्ठा दिखेगा अच्छा लगेगा सुंदर लगेगा आठ से भाग करो पांच में और मुझे बताओ भागफल फटाफट चलो बताओ आठ से भाग करो पांच में भागफल बताओ सब जी नमस्ते जो समझेंगे प्यार से बिल्कुल दिल से एकदम उन्हीं को समझ में आएगा एक और आपको अच्छी बात बता दूं बीच में ज्ञान की बात बताता हूं दिन में कभी कोशिश किया करिए दो तीन चार घंटे मोबाइल अपने से दूर रखा करिए कुछ भी करिए आप किताब पढ़िए बिस्तर पर जाइए लौटिए योगा करिए उठक बैठक करिए कुछ भी करिए पोछा लगाइए कमरे में झाड़ू लगाइए खाना बनाइए खाइए कुछ भी करिए मोबाइल तीन चार घंटे दूर रखिए ना गाना सुनिए ना कुछ देखिए ना किसी से बात करिए कुछ नहीं धीरे धीरे आजमाइए बहुत फायदा मिलेगा अगर एक ही रूम है तो बंद करके उसको साइलेंट करके बारजा वारजा है ऊपर बिलुका का कहीं वहीं डाल दो अगर इतनी आदत खराब है तो ले जा कहीं छुपा जाओ बाथरूम वाथरूम में हा? पता चला चोर उठा लेगा फुर्सत हमेशा के लिए लेकिन कैसे भी करके दूर रहो कोशिश करो मोबाइल अपने रूम में छोड़ दो ताला बंद करके अपनी फ्रेंड वाली रूम में चले जाओ बगल में कैसे भी करके ठीक है ये अच्छी बात है ट्राई करना फिर मुझे बताना इसका रिजल्ट लेकिन जिनके बाबू हैं वो तो महाभारत कर देंगी कि तुम कहाँ गए थे किसके पास गए थे आराम जा दे चल बताओ इतना देर इसीलिए तो आधा जी रहे आधा मर रहे हैं टाइप सेवन में देखिए यह है नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे फर्स्ट वाला ट्वेंटी में डिवाइड बाई तीन ट्वेंटी में डिवाइड बाई तीन कितनी बार जाएगा जरा ट्राई करो एक बार आइए देखिए ट्राई करते हैं चलो आगे बढ़े दस बजे वाली भी पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत तीन छंग अठारह घटाएंगे कितना आएगा दो ठीक है अब ऊपर आप डेसिमल बढ़ाओगे जीरो उतारोगे फिर से वही जाएगा तीन छंग अठारह फिर से घटाओगे फिर से दो फिर जीरो फिर तीन छंग अठारह फिर से दो फिर जीरो उतारोगे फिर तीन छंग अठारह ये बिल्कुल कना हो गया कना, समझ रहे हो ऐसे करते जाओगे करते जाओगे ये कटेगा नहीं जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा बुढ़ापा से लड़के बच्चे हो जाएंगे उनके शादी भी हो जाएंगे लड़के उनके भी हो जाएंगे नाती पोता हो जाएंगे लेकिन ये कटने वाला नहीं तब तक नहीं कटेगा तो फिर नाती पोता आपके बोलेंगे बच्चों के बच्चे कहेंगे बस करो अब बहुत काट लिया इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है अनवसानी आवर्ती ऐसा कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में हिंदी में छोड़ो हिंदी अंग्रेजी में जानो तो इसको हम लिखते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ऐसे डॉट 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 इनको शॉर्टकट में लिखने के लिए इनके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं समझ में आया क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं लिख लो फटाफट चलो लिखिए जल्दी से चलिए आगे बढ़े मस्त है अरे अबे दस बजे डीएलएड वाले भी शुरू कर देंगे उनको भी यही दिखाएंगे आज आज यही दिखाएंगे आज ही लंबा चलेगी गुरु चलो तो ये हो गया मस्त आगे बढ़ू इसमें का एक और कर लो तीन से भाग करिए दस में तीन से भाग करिए दस में ये भी वैसे ही जाएगा करके देखिए घटाओगे एक आएगा जीरो ऊपर दस बढ़ाया तो नीचे जीरो उतारा अब तीन तरीका नौ घटाने पर एक आया फिर जीरो उतारा फिर तीन तरीका नौ ऐसे आप घटाते जाओगे बार बार ये जाता जाएगा फाइनल में आप इसको भी लिख सकते हो ऐसे दस बटा तीन बराबर थ्री पॉइंट थ्री के ऊपर बार ठीक है कोई दिक्कत ना चलो आगे देखो देख लिया सब भाई, आगे चली देखो अगर इसमें हम आगे बात करें पांच बटा नौ यह भी ऐसे पांच में भाग करो नौ से पहले जीरो बार घटाओ पांच आएगा ऊपर दशमलव बढ़ाया जीरो नौ पचे पैतालीस घटाने पर पांच आया दशमलव बढ़ाया था आप जीरो उतार सकते हो फिर नौ पचे पैंतालीस फिर घटाओगे पांच आएगा फिर जीरो उतारो ये फिर वही कंडीशन कभी खत्म नहीं होने वाला है तो बार बार फाइव रिपीट हो रहा है इसलिए इसको लिखेंगे जीरो पॉइंट पांच पांच के ऊपर बार समझ में आया ना बाबू भैया अमन संदीप प्रिंसी टू कह रहा सिर्फ गर्ल सबका आंसर गदहा नहीं तो तुम पढ़ भाई कहाँ करते हो तुम गर्लेस से बात करने के लिए तो आते हो हम्म हाय फलानी क्या कर रही हो इसमें वही होता है हमारी क्लास में 120 में से 100 लड़कियां होती हैं 20 लड़के होते हैं और वो लड़के भी पढ़ने के लिए नहीं आते हैं अरे मतलब कुछ अपवाद हो सकते हैं गरियाना नहीं वो भी कुछ जुगाड़े में आते हैं कहते हैं पढ़ाई लिखाई में हासिल होगा हाँ पढ़े लिखेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी अच्छी नौकरी मिलेगी तो शादी होगी अच्छी सी हाँ अगर मैं पहले ही अच्छी शादी वाली खोज लू पढ़ने का मतलब नौकरी का मतलब सोचो शॉर्टकट ट्रिक है कि नहीं हाँ ये जो अब तक मैंने बताया इसमें वन डिजिट रिपीट होता था अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसमें वन से अधिक डिजिट रिपीट होंगे ठीक है वन से अधिक डिजिट रिपीट होंगे क्या टाइप नंबर था भैया सात था टाइप नंबर आठ टाइप नंबर आठ देखो देखिए रिपीटिंग मोर देन वन नंबर जैसे इसमें का है पहला वन अपान सेवन भैया बहुत बड़का वाला भाग है यार बहुत बड़का वाला है कर दूं क्या हा? देखो लगाता हूं चलो पतला पतला लिखूंगा मैं इसको जिससे ज्यादा आए सात से भाग करना है वन में ठीक है पहले जीरो बार जाएगा घटाओगे वन आएगा सभी को दिख रहा है ना बढ़िया है आज मैं डीएलएड वाली क्लास में भी यही दिखाऊंगा चलो आ देखो फिर क्या किया मैंने सेवन का इसमें भाग किया वन बार ले जाने पे ज्यादा हो रहा था तो हम जीरो बार ले गए पहले तरीका ऐसे ही करते हैं हमेशा अगर वन बार नहीं जा रहा भाग वन बार ले जाने पे ज्यादा हो जा रहा तो हमेशा हम शून्य बार ले जाते हैं ठीक है बढ़िया पहला हो गया अब दशमलव बढ़ाएंगे यहां जीरो उतारेंगे सेवन वंजा सेवन घटाएंगे तीन आएगा ठीक है एक बार दशमलव ले गए तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया हम बार बार जीरो उतार सकते हैं सात चौक अट्ठाईस घटाएंगे दो आएगा आप फिर से जीरो उतार लेंगे कुछ नहीं करना है सात दूना चौदह घटाएंगे छह आएगा ऊपर से जीरो उतार लो ठीक है दिख रहा है ना सात अठे छप्पन घटाएंगे चार ऊपर से जीरो कितनी बार जाएगा ढाई बार जाएगा बोलो ना सत्संग बयाली ज्यादा हो जाएगा यहां पे देखो यहां पर रिपीट होगा अभी लेकिन रिपीट होगा लेकिन एक से अधिक गिनती लेके रिपीट होगा ये ठीक है हुँ? अब इसको हम छोटा करेंगे दिख तो आपको रहा ही होगा सात अठे छप्पन सात पचे पैंतीस क्या आया था पांच आया था ना हम पांच को ऊपर लिख के भाग दे सकते हैं काहे को अलग करें भागफल हम वही लिखेंगे इकट्ठा ही, ही चलो अब फिर जीरो उतारेंगे कितनी बार जाएगा सात का भाग इसमें सात बार जाएगा घटाओ वन आया देखो जहां से गिरे थे वहीं आके फिर अटक गए फिर वन आ गया ना भाग हमने वन में किया था और फिर से वन आ गया और अभी भाग खत्म नहीं हुआ फिर से जीरो उतारोगे और साथ एक कम फिर से, साथ। फिर से वही कहानी शुरू तीन जीरो फिर सात चौक अट्ठाईस ए रुकना रुको रुको देखो इनको अलग कलर कर लो रुक जा अब देखो फिर से जीरो उतारा तो सात कम सात घटाने पर तीन आया फिर जीरो फिर सात चौक अट्ठाईस फिर घटाएंगे फिर दो आया जीरो चौदह क्या सीखा आपने ये पूरा का पूरा डिजिट मेरे यार फिर फिर रिपीट होगा सात तक समझ में आया ये जो कहानी चल रही है फिर से वैसे जाएगा ये और फिर देखो वन फोर टू आया वन फोर थ्री नहीं है वन फोर टू है वन फोर टू के बाद एट फाइव सेवन वही फिर आएगा यानी इसका जो फाइनल में अगर हम भागफल लिखना चाहें तो हम लिखेंगे का लिखेंगे वन फोर इसके पूरे के ऊपर ऐसे बार लगाएंगे क्योंकि ये सब करप्ट से एक से. समझ गए ना एक बार सभी हाँ बोल दें ये कैलकुलेटर वाले ना बोलें तो अच्छा है किसी को कोई डाउट नहीं वैसे ये क्लास जो है चालीस मिनट का ही होता है लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है थोड़ा बड़ा चला दूं क्या डीएलएड वालों को आज इसी में दिखा दूं उनको एक और भी कर लीजिए इसमें आ, बी वाला दो बटा सात अब मैं काहे को इतना बड़ा हल करूं यार आप लोग करना आप तीन बटा सात चार बटा सात इनको भी करना आप लोग घर वर में कहीं होमवर्क है ठीक है लेकिन लंच तो होगा ना दस मिनट का ऐसा थोड़े कम लगातार चलेंगे गधा जी से नहीं ये क्लास चलनी चाहिए लंबा ना चलनी चाहिए मुझे भी लग रहा है चलनी चाहिए यार आज लास्ट दिन है महीने का आज तो चलेगी ये बंद नहीं होगी डीएलएड वालों को भगाओ डीएलएड वाले बीस लोग आएंगे अभी भाई रोते रोते हम्म टाइप नंबर नौ इसको स्क्रीन शॉट ले लो मैं मिटा दूं फिर ठीक है टाइप नंबर नौ पे चलूं टाइप नंबर नाइन पे चलूं मैं ठीक है चलो अब मैं बोर हो गया लेकिन नौ सौ नब्बे डिवाइड बाई टू थ्री थ्री ये वो वाली भाग है जिसमें दो दो डिजिट रिपीट होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ठीक है इनको कर लेंगे ग्यारह बजे तक चलेगा ये क्लास ये क्लास ग्यारह बजे तक चलेगा आगे बढ़े इनको कर लीजिएगा भाग तो करना आता है ना सिखाया हूं कि नहीं हुँ? कर लीजिएगा इनको ये थोड़ा सा उससे अलग होगा बस आ, इसके बाद साथ ही मेरे चौथा नंबर क्लास में कहा पढ़वा हो चलेगा गुरु आज क्लास आगे चलेगी ऐसे नहीं रुकने वाले हम ये क्लास 11 बजे तक चलेगी अब दस बज के पचास मिनट तक पूरा पूरा ठीक है चलो इनको होमवर्क है कर लीजिएगा भाग करना है नहीं आएगा बता देना बाद में बता दूंगा आज मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं ज्यादा अभी लेकिन लंच करेंगे हम बाद में अभी नहीं है बदल जा तो साथियों आप जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास का हिस्सा है आपके अब पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर क्या पढ़ेंगे फैक्टर इसको एक बार मैं पीडीएफ सेव कर देता हूं नहीं ये कभी कभी गड़बड़ा जाता है और ये बंद हो जाएगा अगर तो फिर ये पीडीएफ सेव नहीं होगी क्योंकि हम आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी देते हैं ना क्या आप लोग फैक्टर जानते हो गुणनखंड खंड जानते हो हम्म <coughs> <coughs> कितने लोग जानते हैं गुणनखंड? अगर मैं पूछू कि 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा बताओ संख्या 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा संख्या 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा अब ये चौथा नंबर लाइव चलने जा रहा है अब जो चलेगा ये चौथा नंबर का पार्ट है यहाँ लगा भी दे रहा हूं लो चौथा कहाँ गया बे दादा ए भैया बेमानी मेरे साथ धोखा एक दो तीन पांच है चौथा नहीं है चलो जाने दो मैं चौथा बना लूंगा अब जो पढ़ाएंगे फैक्टर वो क्या है चौथा नंबर का पार्ट है चलो आओ बहुत अच्छा किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद होती है किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो संख्या खुद होती है ठीक है तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12 ही होगा ठीक है आइए ठीक है अब क्या टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर हेडिंग डालो ये नया टॉपिक खत्म हो गया हो अभी हम उसमें सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे गुणनखंड गुड़नखंड गुड़नखंड करते कैसे हैं इनको तोड़ना बस अलग अलग यही मतलब है जैसे अगर मैंने संख्या ले लिया फोर तो फोर का फैक्टर करके मुझे बताओ कितना आएगा आप लोग चलो मैं एक बार क्लास लाइव कर देता हूं मुझे आधा मिनट देना कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपको मैथ सीखना है जिनको भी मैथ सीखना है नो नॉट अलाउ क्लास छोड़ के नहीं जाना है नॉन स्टॉप पढ़ना है दो घंटे और बहुत कुछ सीख जाओगे याद रखें जिंदगी में जिंदगी में ये जो सोशल मीडिया जिसका नाम सोशल मीडिया है वो रियल में इसमें आप जितना समय वेस्ट करते हो ना अगर उतना समय आप पढ़ाई कर लोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा बहुत कुछ हासिल करोगे रियल में हासिल करोगे बहुत कुछ हासिल करोगे ठीक है बढ़िया किसी को कोनो दिक्कत नहीं ना रितु समझ में आ रहा है अशोक श्रीराज संभवी कमल ठीक है बहुत अच्छा मुझे आधा मिनट देना मैं आया चलो आया मैं आया, आया। परमिला ये डी वाले वाली क्लास में ये लोग लाइव हैं गुड चलो आओ बढ़िया है मैंने ये क्लास डीएलएड वाली भी लाइव कर दिया तो एक बार इनको फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में जैसा कि आप सभी को पता है कि आप डी एल एड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के लिए अब आए हैं रात के दस बज चुका है और आपको मैं बता दूं एक सीक्रेट बात ये क्लास रात नौ बजे से चल रही है और ये थंबनेल और टाइटल आपका डीएलएड का पढ़ा है फोर्थ सेमेस्टर जो लोग डीएलएड वाले क्लास में जुड़े हैं लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे इसमें वही बेसिक मैथ का जो हिस्सा चल रहा है जो बच्चे बेसिक मैथ में जुड़े थे विंटर बैच में उनका तो सिस्टम से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपको समझना है बस और आपका डीएलएड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कल आज डीएलएड वालों की क्लास जो है वो कैंसिल थी तो मैंने सोचा कि आपको इसी में दिखा देते हैं ठीक है तो मैंने सोचा कि आपको इसी में दिखा देते हैं सो मैंने इसी में आपको लाइव कर दिया बढ़िया है आज का टॉपिक है फैक्टर एक नया टॉपिक शुरू हुआ है डीएलएड वाले कैंडिडेट भी इसको प्यार से देखें क्योंकि फैक्टर इसमें जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और सभी के काम का है ठीक है बढ़िया है चलो तो फैक्टर करते कैसे हैं साथियों जैसे ये फोर है ना तो क्या करेंगे पता है वैसे फैक्टर पढ़ने के पहले आपको भाज्य भाज्य और सम विषम प्राकृतिक पूर्ण परमिया परमीय वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या पता होना चाहिए ना क्योंकि गुणनखंड जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह संख्या किससे विभाज होगी विभाजता नियम भी पता होना चाहिए क्या कहना आपका संख्या फोर है ये सबसे पहले चेक करेंगे सम है या विषम है फिर दूसरे पर चेक करेंगे ये भाज्य है कि अभाज्य है अगर इन दोनों चीजों से हमें अच्छा आंसर मिला तो हम आगे इसको डिवाइड करते हैं जैसे संख्या सम है ठीक है क्या है सम संख्या है दूसरा ये भाज्य है कि अभाज्य है तो ये भाज्य है और अगर संख्या है तो अक्सर प्राय सभी दो से विभाज्य होती है हु? दो का विभाजिता नियम होता है ऐसी संख्या जिसका लास्ट का अंक यानी अंतिम अंक जीरो दो चार छह या आठ इनमें से कुछ भी होता है तो वो दो से फुली डिवाइड होती है और इनका तो लास्ट का और शुरू का अंक सब वही है तो दो से विभाजित तो होगा मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आपको बाकी तो हमको भी पता तुमका पता है, तो लड़कों को पता है, एक चार कट जाए दू से तो कितना होगा दो से ये डिवाइड होगा तो टू टू जा फोर ओके okay? और फिर टू से इसको डिवाइड करेंगे वन यानी फाइनल में आपका जो फैक्टर आएगा इसका पूरे इज्जत के साथ वो टू इंटू टू आएगा ये है अभाज्य गुणनखंड क्या है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर इनका सिर्फ अगर गुणनखंड करें तो ऐसे होगा फोर का वन टू फोर ये क्या है ये इसका गुणनखंड है गुणनखंड का मतलब एक ऐसी संख्या एक ऐसा नंबर जिससे भाग करने पर दी गई फलानी नंबर पूरा पूरा कट जाए जीरो से फला जाए तो वो उसका गुणनखंड यानी फैक्टर होती है जैसे मैंने ले लिया अगर यहां पर अट्ठाइस तो अट्ठाईस का फैक्टर क्या क्या होगा पता है तुम्हें वन होगा टू होगा फोर भी होगा क्योंकि चार सत्या अट्ठाइस होता है सात भी होगा चौदह भी होगा अट्ठाईस भी होगा, 28 भी होगा ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनसे अगर हम अट्ठाईस को भाग करेंगे तो जीरो शेष फल आएगा तो हम कह सकते हैं कि अट्ठाईस के ये सभी गुणनखंड हैं समझ में आ रहा ना सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हम्म नेहा तिवारी कोई लेट नहीं हुआ कोई बात नहीं ठीक है अभी तो क्लास शुरू हुई है अभी कहाँ जब तक क्लास बंद ना हो जाए तब तक कहां लेट चलो आओ तो ये समझ में आया फैक्टर फैक्टर की ये है कहानी ये अभाज्य गुणनखंड हम यहां पर करके आपको बताए हुए थे ओके अब हम बात करते हैं साथियों एक और अगर मैंने नंबर थोड़ा और बड़ा ले लिया मिटा दूं इसको वैसे क्या मतलब है ना क्या करोगे इनको रख के नहीं यार मत मिटाओ ये सभी क्या है पहले मैं लिख बना देता हूं देखो ये है अभाज्य गुणनखंड और ये है सिर्फ गुणनखंड नाट अभाज्य क्योंकि यहां पर चार क्या है भाज्य संख्या है अभाज्य नहीं है तो इनके जो गुणनखंड है वो भाज्य भाज्य दोनों हैं ठीक है, है? आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है बढ़िया मस्त चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और गुणनखंड बता ही देते हैं बाद में आगे उसको बताएंगे विषम भाज्य भाज्य अच्छा कितने लोग कह रहे हो वैसे कहने को तो सब अलग अलग बात बताएंगे जितनी मुंह उतनी बात छोड़ो जाने दो देखो आगे तो साथी मेरे जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि सोला अभी आसान आसान लेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड बताओ तो कैसे निकालेंगे जानते हो सबसे पहले ऐसे सोलह लिखते हैं उसके बाद क्या करेंगे इनको देखेंगे सम संख्या है और भाज्य संख्या है ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे आईएफए, ठीक है भाग करेंगे दो अठे सोलह घटाने पर आ गया जीरो तो जिससे हमने भाग किया था यानी वो संख्या जो भाजक थी वो यहां लिखते हैं सामने और जो हमें ऊपर भागफल मिलता है वो भागफल यहां लिखा जाता है नीचे हुँ? आ रहा है ना पिंकी राव आ रहा कुछ सीला कुशवाहा नाम इनका बड़ा है हुँ? चलो आगे फिर क्या करेंगे दो से भाग करेंगे फिर से देखो तो दो से आठ में भाग करोगे जैसे ये तरीका था वैसे बार बार नहीं बताऊंगा मैं ऐसे ही दो से फिर से आप आठ में भाग करोगे तो चार भाग फल आएगा तो यहां पर चार अब फिर से इनमें भी वैसे ही भाग करेंगे तो दो दूना चार ये प्रक्रिया बार बार अगेन एंड अगेन जाती है जब तक नीचे वन ना आ जाए अब यहां पर देखिए सोलह के आगे चार बार ये दो शामिल है ठीक है ये हो गया सोलह का क्या अभाज्य हाँ गुणनखंड अगर हम सोला के गुणनखंड की बात करें तो 16 का गुणनखंड होगा वन टू फोर एट एंड 16 ये 16 का गुणनखंड है जनाब नीचे वाला क्योंकि 16 में अगर दो से भाग करोगे चार से करोगे आठ से करोगे सोलह से करोगे तब भी जीरो से इस आएगा तो ये सभी क्या है ये सभी सोलह के गुणनखंड है नीचे वाले अभाज्य गुणनखंड नहीं है लेकिन जो ऊपर आया वो क्या है वो अभाज्य गुणनखंड है तो मैं आपको एक साथ में बता रहा हूं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है ठीक है अभाज्य गुणनखंड में खासियत होती है कि उनका आपस में मल्टीपल करने पर वो संख्या बन जाती है और कोई भी उनका गुणनखंड फिर टूट नहीं सकता बिल्कुल पूरी तरह से सीता सती गौरा पार्वती कैसे कहानी कोई सुना था वैसे हो जाती ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी हैं, सब अभाज्य है लेकिन इसमें ये सब ये भाज्य है ये भी भाज्य है ये भी भाज्य है तीन संख्या भाज्य है दूठी अभाज्य सॉरी अभाज्य नहीं है एक जो है ना भाज्य ना अभाज्य है ये ना भाज्य है ना अभाज्य याद रखना सिर्फ दो अभाज्य है बस वो बिरादरी से बाहर है समझ गए सभी तो एक बार हाँ दें यस सभी समझ गए अच्छे से हम्म तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे गुड़नखंड क्या गुड़नखंड यानी फैक्टर तो सोलह का देख लिया चलो आगे बढ़ते हैं आइए गुड़नखंड के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और सी नंबर इसको मान लो कुछ भी वन टू ऑल छोटा छोटा नंबर पहले करवाऊं या फिर हाई फाई, -फाई? आ, कोई नंबर और बताओ जिसका गुड़नखंड करें छ सौ चालीस का ले लो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे आइए छह सौ चालीस सबसे पहले ये सम संख्या है और भाज्य संख्या है इसके बारे में आपको ऐसे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा भाज्य क्या होती है अभाज्य प्राकृतिक बता दूंगा अभी आप जान लीजिए मोटा मोटा सम और भाज्य संख्या है तो दो से डिवाइड हो जाएगी दो त्याई छा दो दुना, चार जीरो इनको दो से करोगे तो दो एक कम दो दो छंग बारह ऐसे आगे बढ़ोगे अस्सी फिर दो से ये चालीस फिर दो से बीस फिर दो से दस और फिर दो से पांच ठीक है ओके तो ये क्या हुआ कुछ नहीं हुआ तो ये 640 बराबर इनको गिनिए। सात बार दो और एक बार पांच नीचे ये क्या है इनके अभाज्य गुणनखंड है मेरे भाई क्या है इनके अभाज्य गुणनखंड है ये प्राइम फैक्टर है जय किशन राजपूत समझ में आ रहा है अजय सिंह कॉपी पेस्ट कर रहे थे क्या पांच मिनट वेट कर लीजिए अंजना शर्मा वेरी गुड हरी स्वामी सचिन ठीक है भैया अच्छा ये तो अभाज्य गुड़न गुणनखंड था इनका गुणनखंड कौन कौन बताएगा बताओ चलो बहुत अच्छा वेरी गुड इनका गुणनखंड वन होगा टू होगा तीन भी होगा क्या कोई भी संख्या जिनके अंकों का योगफल तीन से विभाजित होता है वो संख्या तीन से विभाजित होती है इनके अंकों का योगफल दस होगा जो कि कभी तीन से विभाजित नहीं होगा तो ये पूरी संख्या तीन से विभाजित नहीं होगी चार से होगा हाँ पक्का होगा यार विभाजता नियम पढ़ाना बहुत जरूरी है फैक्टर के पहले मैं क्या ही करूं क्योंकि बड़े बड़े नंबर का फैक्टर करोगे तो विभाजता नियम बिना दाल नहीं गलने वाली तो विभाजता नियम पढ़ाना जरूरी है पहले पहले संख्या का परिचय फिर विभाजता नियम फिर ये हम्म ठीक है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि 640 छे सौ चालीस तो तीन से विभाजित नहीं, तो नहीं होगी पूरी तरह क्यों क्योंकि तीन का विभाज्यता नियम में विभाजित होना चाहिए भाग दे देख लो नहीं होगी छे सौ चालीस चार से पूर्णता विभाजित होगी क्यों क्योंकि चार का विभाज्यता नियम होता है कि संख्या के लास्ट के दो अंक मिलकर के जो संख्या बनेगी अगर वो चार से विभाजित है तो पूरी संख्या चार से विभाजित होगी तो ऐसा तो हो रहा है ऐसा तो हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि चालीस जो है ना यार चालीस चालीस तो विभाजित हो रही है ना चार से सचिन समझ में आ रहा है बिपिन ठीक है भैया ये कौन नया लफड़ा एकदम गर्म हो रहा है जो वीडियो कैप्चर कार्ड है बाकी ये तो मैकबुक तो नॉर्मल चल रहा है इसीलिए मैं इसको मजबूत बनाया था चलो आ गए तो चार से विभाजित होगी पूरी तरह से तो चार इसका फैक्टर होगा पाँच से विभाजिता नियम कहता है कि लास्ट में अंक जीरो होना चाहिए तो पाँच से विभाजित तो हो होगी हाँ होगी देख लो तो पाँच भी होगा छ से विभाजित तब होगी अगर वो संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित हो तो छ से विभाजित ये कभी होगी नहीं क्योंकि तीन से नहीं थी सात का विभाजित नियम लास्ट के अंक का जीरो मतलब डबल करके पूरी संख्या से घटाओ और बची हुई संख्या अगर सात से विभाजित है तो पूरी संख्या सात से विभाजित होगी तो इनको भाग देखो सात से नहीं होगी आठ से भी हो जाएगी नौ से भी नहीं होगी दस से होगी ग्यारह से नहीं कभी नहीं बारह से बारह छंग बहत्तर बारह पंचे साठ चालीस नहीं होगा तेरह नहीं होगा चौदह बताओ कितने कितने सोगा और आगे? तो ये जितने भी संख्याओं से 640 सौ चालीस पूर्वता विभाजित होगी वो इसके फैक्टर होंगे क्या होंगे गुणनखंड होंगे ठीक है हीना खातून बहुत अच्छा आपने वो ट्रिक लगाया अभी तो फिलहाल बेसिक हो रहा है ठीक है हाँ 640 के कुल कितने फैक्टर होंगे तो ये जानने के लिए मैं शायद पिछली वीडियो भी डाला था चैनल पे ना ट्रिक वाला कि कैसे जाने किसी भी संख्या के कुल कितने फैक्टर होंगे बताया था क्या करते थे पता है दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते थे और उनकी घात के रूप में लिखते थे है ना इनका घात रूप में लिखोगे कितना आएगा सात घात है ना घात में एक जोड़ लेते थे आठ ऐसे तो निकालते हैं ना कुल कितने फैक्टर होंगे चलो इसको तो नीचे कर देता हूं पहले ये बता दूं कि इसके कुल कितने फैक्टर होंगे कैसे जानते हैं समझिए थोड़ा सा रुक के स्टेप एक स्टेप रुक के समझिए जैसे अगर ये संख्या बारह है तो बारह वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व इन सबसे डिवाइड है इतने से यानी बारह के कुल मिलाकर के छह फैक्टर हैं बोलो हाँ नहीं बारह के कुल छः फैक्टर हैं तो इसी तरीके से साथियों इसके 640 के कुल कितने फैक्टर होंगे ये जानने का एक ट्रिक है ट्रिक क्या है देखो यहां दी गई जो संख्याएं थी इनको घात रूप में लिखो तो दो का घात सात और पांच का घात एक बनेगा ठीक है और फिर घात में एक जोड़ दीजिए और गुड़ा कर लीजिए तो सात में एक जोड़ोगे आठ पांच एक घात में एक जोड़ोगे तो दुई तो कुल इसके सोलह फैक्टर होने चाहिए बिपिन समझ में आ रहा है नेहा तिवारी गंगदीप हम्म, डीसीआई। ये बेसिक मैथ है यहाँ पे ट्रिक का कोई काम नहीं है बाबू ठीक है ये कितने फैक्टर होंगे इसको जानने के लिए शॉर्टकट में मैं बताया बाकी इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे ठीक है तो इसके सोलह फैक्टर होंगे तो इसी तरीके से आप इनके फैक्टर निकालेंगे पकड़ेंगे एक एक और रख देंगे ठीक है वन टू फोर फाइव एट टेन और कितने से कटेगा ये बताओ सोलह बत्तीस चौसठ तीन दो पांच तीन आठ एक नौ नौ फैक्टर तो हम निकाल ही लिए एक छह सौ चालीस तो हो होगा करेगा एक तीन सौ बीस होगा एक एक सौ तो साठ भी होगा कि नहीं तीन सौ बीस डेढ़ सौ एक सौ तो साठ एक सौ तो साठ से कटेगा क्या ये भाग देख के देखो अरे 160, 640 में 160 से भाग करोगे जीरो जीरो कट गया सोलह चौका चौसठ सही है कटेगा तो क्या होगा 160 तो होगा ही अरे भाई 80 भी होगा ना इसके नीचे 80 भी होगा 80 के नीचे 40 भी होगा 40 के नीचे 20 भी होगा तो थोड़ा सा सीरियल से नहीं चल रहा फिर भी क्या हुआ 20 20 का फैक्टर है चालीस भी है ये भाई इन सबका मल्टीपल के रूप में होगा समझ रहे हो हाँ आप समझ में आया देखो देखो फैक्टर कैसे निकालेंगे समझो बहुत प्यार से अब आ गया मेरे दिमाग में अगर आठ इसका फैक्टर है तो आठ का डबल भी इसका फैक्टर होगा यानी सोलह ठीक है और सोलह का डबल भी इसका फैक्टर होगा यानी बत्तीस और बत्तीस का डबल भी इसका फैक्टर होगा यानी चौसठ ठीक है और चौसठ का डबल एक सौ अट्ठाईस भी इसका फैक्टर होगा कि नहीं होना चाहिए भाग दे के देखो मुझे पूरा उम्मीद है होगा एक सौ अट्ठाईस होगा कि नहीं एक बार करके देखो एक मिनट यार ये लाख हो जाता है फोन कमेंट दिखता नहीं रुको बिल्कुल होगा चलो पांच बार जाएगा ना ये तो मिल गया सारा पकड़ में आ गया सब चालीस भी होगा अस्सी भी होगा एक सौ साठ भी होगा तीन सौ बीस भी होगा और एक सौ अट्ठाईस भी होगा एक सौ अट्ठाईस दूना एक सौ अट्ठाईस दूना दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन भी इसका फैक्टर होगा होना चाहिए भाग दे के देखो दो सौ छप्पन नहीं होगा लेकिन यार नहीं गड़बड़ा जाएगा यहीं से उल्टा हो रहा है एक सौ अट्ठाईस का दूना दो सौ छप्पन नहीं होगा तो कितने हो गए सोलह हो गए कि नहीं तीन दो पांच चार नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो पकड़ लिए गुरु सोलह भी पकड़ लो ये छह सौ चालीस लो कहा बचा है मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोलह हम निकाल पाएंगे लेकिन निकाल दिए ना किशन पाल जी बहुत बहुत बेलकम है अजय सिंह नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं उनपे संपर्क करिए यहां पे नहीं बताया जाता है सबका अलग अलग काम है बाबू ठीक है बताने वाले अलग हैं तो ये समझ में आ गया सभी को सोलह हो गए विशाल पासवान बहुत अच्छा लास्ट में 640 सौ चालीस लिखाता हूँ हाँ यहाँ पे थोड़ा सीरियल आगे पीछे हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सभी इनके फैक्टर हैं बाकी सीरियल फिर लिख लोगे तो अच्छी बात क्या पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड टॉपिक है फैक्टर वैसे गुणनखंड और थोड़ा सा इसमें दुर्भाग्य है कि आपको पहले जे, जे, संख्या विषम संख्या भाज्य अभाज्य प्राकृतिक पूर्ण सा संख्या ये सब आना चाहिए तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़े अब बहुत ही छोटा नंबर है तीन सौ बीस अच्छा पहले ये बताओ तीन सौ बीस के कुल कितने फैक्टर होंगे कुल कितने फैक्टर होंगे पहले जानेंगे तब तो निकालेंगे कितने होंगे नहीं तो छूट जाएगा देखो कैसे जानेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड के बाद हम ट्रिक से जान लेते हैं कि इसके कुल कितने फैक्टर होंगे देखो कैसे अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं आपको पता है इसका आधा सोलह इसका आधा आठ ठीक है तो तीन सौ बीस एक दो तीन चार पांच छ कितना छह बार है ना तो दो का घात छ पांच की घात एक देखो भाई घात में क्या करेंगे हम ये निकाल रहे हैं कि इनके कुल कितने फैक्टर होंगे कुल कितने तो अभाज्य हाँ गुणनखंड करेंगे घात रूप में लिखेंगे घात में एक जोड़ेंगे इसमें घात में एक जोड़ेंगे यानी इसके कुल चौदह गुणनखंड होंगे कितने होंगे फोर्टीन गुणनखंड होंगे देखो ये ट्रिक अच्छी है ना लेकिन मैं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं ये ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूं ये ट्रिक मैंने इसलिए बीच में दे दिया कि आप जान सको इसके कुल कितने फैक्टर हैं और जान जाओगे तो पकड़ पकड़ लाओ खोद खोद के कि हाँ उतने पूरा करो बीरू बाबू पढ़ लो तो मत समझ में आ रहा है अंश यादव आ रहा समझ में अंजना यादव जी बहुत बहुत वेलकम है सभी को आ रहा है बढ़िया चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो इनके हम अब गुणनखंडवा तो खोजेंगे चौदह ठीक कहा है तीन सौ बीस के चौदह गुणनखंड खोजो चलो तीन सौ बीस चौदह गुड़न खंड खोजो इनके फोर्टीन बिना खोजे जाना नहीं आ चलो खोज करते हैं वन टू गांव में घास खोदना को ही शहर में रिसर्च कहते हैं पढ़ा है कहीं हम्म सही बात गांव वाले जो खेल खेल में कर जाते हैं शहर वाले उसको रिसर्च और बड़े बड़े नाम देते हैं मतलब जो लोग हम लोग बचपन में कर चुके हैं चलिए बीच में ये बात पता नहीं कहां से आ गई अब ये संख्या तीन से डिवाइड होगी बिल्कुल होगी क्योंकि अंकों का योगफल तीन से डिवाइड है तीन दो पांच और जीरो कहाँ आएगा था नहीं होगी तीन से नहीं होगी चार से बिल्कुल होगी पांच से तो होगी ही जन्म सिद्ध अधिकार है छह से भी नहीं होगी क्योंकि अगर तीन से नहीं है तो फिर छह से भी नहीं है कांच से भी नहीं होगी ए भाई देखो बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊं तू का कहा जितना मिला है ना इन्हीं का डबल ट्रिपल करो सब मिल जाएंगे कैसे देखो अगर इसका गुणनखंड सॉरी चार है ना तो इसका फैक्टर आठ भी होगा पक्का होगा और अगर आठ है तो सोलह भी होगा हाँ पक्का होगा सोलह है तो लगे हाथ बत्तीस भी होगा अरे देख भी लेना है नजर ये नहीं कि हाँ होगा होगा ऐसा नहीं है लेकिन ये है सब करके देखो आठ से भाग करो कट कर जाएगा सोलह से करोगे कट कर जाएगा बत्तीस से करोगे कट कर जाएगा चौंसठ भी होगा क्या तो का लागा था चौंसठ हुए अभी छोड़ो चौंसठ जाने दो इनका डबल करिए अगर पांच है तो इनका फैक्टर दस भी होगा बिल्कुल है बीस भी होगा बिल्कुल है चालीस भी होगा अस्सी भी होगा अरे देख लो ना इसे हवा थोड़े कह रहे हैं या, या देखो आठ चौक बत्तीस अस्सी भी होगा तो फिर एक सौ साठ भी होगा और तीन सौ बीस तो होगा ही देखो चौदह होगा का यार इतने में कितना था यार तेरह चौदह चौदह निकाले करा अब ज्यादा है नहीं ना। चार तीन सात तीन दस तीन तेरह एक ही छूटा चौसठ भी होगा कहा चौसठ भी होगा बत्तीस एक कम बत्तीस कहाँ होगा जीरो बचने जाएगा नहीं होगा चौसठ एक ही छूटा है कोई दिमाग लगाओ फटाफट दौड़ा के पकड़ो जवाब दीजिए फटाफट कन्हैयालाल बाबू यहाँ पे मैथ जो पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक लेवल है और रेगुलर क्लास में डाउट नहीं होगा एक छूटा है कौनो यार भाई निकाल लो आप लोग तो अच्छी बात है छुट्टी करो दिमाग लेकिन लगाबे ना करेंगे तो ताक रहे हैं इसे सुखोबादे हम लिख दे उतार लिए दिमाग तो झोलम डक के टांग आया है खूटी में ना इतना देर से बोल रहे हैं कौन छूटा है कौन नहीं बता रहा एक को छोटा छूटा है चौंसठ नहीं कटेगा चौंसठ से कटेगा क्या यार शायद मिस्टर अर्थ लबर मुझे भी वही लग रहा है मैं नहीं काट पा रहा था क्या फिर हाँ यार चौसठ पंचे होता है कहा दिमाग का दही बना के रखे हो चौंसठ भी होगा ये लो तो काहे हम हार मान ले एक बार हो ऐसे करें ना डिवाइड करो इनको आठ से डिवाइड करो अट्ठाई चौसठ आठ ये देखो ये ये हुआ ना हार का मान लेते हो हो गया खत्म चलो अरे वही ना किसी के सहारे की जरूरत होती है कभी कभी तो ये था क्या ये था गुणनखंड वाला चैप्टर मैंने आपको सिखाया कि आप फैक्टर कैसे निकालेंगे फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि, कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं उसकी ट्रिक बता दिया आप कोनो भी संख्या देखो इनके कितने गुणनखंड हो सकते हैं बता दो फट से जैसे देखो आजकल कल जो लोग हाथ देख के बता देते हैं तुम्हारे कितना लड़का पैदा होगा हमें तो नहीं लगता ये सही लॉजिक है और देखो उन लोगों के जिन लोगों के अनलिमिटेड होते हैं वो कहते हैं भगवान की देन है भगवान का प्रसाद है हम ले रहे हैं क्या ही कहूं मैं क्लास में प्रसाद अगर लेना बंद कर दो तुम जो रियल में ले रहे हो तो फिर वो नहीं होंगे ये हो गए? अंक क्या होता है संख्या क्या होती है और हां अंक और संख्या के बाद हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार यानी पूरा जो आपका नंबर सिस्टम है उसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि जो अभी हम पढ़ा रहे थे उसमें विभाज्यता नियम इंपॉर्टेंट था जैसे अगर आप फैक्टर पढ़ोगे एलसीएम पढ़ोगे सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो आपको विभाज्यता नियम आना चाहिए विभाज्यता नियम आपको तब आएगा जब आपको परमीय परमीय संख्या भाज्य भाज जबाज, संख्या पूर्णांग संख्या सम विषम आएगा तब आएगा तो ये सब एक दूसरे से चैन बाई चैन जुड़े हैं आइए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी परिभाषा हम बोलेंगे जिनको जरूरत लगेगी वो नोट कर लेंगे ठीक है अपने मुंह से एक बार बता दूं ये क्लास सिर्फ लाइव देख पाएंगे लाइव इंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आज से ही शुरू हुआ तीन क्लास होगा यूट्यूब पे तो इसलिए अपना टाइम निकालें अगर आपको गरज है सीखने की फ्री सिखाएंगे सारा काम छोड़ के नौ से नौ बजकर चालीस मिनट तक लाइव आओ अंक किसे कहते हैं बहुत छोटी बात है परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती किसी परीक्षा में लेकिन आपको पता होना चाहिए जीरो से लेकर के नाइन तक जीरो से लेकर के नाइन तक मैथमेटिक्स के ऐसे सिंबल जो गणित को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो अंक कहलाते हैं ऐसा आप बोल सकते हैं ठीक है जीरो से लेकर नौ तक दशमलव संख्या पद्धति में अंकों की संख्या कितनी होती है बताइए दशमलव संख्या पद्धति में अंकों की संख्या कितनी होती है बंदना चौहान आपको दिख नहीं रहा है मोहम्मद हसन का सबसे सही जवाब था सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है मेरे भाई वो होती है दो टू यहाँ पे अभाज्य की बात हो रही विषम की नहीं बढ़िया चलो तो ये चीज आप समझ गए अंक क्या होता है जीरो से लेकर के नाइन तक ऐसे सिंबल जिनको प्रयोग हम मैथ, मैथमेटिक्स को दर्शाने के लिए करते हैं अंक कहलाते हैं ऐसा आप कह सकते हैं संख्या पद्धति में वो सॉरी दसमलव संख्या पद्धति में दस अंक होते हैं जीरो से लेकर नाइन तक संख्या किसे कहते हैं जैसे यहां पर मैंने लिखा है एक अंक सेवन तो ये क्या है ये संख्या नहीं है लोग प्राय पढ़ते हैं सात संख्या सात वो गलत है, ये अंक है अगर सिंगल है तो वो अंक है डबल हो गया तो वो संख्या हो गई जैसे कोई सिंगल है अभी तो उसको कुआरा बोला जाता है अनमेरिड डबल हो गए तो मैरिड हो गई मतलब शादीशुदा हो गए और अगर तुम सिंगल को शादीशुदा बोल रहे हो तो ये गलत है तो ये सिंगल है तो एक अंक है संख्या नहीं है लेकिन इसके पीछे किसी की और जोड़ी लग गई आगे पीछे कहीं तो ये एक संख्या हो गई ठीक है अगर इसमें और भी कोई नंबर इनके साथ आ गए तब भी एक संख्या है यानी आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं बस सिंपल सा है इसमें कहीं कोई परिभाषा पूछी जाती नहीं आपको समझना है मेन पॉइंट इसमें आपको जो पढ़ेंगे वो मतलब पढ़ाएंगे वो भाज्य भाज्य और परमीय परमीय संख्या ये कुछ सीखने वाली चीज है आइए बात करते हैं आ, ये परमीय परमीय धन धनपुड़ांग इनके सबके पूर्वजों के बारे में इनके दादा परदादा के बारे में बात करते हैं तो भैया सबसे पहले जो पूर्वज थे पैदा हुए थे प्रकट हुए थे उनका नाम था संख्या देखो यहाँ पे समझो अब सबसे पहले क्या था संख्या अब संख्या की हो गई शादी इनके हो गए दो लड़के इनका एक का नाम था वास्तविक संख्या रियल नंबर एक का नाम था काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर ठीक है संख्या संख्या के दो भाग हुए यानी दो बेटे हुए इनके वास्तविक और काल्पनिक देखो जो वास्तविक थे उनकी भी क्या हुई शादी ब्याह हुई भाई रियल नंबर की भी और इनके भी एटी पैदा हुए जिनका नाम रखा गया परमीय और एक परमीय यानी वास्तविक संख्या के दो पार्ट परमीय और अपरमीय जो काल्पनिक संख्या थी ये रह गए शादी शुदा नहीं हुए ये कुआरे रह गए इनके और आगे कोई पार्ट नहीं हुए मतलब इनके कोई संतान नहीं हुई ऐसा समझ लो तो इनकी आगे कोई भी वंश नहीं है ये खत्म है अपरमीय इसमें भी ये भाई साधु बन गए एकदम इनके भी आगे कोई पार्ट नहीं हुए के और परमीय संख्या की इनकी भी शादी विवाह हुआ इनके भी आगे पीढ़ी बढ़ी और ये क्या क्या हुए इनके एक प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांग संख्या है यानी ये अपनी पीछे दो पीढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ चुके पीछे दो पीढ़ी में तो अगर आप देखो तो दो ही दो हो रहे थे इनमें तीन हो गए ये सब समझने के लिए चीजें हैं अगर आप समझोगे तो ठीक है वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं रियल नंबर रियल नंबर इसको बोलते हैं इमेजिनरी पता नहीं मेरी स्पेलिंग सही है ना देख लेना इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर होल नंबर इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर अब इनको एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे सभी फटाफट छाप लो समझ लो स्क्रीन शार्ट ले लो सचिन कमेंट आ रहा है आप शांत रहो क्योंकि तुम ना कुछ ज्यादा ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो चीकू शिल्पी चौहान समझ में आ रहा है अनुज सुमित, मनोज वंदना चौहान ठीक है आगे बढ़े तो ये हो गया खत्म चले आगे अब इसमें एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहला क्या है आपका रियल नंबर रियल नंबर क्या होता है इसमें से कितने लोगों को पता है बताओ फटाफट आइए तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं इनका देखिए सिर्फ आपको समझना है बस जितना भी आपने संख्या आज तक नॉर्मली बुक में या किताब में या क्वेश्चन में कहीं देखा होगा वो सभी रियल नंबर ही होती है कहीं आपने इमेजिनरी नंबर नहीं देखा होगा है ना कल्पनाओं की दुनिया दिखती नहीं है देखो इनकी परिभाषा लिख सकते हो कि किसी प्रकार का क्वेश्चन या समीकरण इत्यादि हल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, वो रियल नंबर कहलाती हैं। कुछ भी नंबर आप ले लो सभी रियल नंबर ठीक है ये सभी क्या है रियल नंबर ही है सब किसी को कोई डाउट नहीं ना राहुल बहुत अच्छा है आपका छूट गया है तो अभी तीन वीडियो यूट्यूब पे है आप देखिए और बाकी अब आगे के वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं अगर आप रेगुलर लाइव में नहीं जुड़ेंगे तब ठीक है आ, मैं सामने से हट जाता हूं देखो देखते रहो इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर ये जो होता है काल्पनिक वाला इनके बारे में हम आपको बेसिक मैथ में नहीं पढ़ाएंगे इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ठीक है बेसिक मैथ में जो आप जीरो लेवल से पढ़ रहे उसमें काल्पनिक संख्या का कोई मतलब नहीं है इसकी कोई बहुत बड़ी कहानी भी नहीं है थोड़ा सा उल्टा पुलटा है पागल टाइप का है छोड़ दो इसको ठीक है डेली फ्री क्लास की नोटिफिकेशन अपडेट और जो क्लास यूट्यूब पे नहीं रहेगी उसको भी प्राइवेट करके हम इस टेलीग्राम चैनल में भेजेंगे अगर आप पी स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा अब मेन जो पढ़ना है उस पर चलते हैं वो है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखिए इसमें अधिकांश चीजें आपको आती होंगी लेकिन आपको सबर बना के रखना है तसल्ली रखना है धैर्य रखना है और रुके रहना है समझना है ठीक है प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर आपने सुना होगा कि कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जैसे पेड़ नदियां पहाड़ जंगल सब तो क्या है प्राकृतिक है किसी ने नदियां नहीं बनाया है ना कभी सुने हो किसी राज्य में कि फलाने पार्टी ने फलाने नेता ने एक नई नदी का आविष्कार कर दिया बनाया है नहीं ना जो है उन्हीं में कुछ भी करें इधर का उधर हुआ अलग बात तो ये नदियां पहाड़ कहां से आ गए मैथ में नेचुरल वर्ड है प्राकृतिक तो ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल नेचुरल होती हैं यानी प्राकृतिक होती हैं ऐसा आप बोल सकते हो जिनकी कोई आविष्कार या खोज नहीं हुआ वो थी पता नहीं कब से थी मुझे भी निम लोग वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं दूसरी भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं फील कर सकते हैं वो कहलाती हैं क्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जिनको काउंट कर सकें काउंटिंग नंबर ठीक है इनकी स्टार्टिंग होती है वन से यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है वन बताइए सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है वन एक बार मैं फिर से बता दूं। अगर आपको गणित नहीं आती है आप गणित से हार मान चुके हैं कोई भी परीक्षा देते हैं आपको मैथ्स में ही दिक्कत होती है और हाँ आप बिल्कुल शर्माने वाली उम्र में पहुंच चुके हैं यानी मैथमेटिक्स आपकी ऐसी है कि आप अपनी होने वाली और होने वाले से भी नहीं कह पा रहे हैं कि मेरी इतनी दिक्कत है यानी आप भी हो चुके हैं इस तरीके के थर्टी सेवन एज के और आपके भी लड़के बच्चे हो चुके हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो बता रहा हूं बाकी इससे आप छोटे हैं तो और अच्छी बात है तो भी हम आपको मैथ सिखाते हैं यहां पे पूरा कमेंट फिलहाल नहीं पढ़ा पाएंगे टाइम नहीं है लेकिन बात समझिए कि ये एज एक स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट किया था ऐसे बहुत से बच्चे हैं हैं एक आध कमेंट हम ले लेते हैं, दिखा देते हैं आपको तो आप सही जगह जोड़ चुके हैं हम आपको बिल्कुल जीरो से जोड़ घटाना गुड़ा भाग से सिखाएंगे आप रेगुलर लाइव आएंगे बस इतना आपको करना है अगर इतना आप कर सकते हैं तो बढ़िया है ठीक है चलिए प्राकृतिक संख्या हो गया अगला है पूर्ण संख्या तो मेरा कहना यह है कि आपको जो चीजें आ भी रही हैं फिर भी आप क्लास को देखेंगे छोड़ के नहीं जाएंगे देखेंगे वीडियो बंद नहीं करेंगे आप भले ना देखें जो आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं बंद होगा अधूरे अधूरे से थे हम मिलके तुमसे पूरे हो गए अरे तुमसे नहीं जीरो से देखो कैसे प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी नेचुरल नंबर के परिवार में एक बहू आ गई जीरो वाली जिनका नाम जीरो था और इन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया जीरो के बिना जो हम केवल नाइन तक गिनती गिन सकते थे दस नहीं पहुंचते थे कुदम कूद चलते थे ना दस नहीं पहुंचते थे फिर ग्यारह बारह से लेकर उन्नीस तक फिर बीस पर रुक जाए जीरो था ही नहीं तो जीरो पूर्ण संख्या क्या होगी होल नंबर प्रकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर बनी संख्या क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है ठीक है समझ में आ रहा है चलो आगे देखो बढ़िया है अगला साथी मेरे पूर्णांक संख्या क्या है पूर्णांक संख्या क्या आप पूर्णांक संख्या के बारे में सुने हो कहीं अबे रुके जा रहे पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हो इंटीजर नंबर बोलते हैं इनको इंटीजर नंबर देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में समझने के लिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं सुना होगा धन पुड़ांग, पुड़ांग। तो ऐसे आप कह सकते हो इसको क्या बोलते हैं जानते हो कितना जने जाना <laughs> था वो तो, ना जानते इधर ऐसे होता है वन टू थ्र फोर फाइव ऐसे देखे आना सभी इसको कहते हैं संख्या रेखा ये ऐसे टेण टेण नहीं होती सीधी होती है यानी आप कह सकते हो कि संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं संख्या रेखा पर अब संख्या रेखा पर अनलिमिटेड संख्याएं होती हैं अनंत से लेकर अनंत तक अनंत से लेकर अनंत तक क्योंकि बीच में सुनना होता है इधर वन से लेकर के इन्फिनिट तक जाती है उधर भी माइनस में जाता है वो भी इन्फिनिट तक जाता है समझ रहे हो ना किसी को कोनो तकलीफ जोनी बर्मा आ रहा समझ में इनोसेंट गर्ल आपको भी आ रहा है सलमान खान सारे शूटिंग उटिंग छोड़ के यहां आ गए हो क्या चलो देखो तो संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं अब पूर्णांक संख्याओं में दो पूर्णांक होते हैं एक होता है धन पूर्णांक एक होता है ऋण पूर्णांक इसको भी लिख लो धन पूर्णांक आप देखिए धन पूर्णांक संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ होता है और ऋण पूर्णांक शून्य के बाईं तरफ होता है ऐसा ही तो है ना हम्म कंफ्यूजन है कौनो संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ उपस्थित सभी संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं राइट right साइड ये अनंत तक होती है इंफाइनेट तक और संख्या रेखा पर शून्य के बाई और यानी लेफ्ट साइड इसे निगेटिव इंटीजर बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर संख्या रेखा पर शून्य के लेफ्ट साइड जितनी भी नंबर्स मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं निगेटिव इंटीजर कहलाती हैं गणित सीखना है बबुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार मैं फिर से बता दूं क्या कि चाहे कोई महल बनता है या झोपड़ी बनती है बनती सब जमीन पे ही है कुछ अपवाद को छोड़ दो तो आसमां में घर बनाएंगे उनकी बात छोड़ दो वो सिर्फ कल्पनाओं में बनता है तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये क्या है ये जमीन ही है वही तैयार कर रहे हैं हम आपकी जमीन आप... रेलवे का ग्रुप डी देते हो चपरासी का परीक्षा देते हो या आप आई एस पीसीएस बनने वाले हो यूपीएससी देते हो या आप टीचर बनना चाहते हो या आर्मी सेना पुलिस में जाना चाहते हो ये सब सबको पढ़ना है जब तक इसको नहीं पढ़ोगे कल्याण नहीं होने वाला अगर गणित पढ़ना है तो और अगर जिंदगी जीना है धरती पर रहना है तो गणित से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो और नहीं तो अभी नहीं तो दो चार साल बाद महसूस होगा तुम्हें ठीक ना यही शुरुआत है यही बेस है तो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक यानी आपने क्या पढ़ा प्रकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या आगे आनो हम्म सबसे पहले हम पीछे उच्छे शुरू करें का हाँ उसके बाद कुछ और चीजें बता देते हैं प्रकृतिक संख्या में और भी पार्ट होते हैं प्राकृतिक संख्या के पार्ट होते हैं सम विसम भाजभाज भाज, ये सब प्राकृतिक संख्या के ही भाग होते हैं अब उसको मैंने स्ट्रक्चर में नहीं बनाया था चलिए आइए देखते हैं चलो देखो बिल्कुल बेसिक है जिनको आता है वो भी देखेंगे जिनको ना आता है वो भी देखेंगे कोई जाएगा नहीं संख्याएं क्या होती हैं जानते हो सम नंबर बोलते हैं ना इंग्लिश में बहुत आसान है कहोगे ये तो हमारे बचुआ को आता है छोटुआ को आता है हमारे हम का का पढ़ा रहे उसको पढ़ लो सबर रखो तसली रखो थोड़ा धैर्य रखो देखिए पहले बचपन में हम लोग ऐसा पढ़ते थे और पढ़ाते थे कि ऐसी संख्या जो दो से भाग करने पर कट जाए वो सम संख्या कहलाती है और जो दो से भाग करने पर ना कटे जीरो से आ जाए वो विषम संख्या कहलाती है लेकिन ये जमाना बीत चुका है क्यों क्योंकि अब ये इतना वक्त लोगों के पास नहीं है कि भाग करके जाने वो समझ रहे हो कि नहीं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वो वाला डिटर्जेंट जा चुका है अब क्या है देख के जान जाओ एक नजर में है ना पहली नजर में तो देखो पहली नजर में कैसे जानेंगे ऐसी संख्या जिनका लास्ट अंक यानी अंतिम अंक जीरो दो चार छे व आठ हो ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक अंतिम इच्छा नहीं जीरो दो चार छ आठ हो वो सम संख्या कहलाती है छाप लो भैया सभी को पता था ना ये बताओ एक बार ईमानदारी से सभी जन पता रहना हो कमल किशोर प्रिया यादव सपना कुमारी <coughs> बहुत अच्छा सभी जितने भी चेले जुड़े हैं भैया क्लास को लाइक करो बाबू ऐसे ईमानदारी के साथ बिल्कुल दिल से आपको आपकी उसकी कसम है उसकी मतलब समझ रहे हो ना अब इससे आगे मैं क्या ही बोलूं ये दिख रहा है कि नहीं यार हमारे तो नहीं दिख रहा है आज तो चांद आया है आसमान में मैंने सुना है किसका किसका चांद आया है कुछ लोगों तो वहीं में गए हैं भाई चांदी में जाने दो अभी कोई मुझे मैसेज भेजा था विषम संख्या यानी ऑड नंबर ऑड नंबर क्या होता है वही परिभाषा अगर पुरानी वाली बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको दो से भाग करने पर जीरो शेष आ जाता है वो सम होती हैं जिनमें नहीं आता वो विषम होती हैं लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा अलग क्या देखो ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक एक तीन पांच सात व नौ होता है ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक वन थ्री फाइव सेवन वन नाइन होता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं है ना अनुप कुशवाहा समझ में आ रहा है क्रेटिव अनिक वंदना चौहान जी बिल्कुल बंदना है ये ये है। एच पी पटवारी या कुछ भी चीज के लिए मैंने कहा ना जहां भी मैथ पढ़ना है सम विषम हो गया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है भाज्य भाज्य भाज वाला हम्म बढ़िया है इसको प्यार से देखिए एक एक लाइन पकड़ पकड़ के पढ़िए स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइव क्लास इंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर नहीं मिलेगी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हम बदल चुके हैं अब हम आपको नहीं बदल सकते अपने आप को बदल सकते हैं अगर आपको पढ़ना है आपको जरूरत है लाइव आओ नौ बजे से नौ बजकर चालीस मिनट तक लाइव देखो अगर कोई डाउट होता है इसमें क्लास में तो इसकी प्राइवेट क्लास हम आपको भेज देंगे व्हाट्सअप पे लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है और उनको मिलेगी जो आए हैं यहाँ पे प्रूफ दिखाएंगे हम आए थे स्क्रीन शाट लेकर रखे रहिएगा कमेंट ओमेंट का ठीक है कि हम हैं और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास वेरीफाई करने के लिए ऐसे नहीं मिलने वाला चलो हाँ बाकी जो इसको नहीं करना चाहते हैं लाइव मजबूरी है कोई दिक्कत है नहीं आना चाहते हैं वो पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें उसमें इनको सिस्टम से ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी ढूंढना खोजना नहीं पड़ेगा। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर ये क्या होती है कौन सी बीमारी का नाम है चलो देखो भैया भाज्य और अभाज्य ये बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जांपल इस पे मैं देता हूँ आप सभी को पता है कि नहीं याद है किसी को नहीं याद है याद है तो ठीक है नहीं याद है तो भी ठीक है चलो देखो भाज्य अभाज्य में क्या है हाँ ऐसे मजा नहीं आएगी और मजा आए ये वाला तरीका करो देखो 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 ना देखो ना ये हो गया भाज्य और ये हो गया अभाज्य प्राइम नंबर भाज्य और अभाज्य संख्या देखिए समझिए यहां पे इसके लिए आपको फैक्टर आना चाहिए जैसे मैंने संख्या ले लिया सोलह तो 16 किस किस संख्या से फुली डिवाइड होगी जरा प्यार से देखो नजर से एक नजर देखो बस वन से हो जाएगी टू से फोर से सिक्स से ना एट से एंड सिक्सटीन से देखो एक मतलब क्या है भैया एक मतलब इन सब लिखा का है यहां है एक मतलब ये भाग कि अगर 16 में हम चार से भाग करब तो जीरो शेष फल आए ठीक अगर सोलह में हम आठ से भाग अब आठ से तब वो जीरो शेष फलाए आए एक मतलब यही है कि ऐसी ऐसी संख्या जिससे भाग करे पे सोलह में जीरो शेष फल आए उनका पकड़ के यहां लिखा जाए ये कहां है इनके इनके फैक्टर है गुणनखंड हैं है इनके अपवर्तक है ठीक है समझ गए एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल आने वाला है आपकी वाली से संबंधित है समझना ऐसे देखो और अगर अगर कम अगर का इधर देखो ना सत्रह ले लो ये सिर्फ और सिर्फ वन और सेवनटीन से भाग करने पर जीरो से फल आएगा बाकी और कोनो संख्या पैदा नहीं हुई है कि जो उसको हिला दे नहीं इधर देखो और मान लो बारह इसका फैक्टर वन टू फोर सिक्स एंड ट्वेल्व हो सकता है बाकी कुछ नहीं हो सकता है वहीं अगर हम थर्टीन ले लें तो इसका फैक्टर वन और थर्टीन होगा इधर है देख रहे हो हम और तुम वो नहीं है इसमें जो पढ़े लिखे हो, लोग न्यूज व्यूज में रहते हो लोग समझ रहे होंगे हा? कौन हम और घरवाली? बस दो ही इधर ऐसा ही है वो नहीं है मतलब बाहर वाली इसमें देखो है पहले मैथ की भाषा में समझ लीजिए फिर आपको व्यवहारिक भाषा में भी बताऊंगा सबर रखिएगा बहुत मजा आएगा मैथ की भाषा में ऐसे है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर सिर्फ वो संख्या हो और वन हो बाकी कोई ना हो वो संख्या खुद हो और वन हो वो अभाज्य होती है और ऐसी संख्या जिसका फैक्टर खुद तो हो ही वन भी हो लेकिन बाकी और भी कुछ हो चाहे एक ठी हो ये नहीं जरूरी कि चार पांच ही हो ये एक कट ही हो चाहे ठीक है अब देखो इसको वो लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं जिनका कहीं अफेयर चल रहा है अच्छा वाला और जो नहीं सुनना चाहते हैं बड़े धार्मिक टाइप क्यों हो? कान में उंगली डाल डालने सुनो आपने ये वर्ड सुना होगा मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कितने लोगों ने सुना है इसका नाम भाई पहले आता है सुना है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड कोई बड़ी बात कोई गंदी बात नहीं है सिंपल सा नाम है दुनिया जानती है देखो इसमें क्या होता है कि अधिकांश केस में कई सारे केस में ऐसा मेरे पास मैटर आता है क्योंकि मैं इसका भी एक क्लास चलाता हूँ समझ रहे हो कि मेरी वाली का कहीं और चलने लगा मेरे साथ तो चल ही रहा था कहीं और चलने लगा ऐसा नहीं है मेरे वाले का भी कहीं और चलने लगा ऐसा भी आता है हुं? अब बताओ मैं क्या करूं मैं जी नहीं पा रहा हूं उसके बिना तो लेकिन इसका यहां क्या मतलब है इसका यहां मतलब यह है कि ऐसा ऐसी आपकी गर्लफ्रेंड जिसके आप सिर्फ खुद ही हैं मतलब आप ही आप हैं और कहीं नहीं चल रहा है वो क्या है और ऐसी जिसके तुम और दोनों तो हो ही बाकी तीन ठुआ और एक्स्ट्रा हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता है वो भाज्य समझ गए ना तो ऐसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिनके अफेयर सिर्फ एक ही जगह चल रहे हैं वो अभाज्य और जिनके कईयों जगह चल रहे हैं अनलिमिटेड सात जगह आठ जगह दो जगह तीन जगह वो भाज्य आप ईमानदारी के साथ बताओ आपके उसकी कसम है कि आप भाज्य हो कि अभाज्य हो चलो बताओ मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं सिर्फ भाज्य भाज्य अगर भाज्य तो पी लिख के कमेंट करिए अभाज्य में और भाज्य के लिए क्यू चलो पी और क्यू में कमेंट करो एक बार <coughs> अब हो सकता है वो भी देख रही हो देखो हमारे दिनेश भाई हैं इनका तो दो जगह चल रहा है तीसरी जगह लड़ाई हो रही है अभी सब यही कहते हैं अभी तो हम सिंगल हैं ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक और सिग्नल है सिग्नल हमेशा ये लोग ऐसा ही रखते हैं देखो मुझे पता है जितने भी क्यू वाले हैं सब पी लिखेंगे मुझे पता है देखो सब पी लिख रहे हैं अच्छा इतनी बड़ी दुनिया में सब वही हैं तो फिर ये भारत चाइना को पीछे करके जनसंख्या में सबसे आगे काहे को जा रहा है अरे वो है ये जिनकी हो गई शादी विवाह तब भी ये हाल है और जिनकी नहीं हुई कितने तो वैसे मार दिए जाते हैं वो जनसंख्या में गिने ही नहीं जा रहे हैं। तो झूठ ना बोलो चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल आज की क्लास में छोड़ो इसको ये बहुत बड़ी कहानी है चलें आगे ठीक है बहुत अच्छा एक विजय है यही क्यों बता रहे हैं बहुत अच्छा विजय वेरी गुड तो सभी समझ गए ना पक्का पक्का समझ गए ना देखो धोखा होगा भाई अब इसमें धोखा होगा कैसे देखो कैसे धोखा वाली बात बताऊं कैसे अब तुम्हें भाज्य भाज्य पहचानने में दिक्कत होगी देखो कैसे आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं समझना क्वेश्चन नंबर इनको पांच लिखेंगे यहां पे समझने के लिए ईमानदारी के साथ बताना निम्न में अभाज्य संख्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं बताइए इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है फटाफट जवाब दीजिए फाइव ए फाइव बी फाइव सी या फाइव डी चलिए जल्दी करिए अभी मैं सब लोग की सेटिंग कराऊंगा सभी को अभाज्य बनाऊंगा दिक्कत मत लो मतलब भाज्य अभाज्य नहीं भाज्य लास्ट में बने तो रहो मेरे साथ देखो मेरे साथ ना अगर आप रहोगे तो आपका कई फायदा है एक तो आप जितने लोग सिंगल हो उनको डबल कर देंगे हम तुरंत जस्ट क्लास के बाद और भी बहुत कुछ मिलने वाला है तो क्लास को पूरा देखना बस आज तो आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी मतलब समझ रहे हो देखिए यही है ना धोखा मैंने कहा था ना होगा और हो रहा है ना अधिकतर लोग इसको अभाज्य बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं अभाज्य संख्या मतलब सब ये गोल वाले हैं कहा यार और कौनो अंजना शर्मा कह रही कि ए और सी ए और सी अभाज्य है अच्छा श्रीवानशु राजपूत ये सी वाला बता रहे हैं देखो मैं बताता हूं देखो अधिकतर लोग इसमें गड़बड़ा रहे हैं ये ई e वाला सही है गदा हाँ गोल एक भाज्य नहीं है सब भाज्य है वैसे ना जैसे कहते मेरा वाला वफादार है वैसे होता है मेरा वाला ऐसा नहीं है हुँ? देखो समझो यहाँ पे ये सभी संख्याएं है, क्या हैं अभाज्य नहीं है एक अभाज्य नहीं सब भाज्य हैं वैसे ये पूरी दुनिया है ये पूरी दुनिया दो के बाजी है बेवफा है समझ रहे हो और तुम उसमें वफा खोजने निकलते हो कहते हैं ना वो आचार्य प्रसाण को देखा करिए कि एक भिखमंगा दूसरे भिगमंगे से भिख मांग रहा है कौन सी प्यार वाली उसके बारे में अभी अगली क्लास में बात करते हैं एक प्यार वाली क्लास आएगी उसमें इंतजार करिएगा ये देखिए पे अभाज्य नहीं है भाज्य है देखो कैसे इसका फैक्टर होगा से भाग करो कट कर जाएगा ये पांच से भी कट जाएगा पंद्रह अरे इतना तो बहुत है समझने के लिए पच्चीस पचहत्तर अब बताओ मैंने कहा ना कि एक जगह ही अगर चल रहा है तो ठीक है अभाज्य है लेकिन जिनके अफेयर कई जगह चल रहे हैं वो भाज्य हैं। भाई देखो इनके कितनी जगह चल रहे हैं? ये खुद तो ही हैं दूठी। है ही ठीक है? एक्स्ट्रा में एक दो तीन चार 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 जगह चल रहे हैं और इनको कह रहे हो कि बड़ा ईमानदार है ये। ऐसा हो नहीं सकता है हम्म वैसे इनको देखो वन थ्री सात नमाई तिरसठ होता है नौ इक्कीस हाँ, भी होता है बताओ ये किस तरीके से अभाज्य है कहो कितने लोग कह रहे थे तिरसठ को भाज्य है नहीं कह रहे थे ना सब अभाज्य कह रहे थे तो ये सभी संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्याएं इसमें कोई भी नहीं है सभी भाज्य हैं वंदना समझ में आ रहा है मित्तल मुखर्जी ऋषि सिंह आ रहा समझ में कमेंट ना करो किसी का नाम लेके चलो वैसे सभी हैं ये सभी अभाज्य नहीं है सभी भाज्य संख्याएं हैं आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छह देखना अब ईमानदारी के साथ निम्नलिखित में से कौन प्राइम नंबर है अब की बार एक हो जाएगी ऐसा बात नहीं है हो जाएगी सिक्सटी सिक्स फिफ्टी वन और भैया लो, लो चलो बताओ बताइए जल्दी करिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है अर्चू बताओ ऋषि ब्लॉक किया जाएगा आपको ऋषि सचिन सावधान क्वेश्चन नंबर छह है तो आंसर में सिक्स ए लिखोगे कमेंट में या सिक्स बी तभी हम मानेंगे अगर सिर्फ पी सी बी सी लिखोगे तो नहीं वेरी गुड सुमित ये कह रहे हैं क्लास खत्म करने का टाइम हो गया ये तो वही है देख रहे थे बैठ के कब खत्म हो कब क्लास खत्म हो चलो बहुत अच्छा वेरी गुड देखिए ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर उनको छोड़ के वन और यानी खुद और वन इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा है तो वो क्या है भाज्य संख्या है अभाज्य नहीं है जैसा कि इसमें अक्सर लोग सी बता रहे हैं और परवीन जी हैं वो बी बता रहे हैं नीलम बिल्कुल नहीं मिलेगी कभी नहीं मिलेगी बाद में बाद में पीवीआर स्टडी ऐप में मिलेगी फीस जमा करके डोंट फ्री इंग्लिश सही है ना मेरी बाद में फ्री नहीं मिलेगी चलो देखो फ्री पढ़ना है तो लाइव आओ नौ से 940 तक और नहीं तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए कभी भी देखिए एनी टाइम देखिए डोंट वरी कोई टेंशन की बात नहीं चलो भैया जो लोग इसको कह रहे हैं अपनी तफली कर लें इसका फैक्टर तीन है सत्रह है और इक्यावन है देखो इनके अफेयर कई जगह हैं तो ये क्या है अभाज्य नहीं है भाज्य है वैसे इसका दुई पंच दस एंड दु एक कम दुई ठीक है सत्रह छक्का एक सौ दुई होता है देख लो एक सौ दुई को भाज्य कहने वाले देख रहे हो कह रहे थे कि मेरी वाली वफादार है देख रहे हो इसकी वाले के कितने निकल रहे हैं अब बताओ देख रहे हो कितने निकल रहे हैं एक तो ये खुद एक ये अभाज्य होने के लिए ये दोनों होने चाहिए लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कितना है एक दो तीन चार चार एक्स्ट्रा है तो कहां से ये अभाज्य हुआ हा? नीलू नंबर चल रहा है नीचे स्क्रीन पे, उस पर संपर्क करिए आप नंबर पे, पे। आइए देखिए आगे इसका कोई फैक्टर है वन वन थ्री और भी कोई है क्या देखो दो से तो विभाज्य है नहीं तीन से भी है नहीं चार से भी है नहीं पाँच से भी है नहीं और जब तीन से नहीं है तो छः से भी नहीं है सात से भी नहीं है ये है किस से दादा ये नहीं है मुझे नहीं लगता कि विभाज्य है किसी से इसका आंसर सी सीखा सकते हो ठीक है आइए आज का टॉपिक है रेफनल और इ नंबर तो प्यारे बच्चों क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो अगर हाँ तो फट से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी करिए इसमें रेफरनल नंबर कौन है नित्या वर्मा शीतल कुमारी शंकर मोनिका प्रोराइडर करण अंजलि कटियार सोनू रामचंद्र पासवान बिंदिया ज्योति मोहित सब आ रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को क्लास को लाइक शेयर करें बाबू ठीक है आपकी जिम्मेदारी है आपकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी है हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे लेकिन आप क्लास को लाइक करेंगे इसमें नंबर जो है वो वाला सही है कैसे और क्यों इसके लिए आप अगले क्लास मतलब आगे देखिए पढ़ा रहे हैं सब बताते हैं क्यों डी वाला सही है बाकी सभी रेफनल हैं क्योंकि इनकी कोई भी एक पूर्ण संख्या मतलब वर्गमूल नहीं होगी रेफनल नंबर की परिभाषा और इनको समझिए कि होती क्या है इसमें से आप लोग ये बताओ क्या ये सभी संख्याएं जो लिखी गई हैं वो रेफनल नंबर हैं। एक बार हाँ या नहीं में जवाब दे दीजिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर मतलब की बात करते हैं आपसे और इधर इसको हटा दो भैया रास्ते में रखे हो आइए इसकी एक सीधी सीधी परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसको p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है वो रेफनल नंबर होती है तो भैया इसका क्या मतलब है रूप में लिखा जा सकता है इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसको नौटंकी का संख्या तो छोड़ो एक दूसरा एग्जांपल समझो नौटंकी का जोकर देखे हो नहीं देखे हो कोई अगर डांस वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है उसको देखे हो देखे हो ना अच्छा अभी हाल ही में रामलीला का प्रोग्राम हर जगह चल रहे थे शहरों में देखा था गाँव में भी देखा था ना तो रामलीला के प्रोग्राम में जो उसमें कोई भी प्रकार का रोल करते हो क्या होते हैं इंसानी तो होते हैं ना इंसान ही तो होते हैं ना हा? समझ रहे हो यानी आप देखिए इसमें हम कोई प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कुछ गलत प्रकार की आप ऐसा समझो कि अगर किसी को किसी इंसान का कोई रोल करना है हम्म ठीक है मान लीजिए उसमें ये बात तो आप लोग बुरे सेंस में नहीं लीजिएगा मान लीजिए कि बजरंग जी का रोल करना है तो अब कोई एक इंसान होगा लड़का होगा जो बजरंग का रोल कर सकता है कर सकता है ना अब कहते हैं गाय हमारी माता है है ना अच्छी बात है हर कोई सम्मान करता है अब अगर कहिए कि आप किसी गाय को या किसी बछड़े को या किसी ऐसे चीज को मतलब मतलब मेरा समझ रहे हो क्या ऐसा बनाया जा सकता है नहीं क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल अलग है मेरा मतलब समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ उसकी बनावट अलग है स्ट्रक्चर अलग है तो ऐसा नहीं दिखाया जा सकता है वो ऐसा भी है भी नहीं कर पाएगा मतलब समझ रहे हो एक इंसान ही हो सकता है हा? लेकिन शंकर जी का नंदी आपने देखा है शंकर जी का नंदी अब क्या उसमें कोई इंसान बन पाएगा नहीं ना उसमें तो वही गाय ही बनेगी तो मेरा कहने का यह मतलब था दोनों मतलब पूरा समझिएगा मेरा कहने का यह मतलब है कि जो पी अपान क्यू का रूप है इस रूप में जो संख्या लिखी जा सके यानी देखो इस पे ना तो कोई रूट है मेन यही रूट ही है इसमें एक जो लफड़ा करता है जिसको नहीं लिखा जा सकता है और ना ही कुछ एग्जाम्पल देखोगे तभी समझ में आएगा जैसे देखिए पी अपान क्यू का रूप क्या है ये ग्यारह बटा सात क्या है पीएपान क्यू का रूप है समझना यहाँ पे ये भी तो पीएपान क्यू के रूप का है रूप का का मतलब समझना रूप का का क्या मतलब होता है ये समझो सब छोड़ो देखो जैसे अगर मैंने कहा आ, थोड़ा सा रुकना मैं कुछ सामान लेके आता हूँ आधा मिनट रुकना बताता हूँ रूप का, का का क्या मतलब होता है अब यह देखो एग्जाम्पल आज मेरे दिमाग में आ रहा है समझो क्या ये दोनों सेम रूप के हैं कि नहीं बताइए जी आपने अगर मैथ में समरूप पढ़ा होगा ये समरूप है सर्वांग सम नहीं है तो एक प्रकार से इसमें कहा जाए जहां तक मुझे पता है कि समरूप होना चाहिए ठीक है इसको देख रहे हो क्या है ये समरूप है सेम रूप है छोटा बड़ा है अलग बात है बाकी बनावट वैसे है कि नहीं है ना सेम और ये क्या है सर्वांगसम कलर भले अलग है ये सर्वांगसम है लेकिन अगर इनकी जोड़ी लगा दोगे इनके साथ तो बताओ ये सर्वांगसम है कि समरूप ये कुछ नहीं है न सर्वांगसम है न समरूप है ना तो इसकी तरह इसकी बनावट है स्ट्रक्चर है और ना ही इस मतलब इसके कोई पार्ट या कोई अंग प्रत्यंग इससे मैच करते हैं अब अगर नहीं समझे तो फिर हमारे पास और कोई दवाई नहीं है तो अब मतलब समझना मतलब समझना यहाँ पे जो मैंने दोनों डिब्बी आपको दिखाई थी उसका मतलब समझना अब ये ना कहना कि ये ये जो है ये तो 11 के जैसे नहीं है मतलब मुझे लगता है ढेर सारा एग्जाम्पल बताएंगे तभी समझ में आएगा छोड़िए परमीय के साथ साथ अपरमीय भी सिखाया जाएगा तभी आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से बाकी चीजें तो कुछ लोग समझ रहे होंगे है ना चलिए तो ये सभी संख्याएं क्या है जितनी है परमीय संख्या है सभी परमीय संख्या है फिर सवाल उठता है परमीय संख्या क्या है अभी दोनों में जब अंतर समझाएंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं चलो बने रहो हमारे साथ देखो यहाँ पे रोहित कुमार कमेंट आ रहा आपका हम्म संभवी कमेंट आपका भी आ रहा है महक बिंदिया सैनी सागर यादव नेम सिंह चलो भैया आओ ये सभी नंबर हैं क्योंकि सबको के रूप में लिखा जा सकता है को पैंतीस बटा दस लिख, लिख सकते हैं ना और इसको जो पच्चीस वाला है ना इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप पांच लिख सकते हो है ना जीरो पॉइंट फाइव पे बार है इसको आप पांच बटा नौ लिख सकते हो ये सभी पी अपान क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर वो कौन सी संख्या है जिसको नहीं लिखा जा सकता है ये सब तो यही बता रहे हो लिखा जा सकता लिखा जा सकता देखो बताता हूं जिनको नहीं लिखा जा सकता वो भी देख लो समर रखो जैसे अंडरवुट थर्टी सेवन अंडरवूट थर्टी सेवन क्या अंडरवुट थर्टी सेवन को पीएपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है चल यार देखो यहां पे जैसे अंडरवुड थर्टी सेवन क्या इसको भी पीएपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करना इसको अगर हम करें इक्वल पीएपान क्यू तो क्या इसके बराबर है ऐसा हो सकता है इसके नीचे वन छुपा सकते हैं ठीक है नहीं देखो ये टोपी पहना है और ये टोपी नहीं पहना है इसके खोपड़ी पे ये अगर लगा होता ऐसे तो हम कह सकते हाँ ठीक है बराबर है हा? पी जो है जय जो हाल मेरी है वही हाल तेरी भी है लेकिन जैसे होता नहीं प्यार में धोखे में एक जिसकी सच्ची मोहब्बत रहती तड़पता है सारा काम धाम छोड़ के बिल्कुल बेहोश हो जाता है उसी के पीछे पागल हो जाता है और दूसरा चीट करने वाला अपनी जिंदगी में मस्त रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता समझ रहे हो तो मेरा मतलब समझो कि दोनों तरफ हाल सेम नहीं है इसलिए गड़बड़ है वैसे यहाँ क्या है यहाँ पे देखो इनकी हाल सेम नहीं है इसके ऊपर ये रूट का चिन्ह लगा बट इसके ऊपर नहीं लगा है तो ये रूट का चिन्ह हट भी नहीं सकता है क्यों अगर इसका रूट का चिन्ह हटेगा तो कोई एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी क्योंकि थर्टी सेवन जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते डज नॉट इक्वल पीएपान क्यू ये, ये परिमेय संख्या नहीं है अपरमीय संख्या है बात समझ में आई कि नहीं सभी को समझ में आई विपिन कुमार कमेंट आपका दिखाई दे रहा है आप चुपचाप पढ़ाई करिए पार्टी किया होती कि नहीं भाई कहना क्या चाहते हैं नंबर पर संपर्क करिए चलिए आगे देखिए और मतलब की बात थोड़ा सा और समझिए एक तो ये एग्जांपल हो गया इसको अगर मैं नए पेज पे बताऊं तो सही रहेगा नहीं मुझे डिलीट करना पड़ जाता है यहाँ से एक मिनट रुकना तो भैया रुको चलो देखो यहाँ पर हेडिंग डालिए अपरमीय ऐसे नहीं मजा आएगी यहां पे ऐसे लिखो परमीय संख्या यहां पर लिखिए अपरमीय संख्या नंबर ठीक है आप समझना मतलब क्या कहना है आपका यहां पे देखना परमीय तो मैंने आपको बताई दिया मोटा मोटा में हम बात कर रहे थे जैसे पहला अंडरव थर्टी सेवन ये संख्या है क्योंकि ये पी अपान के बराबर नहीं है दूसरा जैसे अंडरवुट टू प्लस फाइव अगर इसके नीचे हम वन भी लिख दें फिर भी ये इक्वल पीएपान क्यू नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट वाली जो मुसीबत है हटने वाली नहीं है अगर इसको हम हटाएंगे भी तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी हम्म समझ रहे हो वैसे अगर इसकी कंपेयर में इधर हम लिखे तो ऐसे अंडर रूट ट्वेंटी फाइव प्लस तीन ये परमीय संख्या है ये परमीय संख्या है बताओ काहे को है क्योंकि इसका वर्गमूल आसानी से हट सकता है छोड़ सकता है तो ये क्या हो जाएगा पांच और ये तीन बराबर आठ बटा एक यानी पीएपान क्यों तो ये मत सोचना कि अगर किसी पे वर्गमूल का चिन्ह लग गया तो वो अपरमीय है नहीं कंडीशन पर डिपेंड करता है अगर उसका वर्गमूल निकल जाता पूरी तरह से तो वो अपरमीय है नहीं निकलता है तो अपरमीय है ये क्लास आज हर किसी को मजेदार नहीं लग रही होगी महक सागर क्लास को पूरा देखेंगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगा अनिता सहाय अमन केसरवानी अमन जी शुरू में लिखा था अगर आपने देखा होगा तो रेफनल इ रेफनल लिखा था ना आ? आप कहो कि जितनी जगह हम लिखे उतनी जगह इंग्लिश लिखे तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है अगर आपने शुरू में देखा होगा तो शुरू में देखिए यहाँ पे लिखा है रेफनल और इ नंबर लिखा है ना तो ये प्रिंटिंग वाला तो काम है नहीं ये लिखा जा रहा हाथ से यहाँ पे लिखा है तो आप कहो कि अगर हर जगह हम हिंदी लिखें फिर इंग्लिश लिखें फिर इंग्लिश फिर हिंदी तो नहीं आप लिया आगे बढ़े चलिए तो पहले वाले के तरीके पे चले अगर जैसे इधर है इसकी कंपेयर में अगर इधर लिखे परमी है तो जैसे अगर ये अंडर रूट या घनमूल का चिन्ह है सात सौ उनतीस तो क्या है पता है ये पीएपान क्यू के बराबर है इसे आप लिख सकते हो पीएपान क्यू के बराबर कैसे पता है देखो इसका घनमूल न आएगा क्योंकि यहां पर घनमूल का चिन्ह लगा है और नौ को आप लिख सकते हो नौ बटा एक यानी इक्वल पीए पान क्यू तो ये क्या है परमी संख्या है नाट इफर नंबर किसी के मन में कोई डाउट कोई तकलीफ तो बताओ मुझे नहीं ना कोई डाउट नहीं पार्थ समझ में आ रहा है तूफान हिरवार आ रहा है छात्र टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी को ज्वाइन करें जिससे कि उन्हें सारी फ्री क्लास की नोटिफिकेशन पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल जो भी हमारे पास हो सके उन्हें हम दे सके ठीक है तो ये नाम है पीवीआर स्टडी चलिए जवाब दीजिए निम्नलिखित में कौन इरेफनल नंबर है सिलेक्ट इरेफनल नंबर देखो बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन है अगर ए वाला आपको लग रहा सही है तो आप कमेंट में टू ए लिखेंगे जिनको लग रहा है टू सी सही है वो टू सी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर दोनों लिखेंगे चलो जल्दी करो लखनकर आ रहा समझ में आकाश शुक्ला एनडीए डिफेंस बताइए आ रहा सबको ना तो क्लास को लाइक का करते यार था यार सब भैया फटाफट भट सभी बच्चे क्लास को लाइक करें बहुत जल्दी आपकी ज़िम्मेदारी है मैं यूट्यूब पर ये बैच पूरा फ्री पढ़ाऊंगा पूरा फ्री बस कंडीशन है कि आपको लाइव देखना होगा क्योंकि आपकी शौक़ होती है ना लाइव की लाइव के बाद नहीं देख पाओगे डिलीट कर दिया जाएगा जो बच्चे क्लास में आए हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उन्हें प्राइवेट लिंक भेजा जाएगा इसका वो देख सकते हैं बाद में सबसे पहला कोई जवाब दिया है इसमें तो उनका नाम है सोनू कुमार सागर यादव पूनम पिंकी नित्या सचिन ज्योति संगीता अनूप अपरमीय संख्या कौन है इसमें जनाब बहुत अच्छे ये अपरमीय है क्योंकि यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है और 81 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है ये नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर एट्टी वन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है इसका घनमूल करोगे तो सात सत्ता उनचास सत्य तीन सौ तिरालीस सात आ जाएगा इसका घनमूल करोगे तो पाँच आ जाएगा इसका करोगे तो नौ आ जाएगा बट एक का करोगे तो क्या आएगा चच्चा जो भी आएगा दशमलव में आएगा देखो कैसे अगर पूर्ण घन संख्या की हम बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या एक फिर आठ फिर सत्ताईस तो फिर चौसठ तो फिर सौ पच्चीस के बाद 125 होता है उसके बीच में है तो इसका जो भी आएगा फोर पॉइंट समथिंग आएगा दशमलव में आएगा सॉरी लाइफ गॉड इनका नाम है क्लास के एक मिनट के बाद डिलीट कर दिया जाएगा सिर्फ एक मिनट में और तुम अगर सोचो कि हम डाउनलोड कर लेंगे तब करेंगे तो तो भी नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा अगर हम अपने पास से डिलीट कर देंगे तुम डाउनलोड भी कर लोगे नहीं चलेगा हम डाउनलोड करने देंगे नहीं यू डोंट वरी चलो अरे यार क्यों करना चाहते हो भाई डाउनलोड क्यों रखना चाहते हो आपको एक चीज पता है मैं कम से कम सत्तर किताब ऐसे रखा हूं थोड़ा बहुत झूठ भले बोल रहा हूं लेकिन तब भी बीस पच्चीस तो होंगी जिनको मैं पढ़ने के लिए लाया हूं लेकिन आज तक मैंने एक को पन्ना नहीं पढ़ा उनकी क्यों पता है क्योंकि मैं लाके रखा हूं खुश हूं यहाँ है एक दिन ठीक खो गई थी उसको मैं रात भर खोजा क्यों क्योंकि गायब हो गई थी नहीं मिल रही थी और मिल गई तो फिर रख दिया वैसे होता है अगर तुम इसको डाउनलोड करके रख लोगे रखे रहोगे बस तसल्ली रहेगी जी हाँ धरे ही पढ़वा ना कब समझ रहे हो ना नहीं पढ़ोगे मुझे पता है इसलिए डाउनलोड करके रखने कोशिश ना करिए पढ़ाई करिए चलिए तीसरे में जवाब दीजिए तीसरे में जवाब दीजिए अगर थर्ड में ए सही है तो आप कमेंट करिए थ्री ए अगर डी सही है तो तीन डी और सी सही है तो तीन सी बताइए अभी आगे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पहले दो तीन प्रैक्टिस कर लीजिए तब देखो बाबू जिनको भी सीखना है जवाब दीजिए बात नहीं करेंगे बाद में बात होगी इनके कमेंट अगर हम लेंगे तो हमें ये पागल करके छोड़ेंगे छोड़ो एक लाइन में जरूर कहूंगा कि क्लास 9 बजे शुरू होती है सारा काम धाम छोड़ के नौ बजे के पहले आठ बजकर पचास मिनट पे बैठ जाया करिए क्योंकि फ्री भी लेना है ना हाँ जिनको ये सब लफड़ा नहीं करना है वो एप्लीकेशन में 5 नवंबर से एक क्लब बैच ज्वाइन करें कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी का जब मन करे तब देखना रात के दो बजे देखना सुबह छह बजे देखना दोपहर हम तीन बजे देखना को दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है क्लब बैच ज्वाइन कर लीजिए बहुत अच्छा जो बच्चे जवाब दे दिए वेरी गुड तो ये एक क्लब बैच बाबू आ रहा इसमें है इसमें लिमिटेड सीटें हैं प्रथम सौ बच्चों को मिलेगा भारी डिस्काउंट अगर आप भी इच्छुक हैं तो जल्दी करें कहीं ये मौका आपसे छूट ना जाए इसमें एक और भी अच्छी बात है बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं इसमें एक प्लान है त्रिपल नाइन का जिसमें आपको पूरे 24 महीने के लिए पूरा बेसिक एनसीईआरटी मिलेगा टेन तक आप बताओ इससे सस्ता और क्या चाहते हो आज के टाइम में जहां ढाई रुपए किलो टमाटर और सौ रुपए किलो प्याज भी कर रही है वहां तो दस किलो प्याज का दाम है हाँ दस किलो प्याज का दाम है दू साल चलेगा और तुम दस किलो प्याज लेकर रख लोगे दू साल में सड़के माटी हो जाएगी अब बताओ अगर पढ़ लिए तो प्याज और आलू फैक्ट्री खोल सकते हो मतलब समझ रहे हो फैक्ट्री मतलब कुछ ज्यादा हो गया क्या चलो ठीक है मेरा समझ गया ना मेरी बात चलिए आगे बढ़े अरे पढ़ लिख के किसान भी तो बन सकते हो हम लोग खुद ही किसान हैं अभी देखो धान की पिटाई हो रही है तो ये हो गया थर्ड नंबर में कौन कौन बताया वेरी गुड आइए बताता हूं देखिए कह रहा इनमें इरेफनल नंबर कौन है इरेफनल नंबर यानी अपरमीय संख्या अपरमीय संख्या कौन कौन सी है इसमें देखो ये डाट डाट करके अनंत तक है इनफाइनाइट तक है इसको अगर हम बात करें तो ट्वेंटी थ्री अपान हंड्रेड लिख सकते हैं अगर इसको बात करें तो फाइव पांच सेवन लिख सकते हैं ठीक है इसकी अगर बात करें तो तीन बटा नौ लिख सकते हैं लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं जैसे है वैसे रहेगा तो वही अपर संख्या है तीन में ए सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं ठीक है देखिए मैंने वहाँ पे सबसे पहले टाइप डाल रखा था लेबल फर्स्ट एंड लेबल सेकेंड के क्वेश्चन तो ये लेबल फर्स्ट के क्वेश्चन है लेबल फर्स्ट के क्वेश्चन है ये समझना लेबल फर्स्ट में सबसे आसान आसान क्वेश्चन है ये परमीय संख्या होती है सभी जो आपको दिख रही हैं लगभग में एकाता आध संख्या है उसके बारे में बताएंगे ठीक है इन सबको पीए पान क्यू के रूप में क्या करना चाहिए लिखा जा सकता है चिन्ह से कोई मतलब नहीं है विशेष रूप से ये परमीय संख्या है क्योंकि जीरो आएगा बट बाबू ये अपरमीय संख्या है यह परमीय नहीं है ऊपर यह अपरमीय है परमीय नहीं है को समझ में आ रहा है ना इनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है इनको पी अपान क्यू के रूप में ये परमीय संख्या है ये लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन है सबसे आसान वाले इसको तो बता ही दिया हूं चले आगे आइए तो लेबल सेकंड में आ जाओ लेबल सेकंड में आ जाओ बढ़िया चलिए ये लेबल सेकेंड के क्वेश्चन है साथियों ये पॉइंट में होते हैं इनमें कुछ परमीय भी है कुछ अपरमीय भी है क्या आपको इसमें कोई अपरमीय संख्या दिख रही है एनीमन कोई बताएगा हाँ, दिख रही है में संख्या दिख रही देखो इसको हम लिख सकते हैं पांच बटे दस क्योंकि एक अंक पर पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं दो अंक पर दस है तो तीन सौ चौदह बटा सौ ठीक है अगर किसी भी गिनती में नीचे जीरो होता है तो इसका मान अनंत होता, होता है इनफाइनाइट होता है यह परमेय संख्या नहीं होगा क्या होगा ये अपरमीय संख्या होगा इसको हम लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव अपॉइंट टेन ये क्या होगा परमीय संख्या होगा आज की क्लास में हम आपको रेफनल और इरेशनल सिखा रहे हैं ठीक है आप लोग अपने सोना बाबू से थोड़ा पीछा छुड़ा के इंटरनेट बचा के रखिएगा ठीक है क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास कंप्लेन और मैसेज आ रहा था रिक्वेस्ट आ रही थी कि देखने दिखाने के चक्कर में इंटरनेट खत्म हो जाता है शाम को क्लास नहीं ले पाते तो वहां देखोगे तो कुछ हासिल होगा नहीं और अगर यहां देखोगे तो जिंदगी में कुछ कर जाओगे आइए लेबल थर्ड में बात करते हैं लेबल थर्ड के क्वेश्चन जैसे अगर ये है थर्टी सिक्स बटा 13 क्या ये परमीय है या अपरमीय है मुझे ये बताओ पहले रेफनल है या इरेफनल है अगर रेफनल है तो पी इरेफनल है तो क्यों लिखिए मैं आपके सामने से हट चुका हूं सुमन प्रजापति अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी है अमन जी आप पी वी आर स्टडी ऐप में एकलव्य बैच ज्वाइन करिए बाबू देखो भैया जिनको भी रात में लाइव आना अच्छा नहीं लगता है इंपॉर्टेंट काम है वो पी वी आर स्टडी ऐप में पांच नवंबर से एक बैच आ रहा है उसको ज्वाइन कर लें कभी भी देखें किसी भी समय देखें कोई लफड़ा नहीं है बहुत अच्छा ये इरेफनल नंबर है यह है नंबर अपर संख्या इसमें सबसे पहला जवाब देने वालों में जिनका नाम है उनका नाम है भूपेश सोनू जगनारायण रोहित सचिन यादव मिश्रा पूजा अनूप मोहम्मद हसन संगीता नित्या सौरभ सुरेंद्र सुभद्रा आर्या क्यों क्योंकि इसमें कोई भी ना तो थर्टी सिक्स ना तो ये तेरा कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कैसे नहीं है ऐसा कैसे कह दिया है एक ठू है एक ठू नहीं है तो ये छह बटा अंडर रूट तेरा आ जाएगा क्योंकि थर्टी सिक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है फिर भी ये अपरमीय ही होगी क्योंकि ये पीएपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि थर्टीन का वर्गमूल नहीं हटाया जा सकता इसका चिन्ह मतलब रूट का ठीक है अगर हटाएंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई अपरमीय संख्या अंडरवुड पच्चीस बटा सत्रह ये बताओ क्या है परमीय है कि अपरमीय बताओ भैया रेफनल है कि रेफनल विनय कुमार बताओ अनिज अनुज अभिनव परमिया परमिया क्या है बहुत अच्छा वेरी गुड बच्चा वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड ये परमीय संख्या है चच्चा क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस का फाइव आएगा तो फाइव अपन सेवनटीन आप लिख सकता हो इसको चाहे तो पांच बटा सत्रह लिखो और चाहे तो माइनस पांच बटा सत्रह लिखो दो जगह से लिख सकते हो दो तरीका से बट 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 का है पता है तुम्हें दोनों परमीय संख्या है परमीय संख्या है परमीय नहीं है अच्छा तो यही में लगे हाथ ही बतावा सब भाई कि अंडर उड दस परमिया है कर्मिय आए हो हुँ? बतावा हो पंचो ये परमिया है का परमी इसका कोड है यक्स एंड वाई वाई मतलब अपरमिय मतलब परमीय बताओ अगर ये परमीय संख्या है तो आप यक्ष लिखेंगे कमेंट में अपरमीय है तो वाई अंडरवुड टेन इज आर रेफनल नंबर आर इरेफनल नंबर कमेंट योर आंसर वेरी फास्ट देखो अंग्रेजी आवे लगा ना हमका का तू लोग हल्के में लेता का इसे सबसे पहला जवाब इसमें अगर कोई दिया है तो मुझे नहीं लगता कौन है वो क्योंकि सब लोग सब में वैसे दे रहे हो बहुत अच्छा मोहम्मद हसन विशाल पासवान आलोक सिंह अनिल कुमार किस्सू किस्कू पूरे मोहल्ला का नाम रख ले हैं, जोड़ के इकट्ठा बड़ा सा नया तिवारी शंकर विनय बिंदिया सागर विनय बहुत अच्छा ये इरे नंबर है क्योंकि ये देखो भाई सिंपल सा फंडा ये है ये दूठी नाम सुने आगना है पूर्ण वर्ग और एक थी पूर्ण घन इसको इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं अंग्रेजी वाले जान लिया इसको परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग और परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन ये संख्याएं अगर हैं तो वो संख्या परमीय होती है ठीक है चाहे वो रूट के अंदर हो या घन गन, घनमूल के चिन्ह के अंदर हो और अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या अपरमीय होती है अच्छा तो यही लगे हाथ ही बतावा चाचा लोग कि अंडरवुड थर्टीन का है वो अगर ये परमीय है तो तुम वाई लिखोगे वाई मत लिखो यार वही लिखे रह उल्टा पुल्टा कह देवा एंड चलो बताओ एक और बताओ आगे बढ़ा रहा हूं देखिए अगर आपको आ आप भी रहा है ना कुछ तो थोड़ा संतोष करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पर रील ऐसे ऐसे नीचे ऊपर करके जब तुम कच्चा पक्का बादाम देखते हो ना उसको भी तुम्हें पता आएगा उसके अंदर क्या है फिर भी देखते हो उम्मीद में देखते हो कहीं कुछ और दिख जाए है ना यहाँ देखो ना उसी उम्मीद से देख लो कि हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए तो वहां टाइम नहीं बचाते हो मुझे पता है ऐसे हो तो भैया जब कोनो काम करे पड़े या कोनो अच्छी जगह तो बहुत टाइम याद आवा जब हम लोग कच्छा आठ में पढ़त रहे ना तो हम लोग के घरे वाले हमको भैंस चरवा भेजवा देते रहे तो जब हम भैंस लेके जाए वहां बैठी थी याद आवे हमारे घरे वाले कितना नालायक हमसे भैंस चरवाओ था घरे हुई तो पढ़ी थम और तो जब घरे रहते तो फिर पढ़ाई का चीज है का मतलब है पढ़ने लिखने से पढ़ाई नहीं होती थी तो जो किसी काम में लगा दिया जाता है कहीं और बिजी हो जाओ किसी अच्छे काम में तो बहुत कुछ याद आता है ये बात सही है ऐसा होता है ये अपर संख्या इसका जवाब है ई चल लोग पढ़ाई ध्यान दिया हो सबसे पहला इसमें जो जवाब दिया है, मैं उनका नाम जरूर बोलूंगा पूरे सम्मान के साथ उनका नाम है अः भैया 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 रुक जा एक मिनट गड़बड़ा जाता है यार उनका नाम है पूजा कुमारी अभिनय कुमार अनुज कमेंट बहुत तेजी के साथ भाग रहा नहीं समझ में आ रहा है ठीक है वंदना प्रिंसी यादव ठीक है तो इसमें जो सही जवाब है वो इरेफनल नंबर है क्योंकि जो थर्टीन है वो ना तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना ही पूर्ण घन संख्या है ठीक है ये ना ही पूर्ण वर्ग है ना ही पूर्ण घन है इसलिए ये क्या है यार इसमें कुछ अजीब टाइप का लगा है आयल टाइप का पता नहीं कौन छुआ था इसको यहां भी लगा है वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे तुम लोग कितने निक्के हो मुझे नहीं पता था कितने निक्के हो तो लेवल तीन होएगा लेवल चार में आगे बढ़िए इनको रपट के साइड में कर दीजिए देखो इधर अब लेवल फोर ये सब हमारे पढ़ाकू बच्चे हैं ऐसी बात थोड़े है ये बताइए कि अंडर रूट हंड्रेड प्लस का फाइव अपट्टे में तीन भैया ये परमीय है क्या परमीय है बताओ हम सिखाएंगे बताएंगे अभी पूरा मतलब विस्तार से क्या है ये आप सभी लिखा पी लिखा अगर ये है परमिय अगर अपरमीय है तो आई कोड है कमेंट करिए पी अगर परमीय है तो अगर अपरमीय है तो आई बताइए मैं बता अभी दूंगा अभी समझा दूंगा तुरंत जस्ट सबसे पहला जवाब इसमें कोई दिया है तो उनका नाम है विनय उसके पहले अनुज है फिर सचिन भूपेश अच्छा एक चीज पता है तू लोग का जब सौ लोग मना इन लोग का पीछे कह पावत आ तो, तो का, का पता है कि कोनो प्रकार के आजकल गवर्नमेंट जॉब उमे एक सीट पे ना दस दस हजार लोग का पीछे करे पड़ा था तो वहां का के लेवा हुँ? तो हिया कम से कम जीतो छोटी छोटी जीत जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाती है परमीय संख्या है क्योंकि सौ का वर्गमूल दस होगा दस धन पांच बटा तीन पंद्रह बटा तीन आएगा चाहे तो इसको डायरेक्ट परमीय बोल दो या पांच के रूप में बदल लो तो पांच बटा एक परमीय संख्या है इतनी ओझाई करने के बाद क्लियर हुआ ठीक है बढ़िया तो बी नंबर लिखा भैया सब तीन धन अंडर उत और माइनस तीन धन अंडर उत ये बतावा क्या है पर्मिये का हम्म अगर ये रेफनल नंबर है तो आर लिखिए रेफनल ई रेफनल है तो आई लिखिए इसमें भी क्या है रेफनल या रेफनल बताइए जनाब हम्म देखो भैया बहुत आसान है वेरी गुड ये थ्री प्लस रूट सेवन माइनस तीन कोष्ठक खुलेगा तो अंदर के चिन्ह में बदल जाएंगे सात से सात निपट जाएगा तीन से तीनों निपट जाएगा जीरो आएगा यानी सुन्ना आएगा और सुन्ना अ रेफनल नंबर छापा भैया छापा 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 जोनी वर्मा दयानंद प्रिंस यादव बिंदिया सैनी नित्या वर्मा अनवी शर्मा राहुल आगे बढ़ सकते हैं हम लोग फिर अब रेफनल रेफनल टॉपिक रहेगा यही क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ है आइए इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ नया पढ़ा देते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे दो परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या निकालना अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ भैया क्वेश्चन नंबर पहला संख्या पांच व नौ के बीच कितनी संख्याएं हैं बताओ सिर्फ कितनी संख्याएं हैं यही बताना एग्जाम्पल के तौर पर बस सभी बता लोगे ना आराम से बता लोगे पक्का चल भाई आओ चलो ठीक है बढ़िया है रुक गया था वीडियो सभी को पता है कि पांच व नौ के बीच में अगर हम संख्याओं की बात करें तो भाई साहब छ सात व आठ तीन संख्याएं हैं लेकिन अभी ये चीज मैं आपकी झूठा सिद्ध करके दिखाऊंगा कैसे परमीय संख्या के मामले में प्रिंसी यादव सचिन पंकज देखिए समझिए बढ़िया है ये चीज मैं आपको काहे को लिख के दिखा रहा हूं इसके पीछे कुछ लॉजिक है जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलू दूसरा संख्या तीन व पांच के बीच बीच अब संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं कितनी परमीय संख्याएं हैं कितनी कितनी परमीय संख्याएं हैं बताओ भैया चलो कितनी परमीय संख्याएं हैं एक मिनट के लिए साइलेंट होके बताओ ए भाई चलना यार ए इसके बीच में एक परमीय संख्या है दो है सी जीरो है डी अनंत है इनफाइनाइट सामने से मैं हट गया हूं देखिए प्यार से और बताइए रॉकी जीएनपी नीलू पांडे शीला सभी साथी क्लास को खूब दबा के शेयर करो बाबू देखो ये लाइव खत्म होने के बाद नहीं देख पाओगे याद रखना जब भी लाइव चलता है आप लाइव में आओ और देखते रहो देखिए जिन लोगों को लग रहा है ऊपर वाले की तरह उनका गलत है था कितनी संख्याएं हैं नाट परमीय संख्याएं यहाँ है कि बीच में कितनी परमीय संख्याएं हैं इसके बीच में कितनी रेफनल नंबर है तो किन्नी भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है ये डी वाला सही होगा अधिकांश लोग गलत कर रहे हैं यार चलो कौन सा डी वाला सही होगा डी वाला दी वाला चल यार ये वाला सही होगा अनंत देखो कैसे अब सिद्ध करके दिखाता हूं तुम्हें चलो आगे आगे चले सभी बच्चे डेली क्लास की अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भूलिएगा नहीं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे पीवीआर स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लेना सभी आइए क्वेश्चन है अब करके दिखाऊंगा लिखो भाई ये दूसरा नंबर मान लो इसे संख्या दो व तीन के बीच चार परमीय संख्या बताइए चार परमीय संख्या बताइए चलो क्वेश्चन मार्क कर दिया अब आप कहोगे कि भैया हो दो और तीन के बीच में चार संख्या कहाँ से आएगी अरे एक होता है एक के बाद दो होता है तीन होता है फिर चार होता है पांच होता है एक रे बीच में चार संख्या कैसे आएगी इसके बीच में चार नहीं चार हजार संख्या आ सकती है परमीय संख्या देखो कैसे वही तो मैं दिखाने वाला हूं देखो आ रही है अभी मौसी के घर से देखो कैसे आएगी इसका दो तरीका होता है हम पहले तरीके के बात करेंगे फर्स्ट मेथड प्रथम तरीका देखिए इसमें एक सूत्र लगाते हैं पहले तरीके में ए प्लस बी ए टू यह तरीका हर जगह प्रयोग नहीं करते हैं ठीक है देखो सूत्र क्या है समझिए जैसे आप सभी को पता है यहां पर लिखेंगे पहली परमीय संख्या पहली फर्स्ट रेफनल नंबर क्या होगा बाबू भैया फॉर्मूला लगाओगे ए मान क्या है पहली संख्या यानी दो बी मान क्या है तीन तो दो धन तीन और बटा क्या दो यानी पहली जो परमीय संख्या आई वो क्या आई पांच बटा दो अब बताओ पांच बटा दो का मान तो ढाई होता है भैया बताओ तो ही सब बताओ हो पांच बटा दो के मान ढाई होते ना क्या और कुछ नहीं ना या टू पॉइंट फाइव तो मुझे ये बताओ कि दो और तीन के बीच में क्या ढाई हो सकता है यस या नो हो सकता है कहोगे हां यह बात तो है लेकिन फिर चाटू कैसे आएगा आएगा पहली हो गई बार बार बता रहा हूं यह सूत्र हर जगह नहीं लगेगा प्रत्येक सवाल में जिसमें थोड़ी सी संख्याएं निकालनी है वहां लगेगा अब लिखिए दूसरी परमीय संख्या बराबर ए प्लस बी ए टू थोड़ा एक पतला कल भैया अब यहां पर एक चीज आपको समझना है हमें चूंकि चार पर संख्या निकालना है तो हम एक काम करेंगे हम यहां एक जगह बनाएंगे इनके लिए ना? सपनों का शहर दो या तीन हमें चार संख्या निकालना था चूंकि हमें पता है आपको भी पता है और पहल की संख्या के बीच में आ चुकी है का ढाई आ चुकी है हम लिख भी देंगे कोनो दिक्कत नहीं है समझिए इसी के बीच में हम चारों लिखेंगे आप क्या करेंगे पता है आपको इसको आप पहली संख्या मान सकते हो इसको दूसरी मान सकते हो ठीक है या फिर समझना अभी तक जो परमीय संख्या आई है ढाई वो दो और तीन के बीच में आई है अब अगली जो संख्या आएगी वो ढाई और दो के बीच में या ढाई और तीन के बीच में आएगी समझा तो मैं किसको किसको ले लू ढाई और दो को ले लू चलो हम दो और ढाई को ले लेते हैं तो दो प्लस ढाई बटा का दुई। ओके वैसे इस पे अगर हम सीधा सीधा पांच बटा दो लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता भिन्न के रूप में लेकिन दस हमलों में लिख दिया तब भी कोई बुराई नहीं है चलो इनको जोड़ोगे मेरे भाई सभी को पता है कि दो में क्या जोड़ना है ढाई जोड़ना है कहते हैं गधा हुए पड़त। तो दो में ढाई जोड़ना है इन दोनों को जोड़ना है इनको ऐसे लिखेंगे दो को हम ऐसे कर लेंगे ऐसे जैसे पड़ोसी की गड़बड़ना हो अब इनके नीचे इनको लाके यहाँ सेट कर देंगे ऐसे ये लो तुम नंगे तो तुमसे बड़े नंगे अब इनको जोड़ लो पांच में जीरो तो पांच दस हम लो और दो दो, दो चार यानी साढ़े चार 4.5 कितना आया 4.5 पॉइंट फाइव टू आप बताओ चार दशमलव पांच का आधा करो तो कितना आएगा साढ़े चार का आधा कितना आएगा हा? कितना आएगा भैया साढ़े चार का आधा नहीं कर पा रहे हो देखो बता देता हूं तुम्हें करके सुनो आसान तरीका है एक अंक पर दशमलव है ऊपर से हटा दो तो पैंतालीस बटा बीस बन जाएगा पैंतालीस बटा बीस इनको हल करके भी निकाल सकते हो और दूसर का एक तरीका है वो देख लो देखो साढ़े चार का आधा भाई चार का आधा दो होता है मान लो इसको रुपया साढ़े चार रुपया है चार रुपया पचास पैसा तो चार का आधा दो और पचास पैसा का आधा पच्चीस पैसा यानी टू पॉइंट टू फाइव समझा टू पॉइंट टू फाइव में अगर बात करें तो तो इसके बीच में क्या आएगा टू पॉइंट टू फाइव तो इसको हम थोड़ा खिसकाएंगे इसको हम थोड़ा इधर खिसकाएंगे जगह करेंगे टू पॉइंट फाइव लिख दिए एक बीच में आएगा टू पॉइंट टू फाइव अब बताओ इसमें किसी को कोई गड़बड़ी लग रही है नहीं ना भाई साहब दो और तीन के बीच में अगर इनको रुपया मान के चलें तो दो और तीन रुपए के बीच में दो रुपया पच्चीस पैसा और दो रुपया पचास पैसा होगा कि नहीं होगा ना अनंत पर संख्याएं बनेंगी इनफाइनाइट इनकी कोई लिमिट नहीं है तुम ये मत सोचो कि टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट फोर ऐसे नौ तक होगा बस नौ दस नहीं दस हजार संख्या से भी ज्यादा होगी कितने लोग को नहीं समझ में आया एक बार हाँ बोल दीजिए फटाफट प्रियंका भरद्वाज आ रहा समझ में संगीता यादव मेनका गौतम विक्रम सिंह गोलू अंजलि अमन शिक्षा उपाध्याय साक्षी यादव ठीक है तो ये हो गया दो परमीय संख्याएं अब तीसरी परमीय संख्या की बात करेंगे तो इनको घटा देंगे छोटा कर देंगे और जिससे दिखे स्क्रीन पर दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है चलो लिख भैया तीसरी परमीय संख्या इक्वल ए प्लस बी अपान टू तो इक्वल होगा ए का मान कितना ए का मान कितना हो अब कहा लेंगे हमें एक और परमीय संख्या निकालनी है अब हम ढाई और तीन को ले लेते हैं ढाई को ए मान लेते हैं और तीन को बी मान लेते हैं अगर तुम्हारा इच्छा करे तो टू पॉइंट टू फाइव को ये मान लो इसको भी मान लो हा? लेकिन अब दो और तीन को नहीं मानना नहीं झगड़ा तुम्हारे दो परानी के बीच में है, तो पड़ोसी कुछ नहीं करेगा तो इनको ढाई और तीन को ले लो तीन को भी ये हो गया दो तीन दो पांच फाइव पॉइंट फाइव अपू इसका आधा कितने लोग कर लेंगे ईमानदारी से बताना मुझे कितने लोग इसका आधा कर लेंगे नीतीश कर लोगे? साक्षी नंबर पर संपर्क करिए नहीं विक्रम बिल्कुल लड़की तो बर्बाद कर देगी तुम्हें देखो तुम्हें कितनी बार बताऊं यार लड़कों को देखो लड़की लड़का के प्यार मोहब्बत में लड़का बर्बाद होता है लड़की निकल जाती किस सच बता रहा हूं अगर दो लड़के ना एक ही लड़के के पीछे पड़े हैं और एक कामयाब हो गया अच्छा सा ढंग का उसके साथ निकल लेगी दूसरा बर्बाद हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल समझ लो देखो पढ़ाई के साथ जरूरी है दूसरा ऐसा समझ लो मान लो तुम्हारा कोई बाबू है बहुत अच्छा वाला और तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है तो टाइम तो दोनों का बर्बाद हो रहा है ना तो तुम्हें नौकरी मिलेगी कुछ कर पाओगे जिंदगी में ना वो कर पाएगी क्योंकि जो कर रहे हो उसमें बहुत समय लगता है अनुभव के साथ बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है हल्के मत लेना चलो तो होगा क्या लास्ट में तुम तो बेरोजगार बेरोजगार लड़का और विधवा महिला का दर्द कोई समझता नहीं है है ना तो तुम तो बेरोजगार तुम्हारा कुछ होगा नहीं और उसके घर वाले शादी खोजेंगे अच्छा गवर्नमेंट जॉब वाला भले उसकी डबल उम्र का हो लेकिन सरकारी नौकरी हो चपरासी हो चलेगा लेकिन सरकारी नौकरी हो और मिल जाएगा फिर घर वाले तय करवा देंगे वो चुप्पे से फोन करके बोलेगी बाबू पापा नहीं मान रहे और क्या करें चाहते तो तुम्हें दिल से ज़्यादा है भूल नहीं पाएंगे लेकिन पापा नहीं मान रहे अंदर अंदर सोच रही कि उसकी सैलरी लाखों है ये बेरोजगार क्या करेगा तो ये है हकीकत तो फिर आप मत सोचना आप कुछ लोग हमको बोल रहे हैं ऐसे हुआ आपके साथ नहीं मेरे साथ ऐसा होता तो तुम जैसे दस लाख लोगों को हम कैसे जोड़ सकते थे एक प्लेटफॉर्म पे सीखा था लेकिन थोड़ा बहुत टच हुआ था ज्यादा नहीं चले आगे ठीक है हो गया अब देखो 5.5 का आधा करेंगे और यहां में लाके लिख देंगे 5.5 का आधा कैसे करेंगे भाई बहुत आसान तरीका है 5.5 का आधा करना एक तरीका तो दूसरा वाला बता देता हूं आपकी एक अंक पर दशमलव है हटा दोगे तो ये 20 हो जाएगा पांच से डिवाइड करोगे 11 बटा चार आएगा 11 बटा चार लेकिन फिर दशमलव हम बदलोगे तो फिर एक लफड़ा रहेगा चाहे तो इसको लिख दो फ्रैक्शन के रूप में ये भी सही है या फाइव देखो फाइव का आधा तुम ये जान लो कि इसको हम ऐसा लिख सकता हूं इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं भैया ये पांच रुपया है यह पचास पैसा है पांच रुपया का आधा ढाई रुपया होगा ढाई रुपया का मतलब तुम समझ रहे हो टू पॉइंट फाइव जीरो ठीक है और पचास पैसा का आधा होगा पच्चीस पैसा समझा कि नहीं एक दोनों जोड़बा तो दो रुपया पचहत्तर पैसा जोड़ लो दो रुपया पचहत्तर पैसा हो ना एक अगर भाग करबा कर बात नहीं हो लिख दा। का देवन फाइव अभी बताओ सभी ईमानदारी के साथ कि दो रुपया और तीन रुपया के बीच में दो रुपया पचहत्तर पैसा आए कि ना आए आए ना पक्का ना तो ये तीन परमीय संख्या होगी ना ऐसे तीस नहीं तीन हजार निकाल लो निकल जाएगा अमन चौरसिया कुछ समझ में आ रहा है हम्म गोलू कुमार अमन बाबू ये जो तुम लिख रहे हो ना होगा क्या पता है बेटा लायक नहीं बचोगे इस चक्कर में आजकल इतने कानून है इस देश में अंजलि राव समझ में आ रहा हैं इन्होंने लिखा अंजलि राव माई लव मॉम डैड बैनर लगा के घूम रहे हैं लोग ठीक है आगे समझ में तो अब एक बात बताओ कि दो परमीय संख्या के बीच में कितनी परमीय संख्या कितनी ये एक एक फुटकर फुटकर निकालने वाला तरीका है अभी थोक रेट वाला बताऊंगा थोक रेट में इकट्ठा निकलता है यह फुटकर दुकान है इसमें एक एक निकालना पड़ता है मेहनत कर करके ऐसे आप मुझे चौथी परमेय संख्या बताओ चौथी परमेय संख्या भैया हो अब ना तुम इसको ए मान लो इसको बी मान लो कुछ नया हो जाए चलो देखो बहुत आसान है ये ढाई ढाई होते तो पांच हो जाते लेकिन ये पच्चीस पैसा ज्यादा था तो ये पांच रुपया पच्चीस पैसा होगा कितना होगा पांच रुपया पच्चीस पैसा होगा कर लोगे इनका आधा करना मुझे बताना और बाकी हम बढ़ते हैं कुछ नया आइए देखिए ये फार्मूला ये तरीका आप तब लगाएंगे जब दो परमीय संख्याओं के बीच में आपको दो तीन या एक आध परमीय संख्या कहीं निकालना हो ये कक्षा आठ या सात के एनसीईआरटी सिलेबस में है ये क्वेश्चन इस तरीके के नौ में भी शायद है ना जब दो परमीय संख्याओं के बीच में दस परमीय संख्या निकालना हो या पंद्रह निकालना हो या आठ सात चार तो फिर ये तरीका नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है बड़ा वाला मशीन लगाते हैं एक्स्ट्रा निकलने वाला देखो कैसे समझो अगले क्वेश्चन की तरफ जरा कदम बढ़ाइए जनाब अभी सीधा सीधा नंबर लिखूं या फिर फ्रैक्शन वाला बताऊं पहले एक सीधा सीधा कर देते हैं ना चलो सीधा सीधा लिखो लिखो देखो आता है कि नहीं चार पांच के बीच सात परमीय संख्या <laughs> थोक रेट वाला निकालेंगे फुटकर वाला नहीं जिनको भी गणित सीखना है क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे पूरा एंड तक देखेंगे ये आपसे विनम्र निवेदन है अगर मैथ आपकी दिक्कत है मैथ आपकी समस्या है तो हम दूर करने की पूरी गारंटी लेते हैं बिल्कुल फ्री नौ बजे से नौ बजकर चालीस मिनट तक आपको लाइव देखना है छोड़ दो दुनिया चालीस मिनट के लिए सीख लो बना लो अपने आप को कुछ जिसने खुद को खुद के लिए खर्च किया है दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है तो खुद को खुद के लिए सर्च करो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मतलब क्या छोड़ दो तुम खुद समझो क्या पकड़ रखे हो देखो संख्या चार व पांच के बीच में सात परमीय संख्या कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप पहली संख्या लिखोगे चार दूसर की संख्या क्या है पांच हम इनके नीचे वन वन लिख सकते हैं इनको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं ठीक क्योंकि चार व पांच के बीच में अगर आप देखो तो आपको दिख तो नहीं रहा है कि हाँ एक को संख्या है हमें सात पर में संख्या निकालनी है हम एक काम करेंगे पहले तो हर बराबर करते हैं जो कि हर बराबर ऑलरेडी है वन वन है दूसरा तरीका क्या करेंगे पता है तुम्हें हाँ क्या है बताइए कितने लोग कर लेंगे हम्म कितने लोग कर लेंगे रुकना थोड़ा चलो ठीक है तो सात परमीय संख्या निकालने के लिए अगर इसमें हम आठ से गुड़ा कर दें आठ चौक बत्तीस और आठ पंचे चालीस तो क्या क्या आएगा नहीं पता देखो आओ सबसे पहला तरीका जो है आसान वाला मैं वो बताता हूं इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है एक चीज और समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है किसी भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है तो अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम क्या है जो कक्षा छे से लेके आठ नौ क्लास में है उनके किताब का उत्तर माला नहीं मिलता, है। को नहीं मिलता है दोनों तरीका बता रहा हूं देखो पहला तो जो सबसे आसान तरीका यह है कि यहां पर जितनी परमीय संख्या निकालनी हो आप उससे एक बढ़ा के गुणा करेंगे यानी अगर सात परमीय संख्या निकालनी है तो आठ से गुणा करेंगे ठीक है जरा देखो अगर आठ से ऊपर गुणा करेंगे तो आठ से बत्तीस और ये आठ पंचे चालीस इसके बीच में सात संख्या हो रही कि नहीं देखो तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैतीस अड़तीस उनतालीस हो रही एकदम फिट बैठ रही हो रही सात संख्या लेकिन एक और तरीका है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है अगर सात संख्या निकालनी है तो चार से गुड़ा करने पर भी काम बन जाता है जैसे इसमें चार पंचे बीस और सॉरी चार चौक सोलह चार पंचे बीस क्या इसके बीच में सात परमे संख्या है नहीं है नहीं है तो यह क्वेश्चन आपका जो आंसर है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उत्तर से मिल सकता है लेकिन जिस क्वेश्चन में चार से ही गुड़ा करने पे काम बन जाता है अगर आप आठ से करे रहोगे तो वो उत्तरमाला मैच नहीं करेगा लेकिन कोई उत्तर आपका गलत नहीं कर सकता परमे संख्या के बीच परमे संख्या निकालना ही मैथ में एकमात्र ऐसा मतलब क्वेश्चन होता है या ऐसा टॉपिक होता है जिनमें उत्तरमाला मैच करना जरूरी नहीं होता है लेकिन तरीका सही करे रहो आप तरीका सही किए रहो आइए यह पहला तरीका था पहला स्टेप सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनमें ऊपर और नीचे अंश और हर में आठ से गुड़ा करेंगे जो करेंगे नीचे ऊपर दोनों में आठ से गुड़ा तो ये हो जाएगा चार अठे बत्तीस बटा आठ और ये हो जाएगा हुआ चालीस बटा आठ अब हमें जो परमीय संख्या निकालनी है सात अठू वो बत्तीस बटा आठ हुआ चालीस बटा आठ के बीच में निकालनी है ठीक है इनको मैं छोटा करूंगा जल्दी नोट कर लो नोट कर लो छोटा करूंगा जिनको भी गणित सीखना है बाबू भैया क्लास को एंड तक देखना है कोई छोड़ के नहीं जाएगा नहीं सीखना है कोई बात नहीं जाओ साठ वीडियो देखो एंजॉय करो आजकल तो ऐसे कुल मीडिया पे नंगा नाच मचा रखा है लोगों ने देखो आगे ये हो गया अब हमें बत्तीस बटा आठ व चालीस बटा आठ के बीच में सात परमीय संख्या निकालनी है ठीक है अब हम क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे यहां ब्रेक में लिख लो संख्या आठ से गुड़ा करने पर अतः बत्तीस बटा आठ व के बीच सात पर संख्या देखा था भाई भैया नीचे ना हम्म को दिक्कत ना है ना देखा फिर बत्तीस बटा आठ और चालीस बटा आठ दूसरे छोर पे अब बताओ इसके बीच में क्या है तैतीस बटा आठ इसके बाद क्या है चौंतीस बटा आठ पैतीस बटा आठ छत्तीस बटा आठ सैतीस आठ अड़तीस आठ और छोटका लिख भैया नहीं आएगा ए आएगा क्या नहीं इसको अ दूरी कर चल निकल ले उधर चल आ गया ना एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि क्या कि ये बटा आठ जो है चार व पांच के बीच में आएगा भी कैसे हवा में लिख दिए है ना आ रहा है कि नहीं पहले इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं उसका आंसर देखो बाबू जिनको भी गणित सीखना है नंबर पर संपर्क करिए और रोहित जी आप मैसेज करके मुझे ये बताना कि आप रेगुलर लाइव में नहीं आ रहे हो और ये मत कहना कि हम आए थे कल भी आए थे रोज आते हैं ये नहीं कमेंट कौन मैनेज करेगा आप नहीं आओगे तो बताओ यहाँ लोग लड़ाई कर लेते हैं सेटिंग कर लेते हैं कोई बवाल होगा तो कौन देखेगा अब मैं बताता हूँ आपको चलो देखो यहाँ पे तैंतीस बटा आठ अगर आप भाग करिए कैलकुलेटर से या मोबाइल में करके देखो तैंतीस बटा आठ भाग करके देखिए मैं इसको छोटा करता हूं यहीं दिखाऊंगा चलो आओ सवाल यह है कि चार व पांच के बीच में क्या ये तैतीस बटा आठ या बत्तीस बटा आठ है या नहीं है है ना ये आप सोच रहे होंगे ना आप बत्तीस बटा आठ को कैलकुलेटर से कर लो थोड़ा जल्दी हो जाएगा कितना आएगा आठ चौ बत्तीस तो पहला तो सॉरी इसका तो मतलब है नहीं है क्योंकि हम इसी के बीच में तो निकाल रहे हैं ये तो वही चीज है तो चार आ जाएगा कोनो मतलब नहीं है तैतीस बटा आठ को अगर आप करोगे कैलकुलेटर से या आप खुद से भी भाग कर लो बाबू कर लो भैया तो ये आएगा फोर पॉइंट वन टू फाइव आप बताओ चार रुपया बारह पैसा या दस पैसा लगभग जो भी है समथिंग वो चार और पांच के बीच में आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं यानी इसका मान है यानी लगभग चार दशमलव एक भी आप बोल सकते हो चार रुपया चार रुपया साढ़े बारह पैसा लगभग है लगभग ठीक है समथिंग मोटा मोटा चार रुपया तेरह पैसा बोल सकते हो इसके बीच में है अच्छा अगला इसको भाग करके देखो कैलकुलेटर से थर्टी फोर को अगर आप भाग करोगे आठ से तो फोर पॉइंट टू फाइव आएगा चार रुपया पच्चीस पैसा आएगा इसको हम इसके बीच में लिख सके थी है लिख सकते हैं ना आ, लिख सकते हैं ना ऐसे आप सब को भाग करके देखो ये सारे मान चार और पांच के बीच में ही आ रहे हैं एक को चार पांच के बहरे नहीं है सब इसी के बीच में है समझ में आया अंजलि समझ में आ रहा है साक्षी बात ना करिए बिल्कुल भी अनमोल पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू सपोर्ट टीम से निवेदन है किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे कोई कुछ भी करेगा हमें बताएंगे ठीक है किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे ए एक मतलब ही नहीं कि मर्जी वही कर बा हम एकदम ब्लॉक कर देंगे परमानेंट तो अनुशासनहीनता बिल्कुल भी नहीं क्लास में कोई किसी लड़की का नाम लेके कमेंट नहीं करेगा स्पेशली बाकी तुम कुछ भी करो चलो आगे बढ़े दिख रहा है ये कि नहीं पहले बताओ छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा आइए ठीक है तो अब हम बात करते हैं आगे कुछ और भी हमारा ये कहना था कि किसी भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया एक एग्जाम्पल कि संख्या चार व पांच के बीच में सात परमीय संख्या कैसे निकाला बताइए इनमें कौन रेफनल नंबर नहीं है जवाब दीजिए गीता वर्मा कोमल तिवारी विजय यादव जी जरूर देंगे जरूर देंगे होमवर्क प्रतिमा मोहम्मद हसन गोलू आज डीएलएड वाली क्लास गड़बड़ कर दें क्या बेसिक पढ़ा दें हुँ? बहुत अच्छा इसमें सबसे पहला जवाब अनुमोल ने दिया है अभूपेश चतुर्वेदी गीता वर्मा नित्या कोमल बहुत अच्छा इसमें जो परमीय संख्या नहीं है वो जो मुझे दिख रहा है वो डी वाला है क्या है डी वाला ए वाला रेफनल नंबर है चचा एंड भैया क्या कहे तुम्हें ये रेफरल नंबर है इसको तुम ऐसा लिख सकता हो 325 बटा 100 ये है परमे संख्या ये भी रेफरल नंबर है इसको तुम लिख सकता हो 99 इतना ये भाई सही लिखा हो ना हाँ पूरा सही है और ये तो है ही है एम देखिए ऐसे दशमलव वाले परमेय संख्या तब नहीं होती है जब उनका कोई ठिकाना ना हो ठिकाना ना हो का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं ऐसे नंबर है ऐसे डाट डाट हो मतलब वो खत्म ना हो रहा हो ऐसी स्थिति में वो अपरमीय संख्या होता है अगर खत्म हो रहा है एक निश्चित अंक तक है तो वो परमीय संख्या होती है टॉपिक वैसे तो अभी नहीं पढ़ाना था शुरुआत के छः सात क्लास है लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने सीरीज स्टार्ट किया है रेफरल नंबर तो आगे इसको थोड़ा सा बता देते हैं बताइए जवाब दीजिए वन में वन अपान थ्री एंड वन अपान सेवन के बीच कितनी रेफरल नंबर होंगी जल्दी करें फाइव रेफरल नंबर नाइन जीरो या इन्फिनिट अनंत वेरी गुड बहुत अच्छा सलमान खान कोमल तिवारी अनवी शर्मा वेरी गुड किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में साथियों अनंत परमीय संख्याएं होती हैं आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो व तीन के बीच पांच परमीय संख्या कैफे निकालते हैं या दस परमीय संख्या कैफे निकालते हैं ये देखा था कि नहीं यस सभी ने देखा था ठीक है तो आज जो क्वेश्चन होगा थोड़ा अलग आज भिन्न के रूप में होगा यानी कल हमने पूर्ण संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखा था आज हम अपूर्ण संख्याओं के बीच में देखेंगे ये कक्षा आठ की एनसीआरटी का सिलेबस है जो ये अभी दिखा रहे हैं आप कहोगे शुरू में का कक्षा आठ ले आए कुछ वजह है बाद में बताऊंगा देखो आसान है बहुत आसान है नहीं आएगा तो बाद में फिर बताऊंगा इसको इन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं ये आपको याद रहना चाहिए ओके चलिए तो दो बटा पांच पहले ऐसे लिख लेंगे दोनों भिन्न इसमें हर बराबर है संयोग से हर आपको बराबर नहीं करना है अगर हर बराबर है तो क्या करते हैं जानते हो एक काम करेंगे एक काम करोगे का पता है देखो साथियों अगर हर बराबर होता है तो हम एक जो साधारण सा नियम है पहले उसपे बात करेंगे जो बहुत आसान है जितनी परमीय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक पांच निकालनी है तो एक अधिक कितना होगा छे, ना? छे से ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे थोड़ा अलग कलर ले लो इसको ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे छे से तो दूना बारह और पांच अंग तीस इसमें भी छे से गुड़ा छहरा पांच अंग तीस यहां पर ना ये सबसे आसान वाला तरीका है अभी और भी बताऊंगा अब हमें क्या करना है बच्चों अब हमें इसके बीच में पांच परमीय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच में हो जाएगा कि नहीं बताओ हम्म बारह बटा तीस व अठारह बटा तीस के बीच पांच परमीय संख्याएं बस लिख देंगे नीचे लिख लो देखो आसान है आओ चलो देखो थोड़ा छोटा कर दो इसको आसान है देखिए ये पहला वाला इसको एक छोर पे लिख दो दूसर का वाला एक छोर पे इसके बीच में हमें पांच परमीय संख्याएं लिखनी है साथियों बारह के बाद तेरह आता है ना तो बारह बटा तीस की बात क्या होगा तेरह बटा तीस पहली परमीय संख्या चौदह बटा तीस पंद्रह बटा तीस सोलह बटा तीस सत्रह बटा तीस इस तरीके से ये पांच परमीय संख्याएं हो जाती हैं किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए रोहित कुमार बहुत बहुत धन्यवाद ढेर सारा थैंक यू विकास मौर्य मोहम्मद हसन सुशील कुमार यादव शुभी मिश्रा जनार्दन प्रसाद बहुत अच्छा बाबू वेरी गुड वेरी गुड चलिए ये बैच यूट्यूब पर टोटल फ्री पढ़ाएंगे आपको कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है कोई कोर्स नहीं लेना है बस आपको डेली लाइव आना है अगर लाइव नहीं आओगे तो बाद में वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा सारा वीडियो नहीं मिलेगा हो सकता बीच बीच का आपको मिल गया चार छः दस वीडियो तो बीच बीच के पार्ट गायब रहेंगे तो क्या करोगे इसलिए डेली आओ सभी को समझ में आ गया तो एक बार हाँ बोल दो फटाफट जिनको नहीं आया वो नहीं नो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी और तीन चार एग्जांपल बताएंगे अगर दो परसेंट भी आ गया तो बहुत खुशी की बात है बाकी 98 एट परसेंट तो आ ही जाएगा जाओगे कहा आएगा चलिए ठीक है एक चीज और बताऊं यहाँ पे क्या क्या ये सही है एक बार आप कैलकुलेटर से थोड़ा सा इनको चेक करके देखिए आइए थोड़ा सा हम आपको यहां पे कुछ चेक करके दिखाता हूं आप ये करो एक काम बारह को आप तीस से भाग करो पहले बारह को जब तीस से भाग करोगे बच्चों तो ये जीरो पॉइंट फोर आएगा लगभग समथिंग ठीक है और अठारह को तीस से भाग करिए हम ये दिखा रहे हैं कि ये सही भी है कि बस ऐसे हो ही गया ये जीरो पॉइंट छ आएगा लगभग यानी चालीस पैसा और साठ पैसा के बीच में ये सारे मान होने चाहिए लिखने में बड़काई नहीं है आने भी चाहिए इनके बीच में चलो देखो है कि नहीं तेरह को तीस से भाग करो भैया तेरह को तीस से भाग करोगे जीरो पॉइंट फोर थ्री आएगा यानी तिरालीस पैसा सतराह को तीस से भाग करिए जीरो पॉइंट पांच यानी लगभग छप्पन पैसा क्या देखा आपने चालीस पैसा और साठ पैसा के बीच में तो आ रहा है ना अगला को भाग करके देखो चौदह को तीस से भाग करिए जीरो पॉइंट चार आएगा देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको भाग दू लंबा वाला टाइम लग जाएगा मिस्टर रॉकी समझ में आ रहा है कमल ठाकुर आ रहा है पिंकी राव रूभी मिश्रा प्रगति पांडे ठीक है आगे समझ में तो हम ये आपके संतुष्टि के लिए इसको नीचे कर रहे थे इसको आपको नहीं करना है पेपर ऊपर में मतलब कहीं भी ठीक है वैसे देखिए कॉन्सेप्ट है एक बात याद रखिएगा अगर बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है तो न्यू बराबर होनी चाहिए अगर न्यू ही गड़बड़ है तो बिल्डिंग नहीं चलने वाली है वैसे अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो मैथ में कभी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे ट्रिक नहीं लगेगी जब तक बेसिक नहीं आता है याद रखिए अगर किसी का घर आपको पता है किसी का घर आपको पता है फलाने गांव, फलाने जगह है तो तुम रोड से ना जाके खतारिया खतारिया भी जा सकते हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो जाओगे किधर से तो वैसे बेसिक जो होता है वो आपको एक मेन पॉइंट बताता है उसके बाद ट्रिक लगा सकते हो आइए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं चलो बहुत अच्छा बाबू वेरी गुड चलो सेकंड एग्जाम्पल हल सबसे पहला फर्स्ट फ्रैक्शन एफए लिखेंगे वा, फिर सेकंड फ्रैक्शन एफए थोड़ा दूर लिखेंगे ठीक है बढ़िया आजकल बड़ा भूकंप भी आ रहा है थोड़ा सावधान रहना पड़ता है समझ रहे हो कि नहीं हाँ वही मैं देख रहा था कुछ खड़बड़ा रहा था चलो इनके हर बराबर हैं हर बराबर हैं तो क्या करेंगे जितनी परमीय संख्या निकालनी है उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे दफ निकालनी थी तो हम ग्यारह से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुड़ा करेंगे ग्यारह से ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे थर्टी थ्री अपान सेवन सेवन आप समझे ना हमें जो परमीय संख्याएं निकालनी है दस टू भैया वो थर्टी थ्री अपान सेवनटी सेवन एंड फोर्टी फोर अपान सेवनटी सेवन के बीच निकालनी है अब ठीक है चलो देखो समझो इसको मिटा दो ऐसे लिखो इतना व इतना के बीच ग्यारह परमीय संख्याएं आप क्या करेंगे एक साइड इनको लिख लो स्टार्टिंग वाले को एक साइड इंड वाले को लिखो भैया दस ग्यारह लिखना थोड़ा जगह रहनी चाहिए थर्टी थेवर अपान सेवन सेवन इधर लास्ट छोर पे हम लिखेंगे फोर्टी फोर अपान सेवन सेवन हमें दस परमीय संख्याएं लिखनी है भूलना नहीं हम्म चलो तो पहली परमीय संख्या क्या हो जाएगी साथी मेरे थर्टी फोर अपान सेवनटी सेवन दूसर की थर्टी फाइव अपान सेवन सेवन देखो थर्टी थ्री के बाद थर्टी फोर थर्टी फाइव ना फिर थर्टी सिक्स अपान सेवन सेवन इनका ही यार लाया बड़ा दूरी चला गया का है लिया तो ये हो गई आपकी दस पर लो एक दो तीन चार पांच छह अरे यार ये क्या हुआ है अरे भगवान ये मेरा दिमाग कहाँ गया आज रुको उनतालीस के बाद में अभी और है यार चालीस भी तो होगा ऐसे लिख लेना आप कहा मैं लिखू पालतू तो जाने दो उनतालीस के बाद चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस ना ठीक है ना ये चार और हो जाएगी कौन कौन चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस ठीक है ऐसे आगे चालीस बटा सतहत्तर इकतालीस बटा सतहत्तर बयालीस बटा सतहत्तर तिरालीस बटा सतहत्तर फिर हो जाएगा टोटल ठीक है कोई डाउट किसी को नहीं ना भूपेश चतुर्वेदी बहुत अच्छा वेरी गुड प्रीति क्रिएटर, विनीता देव, देखो भैया थोड़ा तबियत ना डिस्टर्ब है फिर से, जुखाम हुआ है, इसलिए वो एनर्जी नहीं दिख रही होगी क्लास में लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि आपकी उम्मीदें पूरा हो लिख लीजिए आगे बढ़े तो सभी को समझ में आ गया तो एक बार हाँ बोले कमेंट में नहीं आया तो ना बताइए आया सभी को एक बार सभी साथी हमारे बोलेंगे यस अरे यस बोलने में शर्म लग रही तो वाई लिख दो नहीं आया तो यन फीडबैक आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए और सभी बच्चे क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें आपको आपके उसकी कसम है उसको भी लेके आना क्लास में मतलब एक और आप तो आ ही रहे हो एक और लेके आओ बस अगर एक हजार पांच सौ अस्सी बच्चे जुड़े हैं ये एक एक लेके आएंगे तो ये दो हजार प्लस हो जाएंगे ना और वो भी एक एक को करेंगे तो फिर ये संख्या नहीं रुकेगी जैसे आज पी स्टडी में साढ़े लाख ,00 से अधिक सब्सक्राइबर और दस करोड़ ,00 से अधिक दर्शक हो चुके हैं वैसे ये भी बढ़ेंगे लाइव में भी हमसे लोग कहते हैं आपकी लाइव क्लास में बच्चे कहा नहीं आते हैं हम कहते हैं वो तो मेरा प्यार है नहीं आते बाद में आके डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन अब मैं ये थोड़ा प्यार कम कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा हो रहा है चलिए क्या करेंगे सबसे पहला नंबर लिखेंगे विकेंड नंबर नाइन अपान थ्री इनके बीच में सात परमीय संख्या निकालनी है अभी हम सिर्फ वही सवाल करेंगे जिनके हर बराबर हैं फिर हम वो भी बताएंगे उसमें थोड़ा और एक स्टेप बढ़ जाता है जब इनके हर बराबर ना हो देखो कैसे पहले बराबर वाले में जितनी परमीय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक से हम ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे एट एट जा सिक्सटी फोर थ्री एट जा ट्वेंटी फोर सेम प्रोसेस दोनों में करेंगे कोई भेदभाव नहीं नाइन एट जा सेवेंटी टू थ्री एट अब इन दोनों के बीच में आठ परमीय संख्या निकलेगी ठीक है किसी को कोई तकलीफ नहीं चलो अब देखो इतना के बीच आठ परमीय संख्याएं कैसे हो जाएंगी काये नहीं हो जाएंगे लिखो पहला चौसठ बटा चौबीस लास्ट स्टेप छोर पे बहत्तर बटा चौबीस इनके बीच में क्या होगा था सिक्सटी फाइव वन ट्वेंटी फोर सिक्सटी सिक्स ट्वेंटी फोर कितना हुआ एक दो तीन चार पांच इसी तरीके से सत्तर बटा चौबीस छह हो जाएगा इकहत्तर बटा चौबीस सात हो रहा है का यार नहीं? ऐसा कैसे एक दो तीन चार पांच पांच हुआ रुको थोड़ा इनको दूर करो नहीं हो रहा है का पूरा? क्या पूरा कहीं छूट गया क्या चौसठ पैंसठ छठ सड़सठ अठारह ठीक है सात हो है रहा है कहा गिनो भाई गिनो 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 कुछ गड़बड़ा गया कहाँ क्या आठ हो रहा है दो तीन चार पांच छह सात तो साथ ही तो निकालना था यार हमारा दिमाग कहाँ गया है साथ ही तो निकालना था ऊपर सात ही तो है हम आठ सोच रहे थे काहे को सोच रहे हैं यही तो गड़बड़ है एक यही है ठीक है शिक्षा उपाध्याय बहुत अच्छा गजेंद्र जी वेरी गुड वंदना चौहान पार्थ कुमार ये बाबू यूट्यूब एजुकान हुआ था वहां हिमांशी में मिली थी जो आपने शार्ट वीडियो देखा है अभी उसका लॉन्ग वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर पाया आज तक टाइम नहीं मिला एक साल से ज्यादा हो गया 2022 में वो प्रोग्राम था उसका 10 मिनट का भी वीडियो है बातचीत का एक बड़ा सा लेकिन कहीं पड़ा है आज तक अपलोड नहीं हुआ केवल शार्ट वीडियो अपलोड हुआ है दिखाऊंगा मैं बहुत जल्दी मोनिका वर्मा बेसिक मैथ का ही तो मिल रहा है किसी को कोई डाउट नहीं ना आगे बढ़े कर लेंगे ना ऐसे तो इसको बहुत प्यार से देखें एकदम एक एक अक्षर पकड़ पकड़ के आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को लाइक शेयर करें संख्या हमेशा प्लस बनी रहे सिर्फ आपको लाइक शेयर करना है बस ये बैच हम यूट्यूब पर टोटल फ्री पढ़ाएंगे ऐसे बच्चे जो पांच सात सौ जमा करके कोर्स नहीं ले पा रहे हैं वो फ्री पढ़े लेकिन वो बच्चे कुछ तो करें दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता याद रखना कुछ नहीं फ्री मिलता है पानी तक नहीं फ्री मिलता नमक नहीं फ्री मिल रहा है और क्या चाहिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यूट्यूब पर लोग फ्री पढ़ा रहे हैं कोई फ्री नहीं पढ़ाता है हम भी फ्री नहीं पढ़ा रहे ये भी फ्री नहीं जो देख रहे हो कैसे पता है YouTube पे आप यूज करते हो कहते हो यूट्यूब पर कोई पैसा देता है नहीं ना आप कहते हो यूट्यूब पर फ्री पढ़ेंगे यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ते हो कोई वीडियो फ्री नहीं यूट्यूब पे कोई भी जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो उसमें एड आते हैं उसे कंपनियों की अर्निंग होती है और आपका जो डेटा होता है उसके माध्यम से आपको एड दिखाए जाते हैं तो मेरी बात समझिए जिसे आप लोग भी करिए जिससे ये चल सके ये अलग तरह के क्वेश्चन है ठीक है अलग तरह के क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे पता है समझिए इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है बस वैसे अगली क्लास अभी साढ़े नौ बजे से आज है बता देता हूं फिलहाल एक क्वेश्चन इस टाइप का आ, नहीं तो आप एक काम करो आप लोग प्रैक्टिस कर लो आज अलग टाइप का ना करो सौ तो अधूरे काम से अच्छा है एक पूरा काम कर लेना आप इसको मत करिए इसको आप घर से करना होमवर्क है ये होमवर्क है अलग तरीका का नहीं सही है क्वेश्चन लिखिए और निम्न के बीच सात सात परमीय संख्याएं बताइए देखो किसका किसके बीच में पहला आठ बटा तीन व सात बटा तीन ए रुक यार इन सबके बीच इन सबके बीच में आप सात सात परमी संख्या निकालेंगे होमवर्क है ये होमवर्क है इसे आप करेंगे खुद से ठीक है होमवर्क है लोग प्रैक्टिस करेंगे मुझे ये बताओ सबसे पहले ईमानदारी के साथ बिल्कुल सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है बताइए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आज ओरल क्वेश्चन होंगे कुछ लिखित क्वेश्चन होंगे मजा खूब सारा आएगा चलो आलोक यादव सुमित किंग ऑफ पेन देवेंद्र अंजू पटेल रूबी यादव ज्योति मोहिनी बिक्की प्रियांशु नीतीश टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ शेड्यूल ठीक है मैंने पूछा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मुझे क्वेश्चन नहीं याद रहेगा इसके बाद ठीक है तो बताना मुझे क्या पूछे थे अगला सवाल बताइए बहुत अच्छा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है फोर अरे भैया फोर भी तो नहीं कौ अरे वेरीफाई करने के लिए मैं बैठा रखा हूँ बगल में चलो ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन एक छोटा सा और सेकंड नंबर क्वेश्चन चल भैया क्वेश्चन नंबर पहला होगा खत्म क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बताइए कि अंडर रूट वन नाइन नाइन ये करड़ी है या नहीं है बोलो चल भैया करडी है या नहीं हाँ या नहीं मैं जवाब दो फटाफट चिकन में रागिनी प्रजापति का सही आंसर है प्रिंसी यादव वेरी गुड प्रतीक्षा कुशवाहा मनीषा यादव सुहाना बाबू बबीता कुमारी और एक अयोध्या नाम से भी कमेंट आ रहा है अयोध्या हमारे खानदान में किसी का नाम भी था दादा पर दादा में आज बता दे रहा हूँ तुम तो लोग को सीक्रेट चलो पता नहीं वही आ गए हैं का देखो इधर क्वेश्चन नंबर तीन है चार <coughs> बहुत अच्छा पहला सवाल मैंने पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका आंसर है फोर अगला ये करड़ी है या नहीं है तो ये करड़ी नहीं है ओ सॉरी है, 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 है।, है करड़ी क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है प्रैक्टिस होगा सिर्फ प्रैक्टिस आज रेगुलर क्लास नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा आपसे पूछूंगा रोज मैं बताता हूं आज तुम बताओगे <laughs> अच्छा ये बताओ रोमन डिजिट यानी रोमन अंक जो डी है ना इसका मान क्या होगा बिना ऑप्शन के बताओ बिना ऑप्शन के आज तो स्टूडेंट की ऐसी हालत हो गई कंपटीशन की तैयारी करने वाले अगर उनसे बाप का नाम भी पूछो तो कहते ऑप्शन दीजिए समझ रहे हो तो यहां पे ऑप्शन नहीं है ऐसे आज एक बच्चे ने कॉल किया था और संयोग से फोन मैंने ही उठाया तो मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है तो रहा रुकिए आधार कार्ड देख के बताते समझ रहे हो संगीता शिक्षा उपाध्याय मोहम्मद हसन आ, काबेरी इनका अगला नाम कठिन है चलो भैया तो डी का जो मान है वो होगा 500 सौ कितना होगा फाइव हंड्रेड पाँच सौ सबसे पहला जवाब जो दिया था उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है तभी उन्होंने बताया है और उनका नाम है इसमें प्रियांशु दूसरे पर हैं परवीन और पार्थ कुमार <laughs> पूजा शुक्ला वेरी गुड चल भैया फोन नंबर में आ जाओ <laughs> <laughs> हालत ना थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब है इसलिए आज मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं चलो बताओ एक मीटर में कितना सेंटीमीटर बताओ अरे सेंटीमीटर नहीं यार मिलीमीटर एक मीटर में कितना मिलीमीटर बताइए जवाब दीजिए फटाफट रूबी वेरी गुड बंदना चौहान ज्योति सरोज बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड देखो भैया एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते है ना एक ही जाना था ना मिली फेंटी डेसी मीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर ये पूरी कहानी हो तो बस तो गिनते चलो मिली सेंटी डेसी मीटर आ? कितना एक हजार कितना हजार की कि सौ बहुत अच्छा वेरी गुड कुछ लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं कुछ लोग सौ बता रहे हैं कुछ लोग एक हज़ार बता रहे हैं कुछ लोग दस हज़ार बता रहे हैं आज आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो और ना ही शेयर किए हैं बहुत से बच्चे मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपसे प्रॉमिस करवाया था इसका आंसर एक हजार होगा वन थाउजेंड ठीक है कुछ दिमाग लगाना तो लगा लो एक हजार होगा ना बताइए जी सर एक हजार होगा पक्का ना यहाँ मैं वेरीफाई करने के लिए बैठा है अगर गलती हुई किसी क्वेश्चन में जिम्मेदारी इनकी पक्का न नहीं, नहीं पक्का जिम्मेदारी आप ही की आज आठ नंबर है क्लास तो ये क्या है बाबू भैया ये आठ नंबर क्लास है आप देख रहे हैं विंटर बैच का प्रैक्टिस सेट विंटर बैच का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और सिर्फ सेट देखना मुझे मत देखना और ये बैच यूट्यूब पे फ्री होगी टोटल लाइव फ्री होगी मैंने आपको पहले बता दिया है लेकिन आपका ये काम है दो ठी इसको आपको करना पड़ेगा इसको पहले लगाना था बट मैं लगाया नहीं था और एक चीज और है इसमें सबसे बड़ा खतरनाक शर्त कि ये आप सिर्फ लाइव देख पाओगे लाइव क्लास होने के बाद वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा पे प्राइवेट रहेगा पाओगे नहीं कभी नहीं पाओगे इसलिए रात नौ बजे से नौ बजकर चालीस मिनट के बीच डेली लाइव आओ अगर सीखना है फ्री पढ़ाऊंगा इसमें पूरा अच्छे से ढंग से कंप्लीट कोर्स कराऊंगा पूरा फ्री यानी आपको दो साल भर के जमा नहीं करने होंगे आइए चलिए आगे बढ़ते हैं Uh, कितना क्वेश्चन हुआ था भाई कितना बार आओ गुरु जी बताओ जल्दी बताओ फटाफट फिर कहे बैठना बोला ना पांच नंबर चलो बताओ ये बताइए कि अट्ठाईस सौ का पच्चीस परसेंट कितना होगा जल्दी फटाफट कमेंट करिए पांच सेकेंड के अंदर जिनको लगता है मुझे मैथ आती है बहुत अच्छा वेरी गुड हमारे पास में जो बच्चे बैठे हैं वो तकगड़ है वो तक ऑप्शन ले लो 600 हमारे टीम के लोग अब तगड़ हो चुके हैं चल भाई छठा नंबर बहुत अच्छा वेरी गुड इसका आंसर आएगा सेवन हंड्रेड भाई देखो ऐसे दिमाग लगाओ छोटा सा दिमाग लगाओ ऐसे पच्चीस परसेंट पच्चीस चौका सौ ना तो ऐसी कोई गिनती सोचो जिसके चौका क्या हो अट्ठाईसो तो सात सौ चौका अट्ठाईस सौ एक चीज और बताओ अच्छा चलो अट्ठाईस का पच्चीस परसेंट कितना होगा वो हो? अट्ठाईस का पच्चीस परसेंट कितना होगा बहुत आसान है देखो मैं तरीका बता देता हूँ क्योंकि हमारे लड़के ना कुछ लड़के नहीं होते वो लड़कों के माँ बाप होते हैं और कुछ तो दादा पर दादा बन गए हैं और कुछ लोग तो अभी इंतजार कर रहे हैं जैसे मैं दिनेश भाई देखो यहाँ पे कैसे

अरे मतलब क्लास में बाकी तो आप लोगों का महाभारत चल ही रहा जिंदगी में आरती सिंह बहुत अच्छा वेरी गुड मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक जी सर बहुत अच्छा पूजा शुक्ला पुरानी क्लास नहीं मिलेगी उसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मैं ऐसे झूठे थोड़ी प्रॉमिस करता हूँ एक प्रॉमिस उससे किया था जो भाग गई एक प्रॉमिस तुमसे किया हूँ तो मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ता कभी ठीक ना पुरानी क्लास नहीं मिलेगी मैंने कहा ना कि अगर लाइव आओ डेली हाँ जो बच्चे डेली लाइव आएंगे रेगुलर आने लगे तो उनको पिछली क्लास एक बार मिल जाएगी आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा हम भेज देंगे प्राइवेट क्लास ठीक है जैसे का छूट गया है लेकिन आज के बाद तुम्हें रोज आना होगा दोबारा नहीं भेजूंगा मान लो आज आठ नंबर चल रही जिसकी सात क्लास छूट गई हम भेज देंगे लेकिन नौ से आगे जितनी चलेगी रोज अटेंड करना होगा फिर नहीं भेजेंगे कभी चलिए ऐसे अगला निकाल लोगे ए भैया हम पढ़ रहे हैं बेसिक गणित हो बुलाया ना सब भैया क्वेश्चन नंबर कौन रहेगा नौ नंबर no डाल लो जो भी होगा ये बताओ कि अनुचित भिन्न है इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं ना सही है ना कंफर्म करिएगा सर बताइएगा बैठाया हूँ इनको लाके मैं इसीलिए इम प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है इसमें तीन बटा आठ सात <coughs> बटा बारह आठ बटा जीरो और इट इजीरो बटा मान लो नौ चलो इम प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न बताइए उचित भिन्न अनुचित भिन्न एक को नहीं यार है कमे बताइए देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो यह क्या होती है उचित भिन्न होती है मतलब इसमें कोई प्रकार की चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती है एक होती है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिससे मिश्र फ्रैक्शन बनता है इसमें कौनों नहीं है को नहीं है ठीक है एक ओ नहीं है इसको आप क्या कहोगे इसको भाग करोगे जीरो से तो अनंत आएगा ना ये हर अनंत हर कथा अनंता वैसे बोल सकते हो नहीं इसको अनुचित भिन्न सी वाला बोल सकते हो ना हाँ बोल सकते हो लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें आप बाद में बताऊंगा चलो पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं बोल सकते हो सी वाले को आप आरती सिंह थोड़ा वेट करिए डाउट है लास्ट में दफ नंबर में आगे बढ़े अच्छा बहुत ही छोटी छोटी बातें हो रही हैं यहाँ पर ये बताइए पढ़े तो सब भाई है यार नहीं पढ़े आ न जीरो पॉइंट फाइव इसका मान क्या है बताओ पहला पांच है पांच बटा नौ नौ है सी वाला में पांच बटा पच्चीस है और डी वाले में पांच बटा नौ है बताओ था उस नंबर में जल्दी करिए फटाफट पार्वती वर्मा बहुत अच्छा रितु कटारिया रूबी कमल ठाकुर जल्दी कर भैया बेसिक है एकदम एकदम शुरू से जीरो से अच्छा एक बात बताओ तुम यादों में मरते हो कि नहीं मरते हो अरे मैं कुछ और पूछने वाला था बट ये हमारे दिनेश भाई आज बोल दिए ना तो हम इसलिए भूल नहीं पा रहे आ, हो सकता है इनकी मैडम भी पढ़ रही हो तो थोड़ा इनके बारे में इसीलिए बोल रहे हैं कि मन लगा रहे उनका <laughs> चलिए आगे बढ़े ठीक है इसका मान क्या होगा तीन पचे पंद्रह पंद्रह सत्तर एक सौ पांच एक सौ पांच को नौ में गुड़ा करोगे तो नौ सौ पैतालीस नौ सौ पैतालीस होगा या नौ सौ होगा या जीरो होगा या नौ नौ दीज हमें नहीं पता है कितना होगा जीरो लेवल वाले ले हैं भैया है, रही हैं ये सब एम कन्फ्यूज हो जाते <coughs> <coughs> हैं बहुत अच्छा अरमान बहुत अच्छा वेरी गुड गुफरान खान वंदना रागनी सुरेंद्र प्रताप एक मान सुनना हो है बाबा कहा जीरो हो है। देखो बीच में है ना जीरो अगर गुणा के चिन्ह में कितनी भी बड़ी संख्या है कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है अगर बीच में जीरो है तो सारा मान जीरो आता है हमेशा याद रखना इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह हमरे लगे ना कौन आज क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम इतना क्वेश्चन बना देवे हमें ना कि तुम तो लोग खुद कंफ्यूज हो जाओ का करी देखो अंडर रूट पांच <coughs> गुड़े अंडर रूट सात ये क्या है P एंड क्यू ये परमीय संख्या है या अपरमीय है बताइए रेफनल या इेफनल जवाब दीजिए फटाफट ज जी बहुत अच्छा वेरी गुड जुड़ गए हैं आप गॉड ब्लेस यू एंड भगवान आपकी रक्षा करें और आप अच्छे कर्म करते रहें चलिए अधिक पाप करने वाले लोग ज्यादा पूजा पाठ में लगे रहते हैं <laughs> भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ऐसा मैंने आज कहीं पढ़ा था सच्चाई है कि नहीं आप लोग बताना आपके दिल की क्या बात है यहाँ पे हाँ लिख के कमेंट करना अपने आसपास राजनीति में गांव देहात में पुजारी उजारी को देख करके अगल बगल मैंने कहा था कि कोई हर कोई ऐसा होता है इस बात पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए हर कोई ऐसा होता है लेकिन अधिकांश केस में ऐसा होता है हाँ या ना बताओ क्या कहना है आपका हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना मैंने इसलिए कहा एग्जाम्पल अपने मन में समझ रहा किसको बोल रहे <laughs> ऐसी बात नहीं है चलो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ अच्छा क्या है संख्या है है क्या इरेशनल नंबर है बाबू क्या है इरेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर बारह आइए बताओ अ ये है अंडर रूट पांच पांच एक को लिखता है बार बार बताओ इसको तीन और अंडर रूट नौ ये क्या है परमीय संख्या है परमीय परमीय है या परमीय है बहुत अच्छा वेरी गुड <laughs> बहुत अच्छा वेरी गुड देखो कुछ सनातन धर्म वाले आगे भैया हम उसी धर्म से हाँ धर्म का मजाक नहीं बन रहा है धर्म का मजाक तो अक्सर लोग जान के बना रहे हैं पता है कहाँ बना रहे हैं बताऊँ मैं अभी देखिए विसर्जन पे क्या हाल करते हैं उसी पे जा जाके बैठते हैं चढ़ चढ़ के ये सब नहीं होना चाहिए ना बहुत सारी गड़बड़ चीजें हो रही हैं उस पर देखना चाहिए ध्यान देना चाहिए इसमें कोई मजाक की बात नहीं है बात बता रहा हूँ इसकी आड़ में लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं हमारे बगल में कैमरा करके दिखा दीजिएगा हम भी पूजा पाठ करते हैं लेकिन जो चीज़ें गड़बड़ हो रही उनको बोलना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल ये टॉपिक छोड़िए हम लोग का टॉपिक कुछ और है आप लोगों ने पढ़ा होगा चर और अचर संख्या सजातीय और बिजातीय पद पढ़ा होगा आपने तो ये बताइए ए नंबर इसमें मैंने लिख दिया माइनस एक्स का स्क्वायर और टू एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर तीन एक्स का स्क्वायर और एक है कई एक्स का स्क्वायर ये पूरी संख्या बताइए आप कमेंट करके फटाफट ये पूरी संख्या जो है ये सजातीय है या बिजाती है बताइए सजातीय है या जाती है, है, है। फटाफट बताइए शीला कुशवाहा वेरी गुड आरती सिंह पार्थ करण कुमार मोहित कुमार त्रिपाठी कोमल तिवारी वेरी गुड बहुत अच्छे किसी को कोई डाउट नहीं ना बढ़िया है वेरी गुड चलो भाई तो सजातीय विजातीय जानते हो कैसे होता है देखो सजातीय पद को बोलते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स विजातीय पद सजातीय पद के लिए आपका चर बराबर होना चाहिए और घात बराबर होनी चाहिए चर और घात सेम होना चाहिए इसमें देखो तो चर पद सब में सेम है एक्स है पावर भी इक्वल है यानी ये पूरा का पूरा क्या है सजातीय पद है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चौदह नंबर पे आगे बढ़िए और मुझे ये बताओ बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत ही प्यारा भी है सुंदर भी है देखो कैसे जय देखिए सर कोई आया एक्स बयालीस और दो सौ दस नहीं दो सौ दस सही रहेगा बयालीस uh, से दो सौ दस डिवाइड होगा क्या बताइए ठीक है बहुत अच्छा चलिए एक और संख्या इसमें लिख लीजिए एक मिनट थोड़ा रुकना uh, एक और संख्या लिख लो ठीक <coughs> है एक हजार पचास का एलसीएम बताओ इसका एल्सियम क्या होगा देखो मैं जो क्वेश्चन बनाना चाहता था वो बना है नहीं। कि नहीं बना तो मैं चेंज करूँगा अच्छा। बताना है बस मुश्किल से दो सेकंड में क्वेश्चन में लिख के कंप्लीट किया कि आपको आंसर आ जाना चाहिए था बताइए जी सर बताइए बता कितना क्यों अरे एक्सपर्ट है यार आप भले कर रहे हो लेकिन एक्सपर्ट चलो ठीक है गुड देखिए एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा एक हजार पचास क्यों क्योंकि एक मैंने आपको जुगाड़ बताया था कि दी गई संख्याएं जो हैं अगर उनमें सबसे बड़की वाली संख्या बाकी छोटकी सभी संख्या से पूर्णता विभाजित है तो उनका एलसीएम सदैव बड़की संख्या होती है ठीक है बिना कोई नियम बिना कोई कानून के आपको सिर्फ आंसर आना चाहिए पूजा शुक्ला शिक्षा उपाध्याय भूपेश चतुर्वेदी गुफरान खान रागिनी प्रजापति पिंकी कुमारी रूबी यादव मोहित महेश सौरभ राहुल रंजू पटेल चल भैया बहुत अच्छा वेरी गुड बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं तो और कौन कौन टॉपिक है जो हम न पकड़े ना अभी तक अच्छा गुरु देखा फिर चला बतावा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है मतलब प्यारा सा है ये बताओ कि संख्या छत्तीस सौ के कितने गुणनखंड गुणनखंड यानी फैक्टर यानी अपवर्तक संभव है बता भैया इसके कितने फैक्टर पॉसिबल हैं बीस दस सोलह या नौ नौ दी जिनमें से कौनों नहीं सही है और जितना लोगों को नहीं आता है ना वो कमेंट में यन लिखेंगे यन यन मतलब हमें नहीं आवत हम कहा चलिए जल्दी करिए तरीका बता चुका हूँ देखिए प्रैक्टिस आज हो रहा है मैं जब कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल पढ़ाता नहीं हूँ सिखाता हूँ लास्ट में घोल के पिलाता भी हूँ हजम नहीं होता जिनको उनको नकुना पकड़ के दबाक पिलाया जाता है बचपन में कौन कौन ऐसा दवाई पिया है हमारे को दवाई पिलाने के लिए ना तीन लोग लगते थे चार लोग एक लोग पैर पकड़ते थे एक लोग हाथ एक लोग नकुना दबाते थे तब तो पीते थे तभी तो देखो चार लोग के बदले चार लाख लोग को पढ़ा रहे हैं ना आर्य मैन ये कह रहे हैं समझ नहीं आया <laughs> ये कच्चा बादाम थोड़ी एक तीस सेकंड में समझ में आ जाएगा मतलब कच्चा बादाम का वीडियो जो लोग देखे होंगे जान रहे होंगे वो तो बीस सेकंड में आ जाता है इसमें टाइम देना पड़ता है चलो देखो आएगा टाइम दोगे तो आएगा साथियों मैंने बताया था इसका तरीका कि आप इसका क्या करेंगे कितने गुड़नखंड है निकालने के लिए बहुत ही प्यार से आप इनका अभाज्य गुड़नखंड कर लेंगे अब हाथ करने के बाद आप निकाल देंगे मैं एक सवाल हल करा देता हूं मेरा मन कह रहा है ऐसा देखो कैसे एक क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा पतला छत्तीस सौ आएगा फिर दू से काटोगे नौ सौ आएगा फिर दू से काटोगे चार सौ पचास फिर दो दूना चार दो दूना चार दो पचे दस तीन सतन पचे पंद्रह तीन दुना छह तीन पचे पंद्रह पांच एंड पांच देखो कितने होंगे समझो दुई का घात कितनी बनेगी चार एक एक घात दुई एक एक घात दुई तो चार में एक जोड़ो पांच तीन और तीन पांच पंद्रह पंद्रह थी पैतालीस छत्तीस सौ के कुल पैतालीस क्या होंगे गुड़नखंड होंगे यानी फैक्टर होंगे समझाना कैसे हुआ दी गई संख्या का अब हाथ करेंगे उनको घात के रूप में लिखेंगे और लास्ट में घात में एक एक जोड़ेंगे सब में और कूड़ा कर लेंगे बस <laughs> समझ में आया किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं क्लास को लाइक करिए सर कमेंट करिए लिख के भेजिए लाइक शेयर करिए आप लोग उसमें लिख के भेजिए अरे आप भेजेंगे तो दूसरा स्टाइल में जाएगा वो चलिए अगला आगे बढ़े ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन चल भाई अगला क्वेश्चन ये बताओ सा भाई लोग का पूछिए हम बेसिक गणित है तो बेसिक है तो आए ना <laughs> एक मान का है भैया हम्म जल्दी करें लेकिन जल्दबाजी नहीं जवाब दीजिए ईमानदारी के साथ जिनको गणित सीखना है क्लास को छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि ये क्लास बाद में नहीं मिलेगी बाद में नहीं मिलेगी ये क्लास बिल्कुल नहीं मिलेगी हम्म बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चा सर दस बजे वाली क्लास नहीं है नहीं चलेगी सोच तो रहा हूँ चलनी चाहिए लेकिन हमारे साथी आज कुछ खिला पिला नहीं रहे बैठे हैं कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनाएंगे ना कुछ खाएंगे ना तुमको खाने देंगे इनको आप लोग बोलो जाए कुछ पेट पूजा का उपाय करें तब हम पढ़ाई ठीक <coughs> है इनका आपस में गुड़ा होगा तो दो तिहाई छे और ये घात दुई है घात एक है गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं। घात तीन होगा है भैया गड़बड़ हो गया यार सेम होएगा ना ये घात तीने समझ के लिखा था मैं तो यहाँ घात तीन रहेगी और यही आंसर सही रहेगा तो एक्स पावर थ्री क्यूब आएगा सिक्स एक्स क्यूब आएगा दोनों नहीं सही होगा बी सी जो लोग बोल रहे हैं आज सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है समझा नहीं रहा हूं हटाओ समझाने वाली क्लास में आना तो समझाएंगे चल भैया आगे कौन टॉपिक है आ, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम अच्छा तो ये बताओ सबसे बड़की प्राकृतिक संख्या कितनी बड़ी है भैया सबसे बड़ी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बताओ बताओ सौ है एक हजार है एक लाख है या फिर आनंद है खत्म नहीं होगी बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड अठारह नंबर पे आ जाओ शून्य है अरे है वो तो तुम दिखाता है मुंग दिखाता है लेकिन कहा है अपरमीय या परमीय रेफनल या इरेफनल नंबर शून्य क्या है रेफनल आर इरेफनल नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिए निवेदन है रिक्वेस्ट है पार्थ कह रहे हैं कौन है आपकी मैम है मेरी मैम तो पता नहीं अभी जन्म ली है कि अभी जन्म लेने के बारे में सोच रही हैं मुझे तो नहीं मिली आज तक कहीं देखो आप लोग मिल जाए तो बताना मुझे वैकेंसी भी निकालने वाले हैं शादी के लिए मुझे लग रहा है इसे निकालना पड़ेगा इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें है ना चलो देखो ठीक है बाकी घर वाले ट्राई कर रहे हैं लेकिन शादी एक ऐसा गेम है ना कि मछली के थैला समझ के सांप के थैले में हाथ डाल दियो <laughs> समझ रहे हो कि नहीं तुम कहा हल्के में ले रहे हो का जिन लोगों ने हाथ डाला है उनसे पूछो क्या हाल है उनका और हमारे एक दोस्त कल एग्जाम्पल दे रहे थे बिजली वाले उनका नहीं बताऊंगा क्लास में लाइक नहीं उनका बड़ा खतरनाक था चलो ठीक है देखो आगे तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो है वो अनंत इनफाइनाइट है शून्य एक परमीय संख्या है जीरो आज का टॉपिक एलसीएम और एच है जैसा कि हम आपको जीरो से सिखा रहे हैं सबको पता है है ना तो कैसे क्या करेंगे इसमें नीतू आपका कमेंट आ रहा पूनम आरती प्रिंसी आर्यमन मोहित मोहम्मद आराम अरमान रोहित रोही जोशी प्रिया शुक्ला पूजा शुक्ला श्रीराज पंकज कुमार नितिन कुमार और बहुत बच्चे जुड़े हैं सभी का नाम बीच-बीच में होता रहेगा ऐसे पढ़ाई भी होती रहेगी एलसीएम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा बहुत बार पढ़े हो हम ही कई बार पढ़ा पढ़ा के उब गए खोपड़ी के साथ साथ दाढ़ी का बाल भी पक गया लेकिन फिर भी बता रहा हूं चलो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त अच्छा अब मैंने साथ में क्यों लिखा है क्योंकि इसका पड़ोसन है ये और बिना पड़ोसन इसका मन नहीं लगता इसलिए इसमें इसको साथ में लाया हूं समझ गए आगे बढ़े नाम लेना सीख गए तो थोड़ा बहुत खांसी वांसी भी आ रही है घबराना नहीं एलसीएम हाँ एच सी एफ का फुल फॉर्म होता हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनको भी फुल फॉर्म हम यहीं पे दिखाऊंगा इतना मैं एडजस्ट कर लूंगा ओ oh, मिस्टेक स्पेलिंग सही है ना इंग्लिश हमें बहुत कम आवत है फिर भी मैं शब्द आवत कोई दिक्कत नहीं है इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या महत्तम समापवर्तक देखिए दोनों में अंतर होता है ये समापवर्तक यानी सम अपवर्तक ठीक है इसमें अपवर्त है याद रखना इसमें अपवर्तक नहीं है बहुत से बच्चे इसको लिखने में मिस्टेक कर देते हैं देख लो इसमें वर्तक है इसमें वर्त है ठीक है जैसे आ रहे वर्त आगे बढ़े चलो तो ये तो नाम हो गया अब नाम के आगे काम पे देखो आजकल नाम पे ज्यादा फोकस हो रहा है काम चाहे कुछ ना हो और देखो काम पे फोकस करते हैं हम लोग नाम छोड़ो तो ये बड़ा मोटंगर चल गई थी एल सबसे छोटी छोटी संख्याओं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम जीरो से सिखा रहे हैं आपको पढ़ा नहीं रहे पढ़ाना अलग बात है सिखाना अलग है क्वेश्चन पहला है संख्या चार व आठ का आठ लिख बा न छ का एलसीएम छोटा सा लिख लो प्यारा सा बस और यही चीज हम उधर भी करेंगे किधर है? इधर है। व चार व HCF। अंतर मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या होता है है ना अक्सर आपको मिलते हैं ये थोड़ा बहुत भटका देते हैं चले जाते हैं बताऊंगा दोनों में अंतर क्लास को पूरा एंड तक देखना है कोई छोड़ के नहीं जाएगा जिनको गणित सीखना है बार बार बोलता हूं अगर सीखना ईमानदारी से जिंदगी में कुछ करना है मरते दम तक गणित पीछा नहीं छोड़ेगी याद रखना नहीं पढ़ो लिखोगे शादी विवाह करोगे लड़के बच्चे हो जाएंगे सब्जी नोन तेल भिंडी खरीदने जाओगे वहां भी हिसाब करना पड़ेगा और अगर नहीं आया ना ये सब तो गौर बचती होगी चलो चार व छ का एलसीएम कैसे करेंगे सबसे पहले हम गुड़नखंड विधि से करेंगे गुड़नखंड में बता चुका हूं ऑलरेडी इसका आभाजुड़ करेंगे तो दो गुड़े दो होगा एक भी रहेगा दो गुड़ा तीन गुड़ा एक एल आप चार वर्ष हो लेकिन आधा हिंदी अंग्रेजी हो जाता है ओके <coughs> okay? साथियों पहले इनमें जो कॉमन हो सकते हैं उनको लेंगे कॉमन और कोई कॉमन है नहीं वन कॉमन है लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं होती इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हर किसी का गुणनखंड होता वन सब में आता है और जिंदगी में जो हर किसी का होता है ना हर किसी के साथ लगा रहता है किसी का नहीं होता है तो वही हाल इसकी है इसकी कोई इज्जत नहीं है मतलब उसकी इज्जत नहीं होती इंसानों में भी ऐसा होता है जो हर किसी में लगा रहता है ना उसकी कहीं इज्जत नहीं होती देखो इधर मतलब समझना तो क्या करेंगे दो और ये एक दो एक तीन तो दो दून चार तिही बारह ये हो गया एल्सियम देखिए हर किसी में लगा रहना हर किसी के साथ रहना का मेरा यह तात्पर्य है अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती वैसे भी हम्म लेकिन अगर कोई कहा कि भैया फलाने कल हमारे साथ यहाँ चलना है मेरे पास टाइम नहीं है जाओ नहीं टाइम है भाई तुम कितने भी खास हो हाँ चार बार बोला तो एक आध बार चले जाओ ठीक है तो थोड़ा वो लगेगा कि नहीं दमदार आदमी तो तुम कहे नहीं फलाने आटा ले आओ जाओ सब्जी ले आओ हुँ? मेरे साथ चलो वहाँ चलो यहाँ चलो कल फलाने बुलाई उसके पास गए कल फलाने के पास गए कल अंकल अंटी तो फिर आदमी कहता रहे वही जो सबके साथ मतलब सबका काम करता है ओके सभी को आगे चले आगे बढ़े किसी को कोई दिक्कत नहीं ना आइए अब अंतर समझना एलसीएम का मतलब वो संख्या होती है जिसमें जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं। उन दोनों से अगर हम भाग करें बारी बारी तो ये एलसीएम वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए ठीक है अगर चार से भाग करोगे बारह में तो तीन आएगा छह से भाग करोगे बारह में तो दो आएगा यानी पूर्णतः विभाजित है अब एच एफ पे आओ एक्टरसीएफ सिर्फ दो होगा क्यों हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि ये फैक्टर है ये क्या है मल्टीपल है संख्या सेम है अंतर देखो इसका HCF दो है LCM है देखो समझो अंतर समझो एलसीएम वो संख्या होती है जो कटवाती है एच सी एफ वो संख्या होती है जो काटती है बुरे सेंस में ना लेना समझना एलसीएम वो संख्या होती जो कटवाती है किससे कटवाती है मतलब पूर्णता डिवाइड होती है किससे जिन संख्याओं संख्याओं का का हम जिन एलसीएम करते हैं ठीक है HCF वो संख्या होती है जो काटती है। किसको काटती है है किसको उन संख्याओं को जिसका एचसीएफ निकाला गया है यह भाषा समझ जाओ ठीक यानी अगर दो से आप भाग करोगे तो चार पूर्णता विभाजित होना चाहिए दो से भाग करोगे तो छह पूर्णता विभाजित होना चाहिए यह कंडीशन है -C -F में हमें इससे ट्राई करना है कि ये पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए लेकिन एलसीएम में देखना हम इससे ट्राई करते हैं ऊपर से नीचे इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है हम अंतर समझाना चाहते हैं कि एलसीएम सी एच में अंतर क्या होता है निधि समझ में आ रहा है सोना साधना मोहम्मद हसन पंकज सिंह रोहित अंजलि रूबी रुचि तो में अस्सी लड़कियां हैं केवल बीस लड़के हैं को और जो बीस आए हैं ना वो भी सेटिंग करने आए हैं कार कहीं ठिकाए जाए तो जिंदगी पार <laughs> इजीले सलेक्शन आजकल गर्ल्स का ज्यादा हो रहा है चलो ये हो गया अंतर समझ गए ना टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली क्लास मिल सके और पीडीएफ नोट्स अपडेट आदि मिल सके अगर आप सीरियसली मेरी बात को सुनेंगे तो अच्छी बात है नहीं ज्वाइन करोगे तो मुझसे मत पूछना क्लास का है नहीं मिली पिछली वाली आइए सभी साथी क्लास को लाइक करें आपकी पूर्वतः जिम्मेदारी है ये पूरी जिम्मेदारी है आपकी लाइक करें फटाफट चलो भाई दूसरा क्वेश्चन बहुत छोटी संख्याएं लेंगे एकदम नन्नी वाली बारह अट्ठारह कैल्सियम बताओ आधा मिनट के अंदर बताइए अगर आपको लग रहा है बहुत आसान है तो चलो हम्म <coughs> चलो भैया खांसी नहीं रिकॉर्ड हो रही क्या आडियो में अच्छी बात है चलो सीला कुछ वहां समझ में आ रहा है करण लखन सबको आ रहा है ना आधे से ज्यादा बच्चे सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं उनको उनकी उसकी कसम है जो नहीं समझे उनको नहीं बताऊंगा चलो देखो इधर कैसे करेंगे बारह दो दुना चार तिहाई बारह इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे दो तिहाई 6 त्रिका अठारह चलो ये क्या हो गया ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। इधर भी गुणनखंड कर लो खोपड़ी कोई नहीं है। ये सब कोई करता नहीं है यूट्यूब पे देख लोगे साढ़े पांच लाख से अधिक दर्शक अगर किसी चैनल पे हैं और वो ये सब पढ़ाता हो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं घोर बज्जती होती है इसमें गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है कि तुम जोड़ घटाना सिखाते हो तुमको कुछ नहीं आता है समझ रहे हो घर वाले अलग डंडा की रहते हैं अरे कुछ अच्छा पढ़ाओ थोड़ा रिश्तेदार लोग देखते हैं कहते हैं कहाँ आवा बस तो लड़का जोड़ घटाओ पढ़ावत लेकिन उनकी तकलीफ नहीं समझते हैं हाँ उनकी तकलीफ नहीं समझते हैं जिनको बाबू बोले हैं कि बेटा एक साल है नहीं सिलेक्शन हुआ भाई चराया कर उनकी उम्र हो गई है बत्तीस साल की तब तो क्या करेंगे कहाँ सीखेंगे कौन बताएगा उन्हें इसीलिए हम पढ़ाते हैं देखो इनमें क्या होगा कॉमन सबसे पहले देखो कॉमन एलसीएम पहले जो कॉमन है उनको लिखिए दो तीन फिर जो कॉमन नहीं है उनको उतार लीजिए एक दो और एक तीन भी था दो तिहाई छः दूना बारह और बारह तिहाई छत्तीस एलसीएम कितना हुआ छत्तीस आगे देखिए इसमें भी वही तरीका करोगे जो दोनों में कॉमन एच सी एफ दो और ये तीन फाइनल में कितना छ एच सी एफ छल सी एम छत्तीस अंतर समझिए मैं सिर्फ आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं बगल बगल रख के दोनों में क्या अंतर है देखिए कोई चीज ना समझ में आ रही हो ना तो उसको अंतर के माध्यम से समझो जैसे मान लीजिए कौन लड़का नहीं पढ़ रहा है हा? तो उसको दो एग्जाम्पल दिखाओ कि अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा सड़क पे झूड़ा झाड़ू लगाओगे कूड़ा लग, बटोरोगे इकट्ठा करोगे चपरासी वाला काम करोगे है ना उसकी एक फोटो एक वीडियो दिखाओ एक वीडियो उसका भी दिखाओ जो आई एस पी सी एस या कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं जिनके पीछे आगे दो तो जिप्सी लगी रहती है पूरा एक भौकाल चलता है है ना उसके भी दिखाओ तो उसको अंतर समझ में आ जाएगा कि पढ़ने वाले पे होगा ये ना पढ़ने पे होगा समझ रहे है ना एग्जांपल ऐसा देना चाहिए कि उसका नीचे से नीचे कहां तक जा सकता है ऊपर से ऊपर कहां तक तो दोनों समझ में आ जाएगा फिर उसे अकल आएगी कहां पढ़ना चाहिए वैसे नहीं समझ में आएगा रॉकी समझ में आ रहा है नीतू संगीता आरती साक्षी सोना मोना टोना सबको आ रहा है चल भैया देखो अंतर समझो मैंने अभी बताया था एलसीएम वो संख्या होती है जो कटवाती है कटवाने का मतलब डिवाइड होती है विभाजित होती है ठीक है कटती है यानी आपकी भाषा कटती है देसी भाषा गणित की में विभाजित होती है किससे उन संख्याओं से जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है यानी 12 से 36 क्या है डिवाइड होगी अठारह से छत्तीस डिवाइड होगी लेकिन एच उसकी उल्टा होती है यानी एच वो संख्या होती है जो जिन संख्याओं का एच करते हैं उसको विभाजित करती है उसको काटती है समझ में दोनों में बिल्कुल अपोजिट है दोनों एक दूसरे के आंसर भी देखो बहुत बड़ा डिफरेंस के साथ आ रहा है आगे बढ़े चल भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा अब आप लोग अंतर समझ गए तो क्या करें यही सब चलेगा कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हो यही से चलेगा हुँ? पहले हम करते हैं गुणनखंड विधि से अब आज गुणनखंड विधि से बहुत बड़े नंबर अभी नहीं ले चलेंगे हम फिलहाल ये नंबर नंबर का तरीका पहले एक जुगाड़ सीख लो अच्छा वाला देखो बाईस चौवालीस एक सौ दस बताइए क्या ये एक सौ दस चौवालिस डिवाइड है बताओ भैया है कि नहीं इनका एलसीएम बताओ बिना दिमाग लगाए बताओ आधा मिनट के अंदर इनका एलसीएम बताओ एक सौ दस को चौवालीस डिवाइड करो नहीं हो रहा यार ये बे छोड़ो जाने दो हटाओ ही <coughs> लिख लो लो आप सही है चलो ठीक है देखो सीरीज बना रहा था मैं इनका एल्सियम क्या होगा बहुत आसान है बताता हूँ बताता हूँ इनमें दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ दिल लगाना इनसे बस दिमाग नहीं लगाना देखो कैसे बताता हूं जब ऐसी संख्याएं हो जिनमें जो सबसे बड़ की संख्या है वो बाकी छोटी संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो बाईस से भाग करोगे अठासी को पूरी तरह विभाजित है चौवालीस से भाग करोगे पूर्ता विभाजित है अठासी ऐसी कंडीशन में एलसीएम बड़ की संख्या होती है मतलब बिना कुछ किए आपको हलवल नहीं करना है आंसर जानना है बताओ ये जुगाड़ सही लगा कि नहीं अगर ऐसी संख्याएं हैं चाहे वो तीन है पांच है पंद्रह है लेकिन कंडीशन ये है कि बड़ी वाली संख्या दादा होनी चाहिए मुखिया होनी चाहिए यानी वो सभी छोटी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए अगर बीच में इसमें पंद्रह आ गया तो फिर वो तरीका नहीं लगेगा अगर बीच में इसमें पंद्रह आ गया तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा जितनी छोटी संख्या रहेंगी इसके पहले सबसे ये विभाजित होनी चाहिए जैसे देखो एक आगे ठीक इनका एलसीएम बताओ बिना कौन दिमाग लगाए बताओ चलो रूबी बात मत करिए श्रीराज पढ़ने हो ना पहले एक बार बताओ सोचो क्या करने हो चले आगे बढ़े कोई दिक्कत ना किसी को कोई तकलीफ नहीं ना बहुत अच्छा इसका आंसर होगा अस्सी हजार कितना होगा अस्सी हजार क्यों होगा क्योंकि जो अस्सी हजार है वो इन सभी संख्याओं से पूर्वता विभाजित है और ये ट्रिक लग जाएगी इसका आंसर क्या होगा अस्सी हजार कोमल तिवारी बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा चलिए ठीक है तो ये तो एक जुगाड़ था बेसिक रूल और बता रहा हूं ये छोटी सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए बीच में इसलिए बता देता हूं दूसरा देख लीजिए <laughs> क्वेश्चन नंबर कुछ भी लिख भैया 10 बारह कौनो नंबर डाल दें इनका एलसीएम बतावा बताओ सब ही चला बहुत जल्दी बताओ बहुत आराम से चला इनका और आसान कह लिया चला अब बताओ बहुत आसान है इसका एल बहुत आसान है वेरी इजी बेसिक तो मैं बता ही रहा हूं लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी ट्रिक भी जरूरी है जो आपको आनी चाहिए सभी साथी सेशन को लाइक करें फटाफट देखिए अगर दी गई तीनों संख्याएं चारों या कितनी भी हैं वो बिल्कुल 36 के आंकड़ा उनमें कोई दोस्ती नहीं है कोई प्यार मोहब्बत नहीं है यानी एक प्रकार से गणित की भाषा में बोले तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यानी आपस में इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ऐसी कंडीशन में इनका एलसीएम सदैव इनका गुणनफल होता है क्या होता है इनका एलसीएम सदैव इनका गुणनफल होता है तो इनको सबको आपस में गुड़ा करेंगे कोई फैक्टर वैक्टर नहीं निकलेगा ये सब पहले से बर्बाद हो चुके हैं तो पांच सत्य या ऐसे कर लो सात यात्र इक्कीस इक्कीस का पांच में गुड़ा करोगे करोगेगा पांच पांच एक सौ पांच इसका एल्सियम एक सौ पांच इनका एल्सियम का भैया ये आपस में कौन कामन फैक्टर नहीं है सत्रह कम सत्रह फतरातिया इक्यावन <coughs> सही नहीं है सत्रह एकम सत्रह के साथ सत्रह एकम सत्रह के साथ हाँसी लावा एक और सत्रहते इक्यावन बावन पांच सौ हो रतन समझ में आ रहा है पार्थ अंजलि साइलेंट बॉय दीपक सभी का आएगा चला फिर आगे बढ़ी तो कुछ हाँ एक चीज और बहुत जरूरी एकदम इंपॉर्टेंट देखिए दिवाली ऑफर है आप सभी के लिए पाँच नवंबर से एक क्लब बैच जो आया था वो छह तारीख से चल रहा है अभी दो दिन हुआ है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आप इच्छुक हैं गणित सीखने की और चाहते हैं कि कभी भी पढ़ें किसी टाइम पढ़ें हम रात के नौ बजे से बिजी रहते हैं रात में हम इंपॉर्टेंट काम करते हैं हम दिन में पढ़ेंगे दोपहरिया में पढ़ेंगे तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए एक साल की फीस वन की जगह सिर्फ आपको फाइव पे करना है पहली बार इतिहास में ऐसा है ना और डेढ़ साल का सिर्फ सिक्स नाइन नाइन और बाप खरीदे बेटा भी पढ़े सिर्फ फोर थाउजेंड नाइन नाइन में पूरा अनलिमिटेड वैलिडिटी हम रहे या ना रहे लेकिन कोर्स चलना चाहिए समझ रहे हो तो कब तक पता नहीं कौन रहेगा नहीं रहेगा तो जो इच्छुक अभ्यर्थी इसे ले सकते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ फ्री पढ़ेंगे उनके लिए भी है यही बैच सेम फ्री जो पांच सौ हजार जमा करने को मैंने कहा वो फ्री भी पढ़ सकते हो कैसे डेली रात नौ से नौ चालीस तक लाइव आओ ये विंटर बैच जो अभी चल रहा है सेम वही चीज इसमें भी पढ़ाऊंगा कंडीशन इसमें रहेगी आपको क्लास को लाइक शेयर करना होगा आपकी जिम्मेदारी रहेगी नहीं करेंगे ऐसा तो आपको क्लास नहीं मिलेगी दूसरा अगर आप इस बैच में लापरवाही करेंगे नहीं आएंगे तो इसका रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में नहीं मिलेगा इसका रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में नहीं मिलेगा सिर्फ लाइव देख पाओगे लाइव के बाद ये गायब यूट्यूब से गायब प्राइवेट बीच बीच के कुछ दिखाऊंगा ललचवाऊंगा ऐसा नहीं है अगर दस क्लास हुई तो बीच में चार पांच गायब कर देंगे पार्ट नौ गायब कर देंगे पार्ट बारह गायब कर देंगे तेरह चौदह पंद्रह पब्लिक कर देंगे सोलह सत्रह अठारह गायब कर देंगे कहाँ पाओगे नहीं पाओगे ना तो इसलिए लाइव आओ पढ़ो, पढ़ो कोई डाउट है तो बताओ हाँ जो इमरजेंसी में अगर डेली आ रहा किसी कारण से छूट जाती है उसको हम प्राइवेट वीडियो का लिंक शेयर करते हैं ईमेल पे तो जो डेली आएगा इमरजेंसी में कहीं छूटता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं चलो भैया अभी हम गुड़नखंड विधि से कर रहे हैं मुझे इसका आंसर कोई बताएगा निम चलो आगे बढ़े वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चा तो काका का हो रहा भैया <laughs> चले आगे ठीक है आइए इनमें हल करते हैं छोड़िए जाने दीजिए बता देता हूं तरीका सबसे पहले एक एक संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे अब अभाज्य गुणनखंड जिनका नॉर्मली कर सकते थे तो कर लेते हैं ऐसे दो दो चार ग्यारह चौवालीस दो सौ दस का भी अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं क्या दो से भाग करोगे अगर एक सौ पांच आएगा एक सौ पांच किससे डिवाइड होगा तीन से भी होगा क्यों अच्छा दिखा देता हूं इधर देखो समझ में आया ना ये क्या हो गया भाजी गुड़नखंड बहुत अच्छा बाबू बहुत अच्छा वेरी गुड अबाजी गुड़नखंड हो गया फिर इसमें कॉमन लेंगे कॉमन कुछ बच्चे कॉमन नहीं जानते हैं कॉमन जानते हो कि नहीं बताता हूं देखिए हमारा कोशिश है उद्देश्य है कि हर किसी को आए कॉमन क्या होता देखो मान लो मैंने ये इतना आइटम उठा रखा है चलो देखो इसमें कॉमन क्या है समझो कॉमन क्या है देखिए मैंने क्या लिया है दिख रहा है किसी को क्लियर कि नहीं दिख रहा है ना कुछ अलग अलग अग आइटम दिख रहा है कुछ एक जगह दिख रहा है बताता हूं एक हाथ में मैंने फोन लिया है और एक रिमोट लिया है एक हाथ में मैंने मोबाइल लिया है और एक लैंडलाइन फोन लिया है मतलब मैं मोबाइल दोनों हाथ में है लिया हूं ना मोबाइल कॉमन है ये ना तो लैंडलाइन वाला ये कॉर्डलेस फोन कॉमन है ना ये रिमोट कॉमन है क्योंकि ये दोनों में नहीं है आया समझ में कॉमन का मतलब समझ में आया आया ना मोबाइल फोन दोनों में है तो मोबाइल फोन कॉमन है ये ना तो रिमोट कॉमन है ना ये लैंडलाइन कॉर्डलेस फोन कॉमन है अब इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें कौन दे सकता है कहाँ पाओगे कौन से जन्म में चलो देखो आगे तो अब क्या हुआ वैसे यहां पे है जो दोनों में है ये दो, दोनों में था अब देखो दो इधर तो है बट इधर कहीं नहीं मिल रहा है इधर ग्यारह है बट इधर ग्यारह कहीं नहीं मिल रहा है अब और कोई कॉमन नहीं है जो कॉमन है मैंने पहले उसको लिख लिया अब जो कॉमन नहीं है उनको अलग कलर में लिखेंगे इनकी कोई जोड़ी नहीं बन रही है ये सब बेरोजगार हैं आजकल जो बेरोजगार होते उनकी जोड़ी नहीं बनती है विशेष रूप से, से बॉयज को बोल रहा हूँ गर्ल्स को नहीं उनकी तो बन जाती है इसलिए ज्यादा पढ़ो दो और ग्यारह तीन और फिर पांच और फिर सात ठीक एलसीएम निकालना गुड़ा है गुड़ा करिए चलो गुड़ा करो फटाफट दो दुना चार चार ही बारह बारह पंचे साठ अभी मैं ग्यारह को छोड़ रहा हूं देखो समझो पहले मैं इतने का गुड़ा करता हूं तरीके से आसान अफान दो दुना चार फिर ग्यारह फिर ये तीन पंचे पंद्रह पंद्रह का लिखोगे हाँ लिख लो समझिए अफान तरीके से करने का पंद्रह का चार में गुड़ा करेंगे साठ और फिर ग्यारह और फिर सात ठीक है आसान तरीका बता रहा हूं गुड़ा कैसे करेंगे नहीं संख्या बड़ी हो जाती है तो हो नहीं पाता है छोटा <laughs> छोटा तोड़ के देखो कैसे समझो कठिन रास्ते मत जाओ ग्यारह का इसमें गुड़ा अभी हम नहीं करेंगे समझना कैसे एक मिनट रुका हो ये ग्यारह है और ये सिर्फ सात था ना तो सतहत्तर कहाँ हो गया ठीक है सही अब देखो ग्यारह का सात में गुड़ा कर लेंगे सतहत्तर हो जाएगा यानी साठ अब गुड़ा सतहत्तर सतहत्तर का जीरो में गुड़ा करोगे जीरो और सतहत्तर का छह से गुड़ा कर लो बस तो छत बयालीस का दो हाफ ही लाया चार और छह सते बयालीस बयालीस चार छियालीस यह आंसर हो गया छियालीस बीस अगर तुम्हें यही करोगे इकट्ठा सबको ना तो बड़ी हो जाएगी संख्या ऐसे करोगे दो दूना चार ग्यारह चौवालीस चौवालीस ती फिर पंचे फिर सत्ते फिर लंबा हो जाएगा राज तुम पढ़ते नहीं हो बेटा नहीं तुम पढ़ते नहीं कभी पूनम समझ में आ रहा है पार्वती वर्मा क्यों तो अंजलि अंजलि राव अंजलि सिंह अंजलि मिश्रा कई लोग हैं अंजलि नाम से तो एक नाम बोला सब लोग जान जाना सीमा समझ में आ रहा है सीमा यादव हैदर नहीं चलो देखो ठीक <laughs> है तो कुछ ऐसे भी प्राणी जन्म लेते हैं समाज में जो सबको बदनाम कर देते हैं एक लोग कह रहे हैं कि आपको बॉयज से ही दुश्मनी है आप बॉयज को ही कहे बोलते हो बॉयज से दुश्मनी नहीं है तो मैं बड़ी आफत से बचाता हूँ लड़की लड़का के मोहब्बत में लड़का बर्बाद होता है लड़की नहीं होती कभी बहुत बाई चांस कभी हो गया अलग बात है पता है कैसे अगर दो लोगों का बहुत अच्छा अफेयर चल रहा है अच्छा वाला टाइम दोनों का बर्बाद हो रहा है नौकरी एकों को नहीं मिलेगी हम्म लेकिन कुछ दिन बाद लड़की के घर वाले गवर्नमेंट जॉब वाला या सेटल बिजनेस वाला लड़का खोज के लड़की की शादी कर देंगे लड़की होना ही काफ़ी है नौकरी वोकरी नहीं मतलब है शादी के लिए ठीक है समझ रहे हो उसकी ज़िंदगी दूसरा जगह जाके हो जाएगी बस जाएगी और तुम बेरोजगार घूमोगे तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। समझ रहे हो वो फोन करके लास्ट टाइम बोलेगी कि बाबू पापा नहीं मान रहे हैं बाकी तो मेरी मोहब्बत बड़ी तगड़ी वाली है समझ रहे हो तो इसलिए बोलता हूँ तुम्हें लड़कों को इसलिए बोलता हूँ तो इनको लगता है कि नहीं लड़कों से ही दुश्मनी है किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ चलो कर लोगे सभी एनीवन कुछ पूछना चाहते हो <coughs> चलो बस अब कुछ थोड़ा चेंज करूंगा ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का दो सौ दस वाले में क्या तकलीफ है यहाँ रुको एक मिनट देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें दो सौ दस वाले में दो एक कम दो भाई यहाँ देखो कुछ लोगों को डाउट है रुको दो सौ दस का आधा एक सौ पांच होता है ना उस सत्य पैंतीस सात तो क्या प्रॉब्लम क्या है जो दोनों में कॉमन है उसको मैंने यहाँ लिखा और जो कॉमन नहीं है ये देखो दो यहां लिखा ग्यारह यहां लिखा तीन पांच सात सब तो लिखा है क्या दिक्कत है दोनों चार ग्यारह को ऐसे लिख लिया तीन का पांच में गुड़ा किया पंद्रह सात को ऐसे लिख लिया ठीक चार और पंद्रह का गुड़ा किया चार पंद्रह का गुड़ा किया साठ आया इसका इसका ग्यारह और ये सात ऐसे उतार लिया ठीक है समझो मैंने इसको तोड़ तोड़ के गुड़ा किया इधर का उधर तुम्हें लग रहा होगा कहां से आ गया ग्यारह सात का गुड़ा कर ले सतर अब सतर का साठ में गुड़ा किया इसे तुम एक बार में कर सकते हो महान आत्मा जरूरी नहीं सात बार में करो अब नहीं आया तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक बार चलो देखो 325 का फैक्टर करेंगे और हमें याद नहीं हम ऐसे कर नहीं पाएंगे बिना यहां लिखे पहले ये बताओ क्या यह संख्या तीन से विभाजित है हाँ या नहीं हुं? दो से तो है नहीं क्योंकि ये सम संख्या है नहीं दूसरी बात इसका लास्ट का अंक जीरो दो चार छह आठ नहीं है तीन दो पांच तीन दो पांच पांच दस कितना हो जाएगा तीन दो पांच 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 दस इनका योगफल दस आ रहा है और दस तीन से विभाजित नहीं है तो ये संख्या तीन से भी विभाजित नहीं होगी क्या पांच से हो सकती है हाँ पांच विभाजिता नियम के लिए लास्ट में सिर्फ पांच होना काफी है पांच पचम पच्चीस पांच एकम पांच, पांच पंद्रह तेरह यानी इसका फैक्टर फाइव फाइव एंड थर्टीन वन लिखा नहीं जाता है ठीक है वन छोड़ देते हैं क्योंकि वन सब में आता है उसकी कोई कदर नहीं होती 625 सौ पच्चीस का कर लो ऐसे ऐसे पांच पचम पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पंचे छः सौ पच्चीस सही है ना सही है ना करके देखो एक सौ पच्चीस को पाँच से गुणा करा भैया देखा हो राजा लोग देखा बिल्कुल सही है चला अब देखिए इनमें कॉमन क्या है जरा देखिए प्यार से कॉमन क्या है पांच पांच की जोड़ी बन गई भैया दो लोग की जोड़ी बन गई जोड़ी बनना बहुत जरूरी है ज़िंदगी में इनकी जोड़ी नहीं बनती उनको मकान मालिक कमरा भी नहीं देते किराए पे अकेले जाओगे तो हर जगह कहेंगे ना लेके के आ जाओ एक बार मैं ऐसे जगह गया था अपने दोस्त के साथ तो वहाँ पूछे कि तुम शादी की सुधा हो तुम लोग कैसे हो हम लोगों ने कहा नहीं अभी तो नहीं कह नहीं हम सिर्फ फैमिली को देते हैं तो शादी हो जाएगी तब आना फिली आज तक हम लोग वहां नहीं गए अभी सोच रहे शादी हो जाएगी जाएंगे वहां रहेंगे देखो यहां पे आगे ये हो गया इनकी जोड़ी बन गई भाई जिनकी नहीं बनी उनको उतारो ऊपर से थर्टीन अलग कलर में उतारो और पांच और पांच इनका गुड़ा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा पचम पच्चीस और ये थर्टीन और ये पचम पच्चीस तो कितना आएगा मल्टीपल करो आपस में सभी लोग मल्टीपल करो फटाफट <laughs> देखिए इनका गुड़ा करोगे तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625 625 का 13 से गुड़ा करना है छह सौ पच्चीस को 13 से गुड़ा करना है कर लोगे ना इसको छोटा कर दें थोड़ा सा चलो गुणा करें आओ तेरह पच्चे पैसठ के पांच हाफी ला कितना छह और तेरह दूना छब्बीस छब्बीस छ कितना होगा बत्तीस बत्तीस का दो हाफी लाया कितना तीन और तेरह छंग अठहत्तर यही होता है ना थर्टीन सिक्स या सेवेंटी एट कितना हाफी लाया था तीन अठहत्तर दो अफी है कि क्या फ़ी? यह आंसर होगा पटेल जी ये आपके लिए इकलाफ नहीं है आपके लिए इकलाफ नहीं है यहाँ सब्य और संस्कारी लोग नहीं है आप कहीं और देखो सभी को समझ में आया संगीता कुमारी आया समझ में उपेंद्र कुमार डट टिस्कान, समरीन सैफी सोनम दुबे श्रीकांत सभी को आया तो हम आपको मैथ सिखा रहे हैं पढ़ा नहीं रहे और वो भी जीरो लेवल से जैसा कि टॉपिक और टाइटल है ऊपर तो यहाँ पर कुछ हाई फाई चमत्कार नहीं होने वाला है आइए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं भाग विधि से एलसीएम काफी ज्यादा हो रहा है अब तक जो था गुणनखंड विधि था <laughs> भाग विधि से एलसीएम बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आपको तरीका सिखाएंगे बस लिखिए साठ व सौ का एलसीएम भाग विधि से देखो भाई भाग विधि में कैसे होता है भाग विधि से कैसे होता देखो पर समझो साठ और सौ दो से डिवाइड करोगे तीस दो से करोगे पचास दो से करोगे पंद्रह दो से करोगे पचीस तीन से करोगे पांच पंद्रह और ये पच्चीस और पांच से करोगे पांच एकम पांच पचम पचीस कोई किसी को दिक्कत नहीं ना ये मैं फैक्टर करना ऑलरेडी सिखा चुका हूं अगर आपने नहीं सीखा तो नीचे नंबर चल रहा है उस पर तो मैसेज करना कि मुझे फैक्टर वाला वीडियो चाहिए बढ़िया एलसीएम निकालने के लिए यहां क्या लिखेंगे एलसीएम आप साठ एंड सौ एक दो 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 और तीन और पांच पांच दो दो न चार तीन बारह पंचे साठ साठ को पांच में गुड़ा करोगे तो आएगा तीन सौ कितना आएगा तीन सौ कितना आसान है ना आगे बढ़े किसी को कोई डाउट नहीं ना मनीष राव समझ में आ रहा है आनबी आ रहा समझ में नितिन मौर्य वेरी गुड मेनिका गौतम किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? नहीं ना आगे बढ़े चल भाई चलो तो ये भाग विधि से था भाग विधि में दोनों का इकट्ठा फैक्टर करते हैं और गुणनखंड विधि में दोनों का अलग अलग करके उसमें ऐसे ऐसे कॉमन खोजते हैं इसमें कॉमन साथ में हो जाता है एक और क्वेश्चन एक और देखिए एक सौ बीस व दो सौ का एल्फियम इसमें भी भाग विधि करेंगे भाग विधि में दोनों को इकट्ठा फैक्टर निकालते हैं ऐसे दो से करोगे आप भाग 120 को तो 60 आएगा दो से 100 को भाग करोगे तो सॉरी दो सौ को तो सौ आएगा दो से भाग 60 को करोगे 30 आएगा दो का भाग 100 में 50 आएगा दो का भाग 15 में कर में करोगे 15 आएगा इतना तो जाने रहे हो तीन का भाग करेंगे पंद्रह पाँच आएगा पच्चीस उतार लो एक कम पाँच पचम पच्चीस कोई दिक्कत ना किसी को सभी को आता है ना अब तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लिखेंगे इसका एलसीएम लिखेंगे कैसे लिखेंगे नीचे लिखो एलसीएम ऑफ एक सौ बीस एंड दौ एक दो तीन तीन बार दो सबका गुड़ा कर लेना है बस दो दुना चार दुना आठ त्रिक चौबीस समझो दो दुना चार दुना आठ त्रिक चौबीस चौबीस और इसका आपस में गुड़ा कर लो पच्चीस चौबीस पच्चीस का गुड़ा करो दो बार में इसलिए कर रहे जिससे आसान हो जाए तो पच्चीस चौका सौ हाफ फिलया दस और पच्चीस दूना पचास दस साठ छह सौ अगर वहां चौबीस पंचे करोगे फिर पांच से गुड़ा करोगे तो कठिन हो जाएगा नो no डाउट किसी को विशाल प्रजापति शुरू में बताया था स्टार्टिंग में हिंदी में बोलते हैं समापवर्त बबीता कुमारी आप वही बबीता हैं जो क्लास लेकर लड़ाई करी थी दिनेश सर से वही है कि कोई और भाई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कुछ ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं ईमेल e आईडी पासवर्ड सब भूल जाते हैं फिर कहते हैं कि हमें ना तो ईमेल आईडी पता है ना पासवर्ड पता है लेकिन हम क्लास ज्वाइन किए तो हमें मिलनी चाहिए बताओ एप्लीकेशन में लाखों बच्चे हैं उसमें कहाँ खोजेंगे तुम्हें हम कैसे देंगे और कोई भी नया अगर कोर्स एक्टिव होता है तो उसकी एक संख्या बढ़ जाती है उसका हमें हर जगह चार्ज पे करना होता है तो नया ईमेल आईडी या नया सिस्टम पे फिर दोबारा एक्टिवेट करना मतलब नया कोर्स देना भाई बहुत खर्चा आता है हर चीज़ में समझिए आप बात चलो ठीक है फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं क्लास में जो पीछे पढ़ा था आपने नौ नंबर में क्या पढ़ा था बताइए जवाब दीजिए पीछे आपने क्या पढ़ा था उसके पहले एक सवाल बताइए साथ साथ में दोनों तो बताइए पहला सवाल ये है कि क्या थ्री प्लस थ्री फोर थ्री परमीय है या अपरमीय यह परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या है जवाब दीजिए सभी का कमेंट में देखूंगा अगर अगले आप हमारे साथ तीस मिनट तक जुड़े रहेंगे <coughs> ये घनमूल का चिन्ह है आइए ठीक है बहुत अच्छा कुछ बच्चों ने कोशिश किया है पिछली क्लास में एलसीएमसी पढ़ा था बहुत अच्छा लक्ष्मी जी आपका कमेंट आ रहा है पूजा सुशील मोहित पंकज सुमन छोटू आरती सिंह चलिए ठीक है ये रेफनल नंबर है ये परमीय संख्या है परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका तीन ऐसे आप जोड़ेंगे इसका घनमूल निकालेंगे सात आएगा होता है ना ये जोड़ेंगे दस आएगा दस बटा एक लिख सकते हैं इक्वल पी अपान क्यू सो so यू कैन से दिस इज अ रेशनल नंबर क्या है ये रेशनल नंबर है परमेय संख्या है फिर पढ़ाई पे ध्यान नॉट बातचीत चलो एलसीएम एचसीएफ में कल भाग विधि बताया था कि गुणनखंड विधि या दोनों बताया था दोनों विधि बताया था ना शायद कल मैंने एच सी एफ भाग विधि से नहीं बताया था है ना? और एच सी एफ के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी सिर्फ एल सी एम के बारे में हुई थी चलिए ठीक है अगर आपको भी गणित सीखना है तो अगले आधा घंटा कम से कम आपको देखना है ईमानदारी के साथ तो एक छोटा सा सवाल मैं कर लूं इसी पर लगे हाथ मुझे यह बताओ कि तेरह छब्बीस और बावन का एल्फियम क्या होगा आधा मिनट में आप आंसर दे लेंगे अगर कल आपने देखा था तो एल्फियम क्या होगा सभी बच्चे क्लास को फटाफट लाइक शेयर करें बाबू आपकी जिम्मेदारी है देखिए मैंने कहा कि ये पेड बैच का मैं फ्री कंटेंट टोटल दूंगा यहाँ पे आप लाइव आओगे लेकिन आपकी जिम्मेदारी है लाइक शेयर करना आइए मेन पॉइंट पे आओ इसका आंसर होगा फिफ्टी टू सॉरी हाँ फिफ्टी टू ही तो क्या सॉरी उसमें ठीक है ऐसा क्यूं? क्यों क्योंकि मैंने कहा था कल ही बताया था कि अगर तीन संख्याएं, पांच संख्या या कितनी भी संख्याएं हैं, वो ऐसी हैं कि सबसे बड़ी वाली संख्या जो है बाकी सभी संख्याओं से पूर्णता विभाजित है तो ऐसी स्थिति में उनका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होती है बिना किसी नियम कानून के कर लो खत्म चलो ठीक है बढ़िया है तो करें क्या अभी हम एच सी एफ पढ़ लेते हैं ना हम्म भाग विधि से एच सी एफ आंसर क्या होगा 52. जो बच्चे बेसिक गणित सीखना चाहते हैं उनके लिए दिवाली ऑफर है इसे ध्यान से देखें और नोट कर लें बिल्कुल जीरो से इसमें सिखाया जाएगा एकदम शून्य से और वो प्यार से घर बैठे बैठ मतलब सीख सकते हैं इसमें लाइव भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी मिलेगा अभी थोड़ा तो वगैरह गड़बड़ होने की वजह से कुछ डिस्टर्ब चल रहा था हमारी कोशिश है दिवाली बाद बहुत बेहतर हो जाएगा सब तो ज्वाइन करें बिल्कुल सुनने से दिवाली पे नब्बे परसेंट तक की छूट है संपर्क करिए नंबर नीचे चल रहा है आज का टॉपिक आप पढ़ेंगे आप भाग विधि से क्या एच सी एफ ओके okay? चल भाई बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं लेंगे पहले हम जैसे पहला दो दो संख्या के बारे में बात करेंगे जैसे मान लीजिए पहला मैंने ले लिया चार वा का ना। कर लो ठीक है एच सी एफ देखिए आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूं फिर मैं इसको करूंगा आगे ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुड बच्चा पार्टी चलो देखो बाबू ध्यान से समझना सबसे पहले हम आंसर की बात करें क्योंकि ये बहुत ही छोटी संख्याएं है लेकिन हमारा बताना मजबूरी ये है कि हम जीरो से सिखाते हैं पढ़ाते नहीं है तो हम सब चीजें बताते हैं छोटी से छोटी जितना मुझे पता होता है हमें पता होता है कि अधिकांश लोगों को मालूम है लेकिन फिर भी देखिए आदत मेरी है ना ऐसी बताना सात और चार ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक वन है जो सबका कॉमन फैक्टर होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती उससे कोई मतलब नहीं वन को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अगर ऐसी कंडीशन है कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका एच सी एफ हमेशा वन होता है यानी हमें उत्तर तो पता चल गया इसका वन आंसर आएगा लेकिन करेंगे कैसे देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करोगे तो चार एक चार घटाओगे क्या आएगा तीन सही है अब देखिए ये है भाजक ये है भाज्य यानी डिवाइजर है 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 रिमाइंडर जैसे अभी पर्जन टाइम में आप लोग क्या हैं अपने मम्मी पापा के बेटे बेटियां हैं अगले आने वाली जनरेशन में आप लोगों की शादी ब्याह हो जाएगा सब लोगों की लड़के बच्चे हो जाएंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे पेरेंट्स हो जाएंगे फिर बच्चे वो हो जाएंगे है ना ऐसा काहे को बता रहे हैं अच्छा यहाँ है ये यहाँ क्या भाजक है ये भाज्य है इनका हो गई इनकी जनरेशन पूरा इनका जो था हो गया कम अब अगला स्टेप होगा अगले स्टेप में क्या होगा जैसा मैंने अभी बताया अब अगली जनरेशन ये यहां पर जो ये शेषफल आया था ये बन जाएगा भाजक भाजक और क्या जिस संख्या से आपने भाग दिया था ना वही तो ये यहाँ आ जाएगी क्यों भाई यही तो करते ना यानी जो पूर्व में भाजक था वो यहाँ भाज्य बन गया समझ रहे हो ना जो यहां काटता था किसी संख्या को वो यहाँ खुद कट रहा है ये वक्त का खेल है समझ रहे हो ना आज तेरा है तो कल मेरा होगा जो यहाँ संख्या को डिवाइड कर रहा था वो यहाँ डिवाइड होगा तो फोर जा सॉरी थ्री वंजा थ्री घटाओगे कितना आएगा एक अब देखो समझो यहां ये कितना आया वन ये तरीका आगे बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है अब जो यहां वन आया है ये बन जाएगा भाजक ये भाजक बन जाएगा ये तीन बन जाएगा भाज्य अब एक तीन या तीन हमारा उद्देश्य था शून्य शेषफल लाना और लास्ट में जिससे शून्य आएगा भाग करने पर वही आंसर होगा तो लास्ट में मेरे यारों यहां पर जो जीरो आ रहा है वो किससे आ रहा भैया वन से तो वन क्या है एच सी एफ समझ रहे हो ना आप कहोगे भाग तो तीन से भी किया था चार से भी किया था तो क्या सब तो क्या सब एच सी एफ है नहीं देखो अक्सर गांव देहात में या शहर में नॉर्मल तरीके से जो शादियां होती हैं उनमें बहुत सारे रिश्ते आते हैं शादी तक भी पचास हो लेकिन लास्ट में जिससे हो जाती है वही हस्बैंड वाइफ होते हैं समझ रहे हो ना ऐसा नहीं भाई वो भी देखने आए थे तो भी हस्बैंड हो गए उनके भी रिश्ता गया था तो भी वाइफ हो गई ऐसा नहीं होता ना जहाँ हो जाती फाइनल वही होता है ना वैसे इसमें क्या है ये सब देखने वाले ये शुरू में आए थे लेकिन जीरो नहीं आया मतलब शेषफल फल शून्य नहीं हुआ तो फाइनल में आंसर जिससे जीरो आया शेषफल वही उत्तर माना जाता है समझ में आया ना आप बताओ अच्छा एग्जाम्पल था ना एक बार कमेंट जरूर करना रोहित आप आए हो कि नहीं हमारे कमेंट मॉडरेटर आजकल जो है बहुत लापरवाही कर रहे हैं ये आते नहीं है चलो बहुत अच्छा तो ये चीज समझ में आया यानी चार और सात का एच सी एफ कितना आया वन किसी को कोनो तकलीफ कोनो दुख दर्द इस क्लास में क्वेश्चन में नहीं ना ठीक है तो क्वेश्चन नंबर अगला देखा भैया कायम गंदा करें अगले ना बढ़े आगे पेज में जो होगा देखा जाएगा <coughs> अब भैया क्वेश्चन नंबर दो या तीन कुछ भी लिख लो चलो अब मुझे यह बताओ कि संख्या सोलह 24 का एच सी एफ कल मैंने एलसीएम ज्यादा बताया था आज एल की बारी है क्या करेंगे भाग विधि से ध्यान से देखना है प्यार से देखना है इसमें कितने लोग इसका आंसर दे लेंगे हाथ उठाओ, वेरी गुड बहुत अच्छे लगभग तीस परसेंट आओ चलो देखते हैं भाग विधि से करना है अभी हम टू टू नंबर ले रहे हैं दो दो संख्या याद रहे जिंदगी में सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए और अगर वो शर्म करता मैं तो आज तुम्हारा कर्म गड़बड़ हो गया होता मतलब ऐसे समझो कि जो हाँ आए हुए यहाँ ना आ पाते पी बी आर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर साढ़े पाँच लाख लगभग सब्सक्राइबर हैं दस करोड़ से अधिक दर्शक बड़ी बेजती होती है जीरो से पढ़ाते हैं जोड़ घटाना पढ़ाते हैं इनको और कुछ तो आता ही नहीं है बड़े बड़े जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे मैसेज कॉल करते हैं सर और कुछ आप पढ़ाइए ये बेसिक जीरो लेवल कब तक पढ़ाएंगे हमें पता है वो सब करने वाले बहुत चैनल हैं बहुत इंस्टीट्यूट हैं लेकिन तुमको शून्य से सिखाए कोई ऐसा चैनल यूट्यूब पे खोज लेना जिसमें इतने ज्यादा मात्रा में अगर स्टूडेंट जुड़े हैं कोई नहीं मिलेगा कोई दस बीस वीडियो डाल दिया होगा कोई चार छह वीडियो डाल दिया होगा लेकिन रेगुलर कोई पढ़ाए ऐसा कोई चैनल पा जाना तो मुझे बताना समझ रहे हो ना तो सीखने में ना और सिखाने में दोनों जगह शर्म नहीं करनी चाहिए बिल्कुल दिल खोल के सीखना चाहिए चलो देखो सबसे छोटी संख्या से बड़की संख्या में भाग करेंगे अगर हम दो बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ज्यादा ज्यादा हो जाएगा मामला हो जाएगा गड़बड़ तो फिर वन टाइम ले जाएंगे वन टाइम ले जाएंगे इनको जब सब ट्रेक करेंगे तो पता कितना आएगा आठ आएगा ना इसमें से एक उधार जाएगा या फोर्टीन फोर्टीन में से सिक्स जाएगा तो एट यानी चौदह में से छह गया आठ तो भैया पहली दफा ये जो भाजक थे ये भाज्य थे ये शेषफल थे दूसरी दफा में जो शेषफल है ना ये भाजक बन जाएंगे और जो भाजक थे वो भाज्य बन जाएंगे समझ रहे हो ना इस टाइम आजकल जो घर में बहू आई है ना कल को सास बनेगी समझते जाओ एग्जाम्पल साथ, साथ में चलो देखो अब इसमें कितनी बार जाएगा दो बार फेसफल जीरो आया जिस संख्या से भाग करने पर फेसफल शून्य आ रहा है वही आंसर है हो गया एच सी आठ यह है भाग विधि से एच सी एफ करना बहुत अच्छा लर्निंग इज टारगेट वेरी गुड सोना कमेंट आ रहा है आपका राहुल शर्मा हरे कृष्णा इनका नाम है विजय चौहान अनवी समरीन सभी का कमेंट आ रहा है समरीन शोभित पंकज सुमन अजय सुषमा और ऐसे कुछ आदि आदि अनादि नाम थे जो रेगुलर क्लास में आते हैं उनको कुछ पार्ट जो पीछे प्राइवेट है नहीं मिल रहे थे उनका लिंक उन्हें भेज दिया गया ईमेल पे ठीक है और हाँ अगर आपको ईमेल पे लिंक ना मिला तब भी आप पी बी स्टडी चैनल में अगर प्ले में जाएंगे ये वाली बैच में विंटर वाली में या वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे लाइव वाले में अपनी उसी आई डी जाएंगे जो हमें दिया है तो वहाँ पर वो प्राइवेट वीडियो भी आ जाएगा आप देख पाएंगे लेकिन अगर ईमेल आईडी चेंज किया तो नहीं दिखेगा क्यों क्योंकि हमने आपको एक्सेस दिया है प्राइवेट तरीके से अलग से क्योंकि आप रेगुलर क्लास में आते हैं तो बीच की गायब क्लास आपको मिल जाएगी ठीक है चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन या चार आगे देखो यहां पे संख्या अभी दो दो संख्या की ही बात कर रहे हैं ना फिर ज्यादा दो से ज्यादा संख्या की बात बाद में करेंगे चलो जैसे मैंने ले लिया बत्तीस वाह यस yes. आवाज आ गई मेरी ये डिस्चार्ज हो गया ये इसका सिस्टम हो गया गड़बड़ ये मैंने लगा लिया टेम्प्रोरी आज के लिए ओनली बाकी मैं कान में कोई चीज गुजारता नहीं आता <coughs> आ गई ना चलो भाई वन मिनट वेट का टाइम खत्म अब तेज आई होगी उससे तो 32 तो हुआ एक बावन जो भी है वगैरह वगैरह इसका एच करेंगे चल भैया आजा बत्तीस से भाग करेंगे को इसमें रिटर्न हो रही है क्या चलो भाई इनका क्या करेंगे भाग करेंगे अब बत्तीस का हमें टेबल नहीं आता है अगर आपको ये भाग करनी नहीं आती तो कमेंट करके बताना हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें हमने बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग सिखाया है तो भाई साहब तीन का लगभग इसमें पांच बार जाएगा एवरेज तो हम इसको पांच बार ट्राई करते हैं पांच बार ले जाएंगे तो पांच गुना दस हाँसी पंद्रह एक सोलह ज्यादा हो जाएगा सीधा सीधा चार बार जाएगा आठ चाहती बारह एक सौ अठाइस आएगा घटा लो आपस में बारह में से आठ गया चार इसमें से एक उधार गया था ये बचा है चार ओके? जो पहली बारी में शेषफल था अगले टर्न में वो भाजक बन जाता है ठीक है संख्या और पहले स्टेप में जो संख्या भाजक होती है वो दूसरे स्टेप में भाज्य बन जाती है मत तो बोलना ऐसे ऐसे खींचोगे ऐसे तो ये बत्तीस जो वहां भाजक था यहाँ बन जाएगा इसमें इसका भाग वन टाइम जाएगा ट्वेंटी फोर आएगा बटाओगे बारह में से चार जाएगा आठ बस आठ ओनली आठ फिर क्या करोगे मेरे भाई अब फिर वही तरीका अपनाओगे जो अभी तक आपने देखा था जो संख्या भाजक थी अब वो संख्या क्या हो जाएगी जो संख्या यहां पर थी शेष फल वो हो जाएगी भाजक और जो यहां पर आई थी भाजक के रूप में बत्तीस के लिए वो ही आ जाएगी तो एच सी एफ क्या आएगा आठ ऐसी संख्या जिससे लास्ट में भाग करने पर जीरो शेष फल आया वही एच सी एफ होती है ठीक है सभी को समझ में आ रहा है प्रतिमा आ रहा समझ में संगीता यादव सोलंकी अजय सिंह रूबी यादव प्रिया शुक्ला पूजा शुक्ला नंबर संपर्क करिए अन्य के लिए चलो भाई <coughs> तो ये भाग विधि से एच सी एफ है हCF का मतलब मैं कल ही सिखा चुका हूँ एच सी एफ ऐसी संख्या होती है जिससे भाग करने पर दी गई जो मुख्य संख्याएं हैं वो पूर्णता तो होनी चाहिए और हाँ वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे भाग करने पर वो पूरी तरह डिवाइड हो उससे बड़ी और फिर कोई संख्या ना हो समझ रहे हो एक छोटी सी बात बताऊ आपको इधर देखो इधर देखो तुम समझो पहले भाई समझो 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 जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है संख्या है चालीस व अफी ठीक है समझना मैंने कहा एच सी एफ वो संख्या होगी जिससे भाग करने पर दी गई ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो तो, तो यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा तो भाई साहब भाग करने पर दो से भी विभाजित है चालीस और अस्सी दोनों चार से भी है पांच से भी है हा? बीस से भी है बीच में और भी संख्याएं हैं दस भी है दस भी है फिर आठ आठ बीस भी है और चालीस भी है लेकिन इनका एच क्या होगा पता है इनका एच सी चालीस होगा क्यों क्योंकि जो चालीस है ये एच सी एफ इसलिए होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा विभाजक है बाकी ये सब बच्चा है इसके आगे समझ में आया ना तो एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ये सभी कॉमन फैक्टर हैं बट हाईएस्ट नहीं है समझ रहे हो ना जैसे सीजल का एग्जाम सभी अभ्यर्थी जाते हैं तो सभी अभ्यर्थी हैं परीक्षार्थी सभी हैं लेकिन जो हाईएस्ट स्कोर करता है जो सेलेक्ट होता है उसको नौकरी मिलती है ऐसा नहीं हम भी पेपर दिए थे तो फिर हम भी पाई जाएंगे नौकरी ऐसा नहीं होता है आया सभी को समझ में तो मेरा मतलब बताने का था कि एचसीएफ होता क्या है ऐसे लोगों के लिए जिनको बड़ी नहीं आती चलिए आज कोई कह रहा था कि आप पढ़ाते समय जो है मुंह सात तरह का बनाते हैं उसका कारण क्या है पता है कि तुम्हें कुछ तो नया दिखना चाहिए हमारा मुंह दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर थोड़ा तो चेंज होना चाहिए ना और माइंड हमारा जो हमेशा क्या चाहता है चेंज चाहता है, है ना तो अब ये तो दो संख्याएं थी तीन संख्या पच्चीस पचपन व पचासी का चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा जवाब दीजिए फटाफट चलिए देखिए यहाँ पर एक से अधिक संख्याएं तो कैसे करेंगे समझना थोड़ा प्यार से अच्छे से यहाँ पे तीन संख्याएं है ना ऐसे अगर एक से अधिक संख्याएं हो तीन हो पांच हो चार हो कुछ भी हो सॉरी एक से अधिक नहीं मतलब दो से अधिक तो ऐसी दशा में भाग विधि से में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सोचते हैं भाग तो दूर से होगी तो तीन ही कहाँ होगा वैसे शादी भी दुई लोग में होती है ना लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर में तीन चार शामिल हो जाते हैं ना होते हैं ना तो वैसे ये भी होता है भाग दुई में होती है लेकिन एक, एक एक्स्ट्रा अफेयर हो जाता है देखो कैसे सबसे छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं पहले मजल की संख्या ठीक है भैया बड़की वाली संख्या छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा अफेयर के लिए ये कितना हुआ ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी इसमें से सब करोगे फाइव आएगा मतलब घटाओगे जैसा कि मैंने कहा इस जनरेशन में जो लड़के बच्चे हैं अभी अपने माँ बाप के अगले जनरेशन में वो मां-बाप बन जाएंगे है ना तो वैसे क्या ये फर्स्ट स्टेप में जो संख्या भाजक थी वो अगले स्टेप में भाज्य बन जाएगी यानी यहाँ पे क्या होगा फिर अब चेंज ये ऐफ होगा और ये संख्या यहाँ आ जाएगी यानी यहाँ पे भाजक थी यहाँ भाज्य हो फिर इससे भाग ले जाएंगे पांच बार घटाएंगे जीरो अब कुछ लोग कहेंगे आंसर तो पांच आएगा नहीं अभी नहीं आया अगला देखो समझो पहले अब इसको जो हम भाग करेंगे ना हे दादा समझा बताओ बता रुका रहा। अब जो लास्ट में फाइनल हुआ देखो ऐसे हुआ ये जैसे टीयर वन टीयर टू टीयर तीन, तीन परीक्षा होती है तो फाइनल में जो कुल से निकल जाता है ना उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू होता होगा आगे चल के कुछ पोस्ट में इंटरव्यू भी होते हैं कुछ नहीं होते हैं वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू के कैटेगरी मतलब कैसे सिचुएशन है तो मेरा कहने का कही मतलब इसको आप ऐसे मान लो कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें दो स्टेप उसके निकल गए प्री और मेंस निकल गए लेकिन अभी इंटरव्यू बाकी ठीक है तो जो दो संख्याएं हैं उनको भाग कर लेते हैं तो मतलब हमारा प्री मेंस हो गया दो तीन स्टेप में जो भी इंटरव्यू का मतलब अगर दो से ज्यादा संख्या थी तो जिसने इंटरव्यू क्लियर किया है सॉरी तो इंटरव्यू नहीं मतलब परीक्षा जिसने क्लियर किया इंटरव्यू में वही तो जाएगा ना परीक्षार्थी तो बहुत बैठेंगे लेकिन जो मेंस क्लियर करेगा इंटरव्यू के लिए वही जाएगा तो वैसे इसमें भाग पच्चीस से भी हुआ है पांच से भी हुआ है कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें चार पांच संख्या और होंगी ऐसे लेकिन अगली बची संख्या को आप उसी संख्या से भाग करेंगे एकदम लास्ट वाली संख्या से लास्ट वाला भाजक ठीक है।, है जैसे ये पांच है जहां जीरो आएगा उसी से भाग करेंगे समझ में आया ना नहीं तो तीन चार पांच भाजा ऐसे हो जाएंगे पहले पचास पांच एक कम तो तीन ऊपर से उतारेंगे पांच पांच सत्ते पैतीस भाई ये सही है ना कंप्लीटली डिवाइड हो गया यानी इसके स्टेप हो गए क्लियर तीगा। तीगा, फिर कहा हुए आंसर आ गया है सी बराबर पांच एक चीज और याद रखना हर जगह ये लागू नहीं होता कहीं कहीं आपने पांच से भाग भले किया था तो जरूरी नहीं कि जो यहां आया था लास्ट वही आंसर आएगा नहीं चेंज हो जाता है अगर ये पांच से पचासी डिवाइड ना होता तो आंसर कुछ और आता समझ रहे हो ना मान लीजिए पचासी की जगह पर हम कर दिए नब्बे नहीं ये भी कट जाएगा बानबे कर दिए मान लो मैंने बानबे कर दिया अब बांध कर दिया होता तो आंसर पांच नहीं आता कुछ और आता आ रहा है अजय सिंह निधि यादव शिल्पी सुमन कुमार अभी मैंने कहा था कि कुछ लोगों को जो है मैंने लिंक दे दिया है प्राइवेट क्लासेस जो कर दी गई है पिछली तो कुछ लोग कह रहे मेरा नाम बोले हमें तो नहीं दिए अरे चाचा तुम्हारे नाम के लाखों हैं इस दुनिया में दुनिया तो छोड़ो देश में भारत में और उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा बड़ा है समझ रहे हो ना तो आपके नाम के बहुत से लोग हैं आपके नाम के कांटेक्ट नंबर हमारे फोन में कम से कम सौ होंगे उससे कम नहीं होंगे तो हो सकता है आपको नहीं कहा दूसरा एक कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि आप ऐसा एग्जाम्पल क्यों देते हो मुझे हंसी आ जाती है लोग मुझे देखने लगते हैं घर वाले ये पढ़ रही कमेडी देख रही देखो भैया पढ़ाना एक अलग चीज है सिखाना अलग चीज गढ़ इतना बड़ी बोरिंग कड़वी होती है इसको थोड़ा मीठा बनाने के लिए उसमें कुछ मिक्स करना पड़ता है इसे देखिए प्यार से एक तरफ से तो अब क्या करें और क्वेश्चन दे क्वेश्चन नंबर नंबर काटा ले भैया पांच चलिए लिखिए अगला लिखिए अभी कुछ और टाइप के देखिए जैसे मान लो मैंने ले लिया पंद्रह पचास भी ले लिया चलो और हम इट्ठी और ले, ले ले रहे हैं कहा बताया तुम्हें रुको 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 तुम्हें कुछ नया बताता हूँ मुझे अभी बताया था उस पर ये ले लिया फाट का है पचास लो ठीक है इतना गंदा भी काय को लिख रहे हो फिर, फिर सुंदर ऐसे अब इनका एच सी अब दोनों का क्या आएगा पता है आपको पांच आएगा पांच लेकिन हम पांच आंसर नहीं निकालने वाले हैं क्यों क्योंकि अगली संख्या ऐसी देंगे जो पांच से नहीं कटेगी देखो अगली संख्या कौन सी दे दें जो पांच से ना कटे क्या काटा चला चला काटा अब इसका एच क्या आएगा देखो बहुत आसान तरीका निकालने का पता है आपको इनमें तीनों में देखो कौन कॉमन फैक्टर हो रहा है क्या हाँ इन दोनों में तो हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा है इनका एस सी आएगा जहां तक मुझे पता है वन चलो आओ देखते हैं का एच भाग विधि से चल भैया देखा सब भैया आवा भैया आवा आवा चला पंचो देख थ्री बार जाएगा पंद्रह तिया पैतालीस इनको घटाओगे पांच आएगा अब पांच क्या हो गया भाजक <coughs> पंद्रह क्या हो गया भाज्य पंद्रह खत्म मैंने कहा था कि लास्ट में उस संख्या से फिर अगली संख्या को भाग करेंगे जिससे भाग करने पर यहाँ जीरो आया था वो संख्या पांच थी अब इस पांच से चवालीस को भाग करेंगे पांच अठे चालीस घटाने पर आ गया चार वो प्रक्रिया फिर से इधर भी रिपीट हो जाएगी अब ये जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा ठीक है तो चार एक कम चार कटाओगे एक आएगा अब ये एक हो जाएगा भाजक ये चार हो जाएगा भाज्य तो एक चौका चार घटा हो आएगा सुन्ना लास्ट में फाइनल जीरो आया है वन से आएगा तो कर का हम पैलन बता दिए रन की एक देखो एक कड़वी बात बताए जब मैंने बैच शुरू किया था उस दिन लाइव क्लास में लगभग 200 प्लस बच्चे थे समथिंग ऐसे आज दसवीं क्लास है देखो किसी चीज के बारे में सोचना ही बड़ी बात नहीं है जोश एक बार जगना बड़ी बात नहीं कुछ देर चलना चाहिए समझ रहे हो कहने का मतलब ये एक बार तो आपके दिमाग में बहुत जोश उत्साह आती है मैथ सीखेंगे हम तोड़ देंगे तोड़ देंगे हाँ दस क्लास में देखो कितने लोग ठंडे हो गए सब लोग पूरा धैर्य नहीं बना के रख पाते जिंदगी में कहीं कहीं धैर्य बहुत जरूरी होता है उनको लग रहा था कि दो मिनट में देख लेंगे अब सीख जाएंगे गणित ऐसा नहीं होता साठ वीडियो नहीं है कुछ दिखाना नहीं है गंदा गुंदा गा के दे तीस सेकंड में सीख जाओ साठ वीडियो नहीं होगी गई थी मैथ आज बच्चे काफी संख्या में कम है जब नया बैच आता है उस समय जितना धूम होती है फिर कुछ दिन बाद ठंडा हो जाता है मामला क्यों क्योंकि हर कोई नहीं सीख पाता हर कोई सीख जाएगा हर किसी को नौकरी मिल जाएगी तो बेरोजगार कौन घूमेगा वही हाल है देखो आज क्या है और वही बच्चे जो एप्लीकेशन में आ गए वो कितना प्यार से पढ़ रहे हैं उसमें संख्या नहीं कम होती क्योंकि वहां पे फीस जमा है तो आगे चले अब तो कर लेंगे ना तीन तीन अंक वाला भी कर लेंगे ना आप देखिए यहां पर समझिए बताइए संख्या चालीस <coughs> एक सौ बीस वाह एक सौ पचास का एच सी एफ इसमें वन एच सी एफ नहीं आएगा तो no. चार बारह और पंद्रह का क्या आएगा जरा देखो एक बार हम्म चलो भाई जल्दी करो फटाफट क्या हुआ कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार? ये संख्या का हुआ? अचानक मिस्टेक कर रही है ज्यादा कम देखिए इनमें क्या करेंगे छोटी संख्या से भाग करेंगे बड़ की संख्या को ठीक है तीन एक सौ खत्म अब फिर लास्ट में क्या करेंगे उसी अंतिम संख्या से जो बड़की संख्या की बच रही थी उसको भाग करेंगे मैंने कहा था एक्स्ट्रा 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 फिर ना कहा था ना समझो तो ज्यादा हो जाएगा तीन बार जाएगा घटाओगे तीस ठीक है अब ये तीस हो जाएगा भाजक और जो पहले स्टेप में भाजक था वो हो जाएगा भाज्य क्या हो जाएगा वो भाज्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा तीस से कम तीस घटाओगे तो आएगा दस भाई साहब दस से भाग करोगे तीस में तीस यहां पे नीचे आ जाएगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं तो तब ये हो जाएगा सुनना। तो लास्ट में एच वो संख्या होगी जिससे आया है सुन्ना आप लो भैया फटाफट छाप लो जल्दी जल्दी मेनका गौतम समझ में आ रहा है अजय सिंह राजापुर क्रिएटर अपना नाम रख लीजिए निवेदन है आपसे जिससे कि हम पढ़ पाए आपका कमेंट विजय चौहान वेरी गुड बहुत अच्छा रूही यादव रुचि प्रतिमा सुबीर पंकज कमेंट एक बार किया करिए कॉपी पेस्ट नहीं गुस्सा लगती है मुझे खूब ज्यादा है जैसे आ जाए हैं यही खूब ज्यादा कमेंट कर रहे हैं एक है कमेंट लिख देंगे अट्ठारह बार पूजा शुक्ला व्हाट्सएप रिप्लाई किया जाता है हम ही करते हैं सबर रखिए किया जाता है नाइन फोर वाले पर रिप्लाई नहीं हो पा रहा उसमें कुछ समस्या है दूसरे नंबर मैसेज कर दीजिए किया जाता है रोज हम रिप्लाई करवाते हैं हमारी टीम के मेंबर हैं अगर बचा होगा व्हाट्सएप आज हम चेक कर लेंगे ठीक है दो लोग आपका व्हाट्सएप का ही रिप्लाई करते हैं उसका काम ही यही रहता है जिनको बिल्कुल फ्री देखना है यूट्यूब पर ये बैच पूरा फ्री होगा टोटल फ्री पढ़ाएंगे ये बैच यूट्यूब पे बिल्कुल पेड कोर्स सब फ्री इसमें लेकिन ये सिर्फ लाइव चलेगा ओनली लाइव नौ से नौ चालीस तक उसके बाद वीडियो नहीं मिलेगा आइए कुछ और भी क्वेश्चन सात आठ नंबर कुछ भी लिख लो भैया जो तुम लिख सको दो तो पांच तीस व तीन हजार आ, का लिखी है भाई बत्तीस पचहत्तर लिख ले का एच सी एफ भाग विधि से एच सी एफ जिंदगी में जो आपसे जलन करते हैं ना जलनखोर जिन्हें बोलते हैं अगर वो कोशिश करके आपको नहीं हरा पाते ना तो साजिश करने लगते हैं और याद रखें अगर कोई आपके सफलता को आपके काम को देखकर साजिश कर रहा है तो समझ लो कि उसकी कोई औकात नहीं है इसीलिए वो कोशिश नहीं साजिश कर रहा रोही जोशी आवाज जो नहीं आ रहा था वो पीछे रिपीट कर दिया गया वीडियो बैक करिएगा देख लीजिएगा। आवाज जब नहीं आई थी मुझे पता चल गया था उस बीच में ज्यादा कुछ नहीं बोला था ठीक है और दस बजे वाली क्लास मैं चलाऊं कि नहीं क्या कह रहे हो चलो ये मैं पच्चीस तरह की एक्टिंग ऐसे वैसे इसलिए करता हूँ कि देखू वीडियो चल रहा है कि नहीं क्योंकि सामने मेरे भी चलता रहता है ना तो सबसे छोटी संख्या से हम भाग करेंगे पहले मजल की संख्या को सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान हम 225 के पहाड़ा तो जनबे नहीं करी कैसे भाग करब फिर मुसीबत कहाँ जाए है कना किसकी किसकी ये दिक्कत है एक बार कमेंट में ईमानदारी से हाँ लिखे आपको आपके उसकी कसम है बोलना कितने लोग को सोच रहे हैं कि इसका पहाड़ा नहीं आता क्या करें पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं जी तुम्हें क्या लगता है इंडिया है जुगाड़ू लोग है, लोग हैं हैं हम अधिकांश देखिए जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, उन लोग परीक्षा देने कहा जाते हैं यूपी में देखिए हमारे कितने कॉलेज हैं बीए करने वाला बंदा मुंबई में कमा रहा है पेपर उसका यहाँ हो जा रहा है काफी दिन से चल रहा है अभी भी हो रहा है इतना कुछ अपडेट होने के बाद भी अभी भी हो रहा है तुम्हें क्या लगता है पेपर देता है वो नहीं रिजफर कर लिया फार्म डाल दिया गाँव में तैयारी करा इलाहाबाद में चला जाएगा तो भाग करने के लिए इसका पहाड़ा थोड़ा याद करते हैं पहाड़ा नहीं याद करते हैं देखो कैसे इसका पहाड़ा याद नहीं करते सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं बताओ इतनी अकल तो सबके पास है कि 200 और 600 में क्या संबंध है सबको पता है भैया 200 और दु तिहाई छह सौ होता है इतना जाने जाओगे तो ये देखो पच्चीस भी साथ में है अगर तीन बार हम ले जाएंगे तो छह सौ तो हो जाएगा साथ में पच्चीस का भी गुड़ा होगा तीन बार तो पचहत्तर यानी तीन बार में छह सौ पचहत्तर आएगा तो कहने का मतलब ये पहाड़ हमारा बन गया छह सौ पचहत्तर तीन बार में लेकिन हम तीन बार ले जाएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है तो हम दो बार तो ले जाएंगे बिना पूछे तो दू बार ले जाएंगे तो कितना होगा पता है आपको देखो दूस पच्चीस है पहाड़ा नहीं पढ़ना है आप इसे सौ मान लो दो तो दू बारे जाओ कि चार होगा पच्चीस है तो पचीस को भी बार कर लो, पचास यानी चार सौ पचास कितना चार सौ पचास घटा लो हमने पहाड़ा पढ़ा कहीं नहीं पढ़ा ना। चलो देखो इसमें से एक उधार ले जाते हैं बारह में से पांच गया सात तो ये पांच पांच में से चार गया एक अब ये हो जाएगा भाजक और ये संख्या जो यहाँ भाजक थी वो हो जाएगी भागफल भागफल नहीं सॉरी भाज्य देव गौतम समझ में आ रहा है अजय सिंह तुम्हें कई बार बता दिया था लेकिन तुम मान नहीं रहे हो तुम्हें मैं ना पांच मिनट के लिए ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि तुम, तुम चाहते हो ना तुम्हें ब्लॉक कर दू मैं भी चाहते हो मेरा ही कमेंट दिखे कमेंट में और किसी का ना दिखे तो तुम आराम कर लो पांच मिनट चलो अब कितनी बार जाएगा एक सौ पचहत्तर का अगर हम दो बार ले जाएंगे तो जानते हो कितना होगा देखो जुगाड़ बता रहा है एक सौ पचहत्तर को आप सौ मान लो अगर दो सौ को दो बार ले जाओगे तो चार सौ हो जाएगा हाँ चार सौ हो जाएगा ना लेकिन हमने इसमें पच्चीस पच्चीस बढ़ाया था पच्चीस पच्चीस बढ़ाया था कम कर लो दो बार में पचास कम हो जाएगा कितना पचास तो मतलब साढ़े तीन सौ ना साढ़े तीन सौ होगा एक दूसरा तरीका है एक सौ पचहत्तर है एक का तुमका भैया सौ प्लस पचहत्तर सौ तो दूना दूस पचहत्तर दूना डेढ़ सौ सा साढ़े तीन सौ हुआ ना चलो तो साढ़े तीन सौ हो जाएगा दू बारेगा बार नहीं एक बार जाएगा बस खत्म अब पचास से भाग कर भैया देखा एकदम छोट होगा एक एक कि ना पहाड़ा पढ़े पड़ा को जगह नहीं नाइ बार जाएगा तो सौ तीन बार डेढ़ सौ चार बार ना जाएगा दुई सौ हो जाएगा घटाओगे 25 आएगा ना अब ये नीचे आ जाएगा जीरो से जिस संख्या से सेस पल जीरो आया है वही संख्या आपके लिए उत्तर लेके आएगी यानी आपका एचसीएफ आएगा 25 लिख लो ऐसे अच्छा गंदा जैसे बने क्या का कौनो दिक्कत परेशानी तो दिया भाई भाई, बता दिया भैया सब ईमानदारी के साथ बताओ नहीं ना डीएलएड वाले बच्चे संख्या में जुड़ते नहीं अच्छी खासी तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं ये क्लास बड़ी चला देता हूँ दो घंटे फालतू का है को डीएलएड वालों को पढ़ाऊँ ना क्यों शेयर वेर तो करते नहीं वो लोग नहीं करते अभी मैं व्यूज देख के आ रहा हूँ रुको हमें एक मिनट टाइम दीजिए रुकी मैं ही देख लेता हूँ डीएलएड वाले शेयर नहीं करते यहाँ पे संख्या डेढ़ सौ दो सौ होती है वहां पे वो पच्चीस आएंगे बीस आएंगे रोएंगे आगे वहीं बस नहीं पढ़ाएंगे डीएलएड वालों को आज नहीं पढ़ाएंगे सिर्फ एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे अप्लीकेशन में वही डीएलएड के सेमेस्टर के लगभग कल ही की डेट चार सौ अट्ठाईस बच्चे थे और वहीं यूट्यूब पे सिर्फ अट्ठाईस से पचास बच्चे थे बस तो फिर आपका सिर्फ एप्लीकेशन में चलना बेहतर ये क्लास चलेगी दो घंटे एक और टॉपिक पढ़ाएंगे जिनको पानी वानी पीना पिया आराम करके आओ कल पढ़ाएंगे डीएलएड वालों को ऐसा नहीं, नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आज नहीं पढ़ाएंगे देखो संख्या पैतीस तो पचासी वीब बताइए चलिए जल्दी करिए अच्छा एम एटी और रहन का यार एक मिनट रुक था रुको 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 सॉरी छोटा <coughs> कर लो एक बत्तीस पचहत्तर लास्ट में जिससे कटा था उससे इसको भी भाग करेंगे जाएगा वन टाइम में से पांच गया सात आएगा अब क्या होगा हमें इसको भाग करके खत्म करना है बस ऊपर से सात उतारेंगे पच्चीस पचहत्तर कटाएंगे दो आएगा ऊपर से पांच उतारो पच्चीस से कम पच्चीस उत्तर वही आएगा उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा बट इसको करना है ठीक <laughs> है DLED के सभी सेमेस्टर की क्लास PVR स्टडी ऐप में चल रही है आप PVR स्टडी ऐप में जाइए देखिए के किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं वो ध्यान दें आपका आल सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच PVR स्टडी ऐप के अंदर है आप जाइए ज्वाइन करिए और पढ़िए प्यार से इसमें डेली रे पढ़िए रेगुलर पढ़िए अच्छे से पढ़िए यूट्यूब पे पढ़ना है तो इंतजार करिए आइएगा ऐसे पढ़ते रहिएगा अब न्यू टॉपिक अगला है वर्ग व वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कितने लोगों को स्क्वायर याद है आओ देखो समझो लिखो इनको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हल क्या है छोड़िए तो छोटी छोटी संख्याओं के पहले आपको वर्ग याद होने चाहिए जैसे आप यहां लिखिए संख्या एन नंबर यहां पे देखिए इनका वर्ग क्या होता है जैसे वन तो वन का वर्ग क्या होगा पता है ऐसे वर्ग का मतलब उनको दो बार गुड़ा करना ऐसे दो तो दो का स्क्वायर ऐसे दो बार गुड़ा यानी चार तीन तीन का स्क्वायर कमाल है यार मच्छर बैठ रहा है इस पे देखो व्हाइट कलर का चिन्ह बन गया ना ये है टेक्नोलॉजी चल गया पे मच्छर बैठा तो बहुत अच्छा डीएलएड वाली क्लास में स्वीट हट जी जुड़े हैं इनका कमेंट आ रहा है चीकू जुड़े हैं अंशु जुड़े हैं मे इनका एम डी मुमताज महेश आरुषि पटेल अजय रुखसार अब्दुल सलाम इनका नाम है ऐसे है ना बिक्की तो आज डीएलएड का नहीं पढ़ाएंगे आज सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे इसमें डीएलएड वालों के भी काम का है लेकिन डीएलएड का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे चलो भाई तो ऐसे मुझे आप ये बताओ ईमानदारी से कितने तक का वर्ग आपको याद है आगे चल के बहुत हेल्पफुल होगा आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कितने तक का याद है झूठ ना बोलना सच सच बताना संख्या चार। चार का स्क्वायर ऐसे करोगे तो चार चौक सोलह ये कम से कम पचास तक आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपको आपका नाम याद होता है आपको आपके पिताजी का नाम पता होता है आपको आपके गांव का नाम पता होता है हम्म अगर कोई आपसे पूछे कि फलाने बताओ तो है क्या नाम है तो क्या सोचते हो क्या आधा घंटा कान खुजवा के हाँ क्या नाम है हमारा भूल गए नहीं ना तो वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि तेईस का स्क्वायर क्या होगा तो आप फट से बताओ ठीक है चलिए तो इसी तरीके से आप क्या कह रहे हो लिखवाऊं मैं इसको क्या नहीं ना ऐसे दस का स्क्वायर कितना होगा दस गुड़े दस बराबर सौ कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इसको लिखवा दूं ऐसे अगर आप चाहते हो लिखवाने को तो कमेंट में आप लोग हां लिख के कमेंट करिए कमेंट में सभी हां लिखें अगर चाहते हैं कि मैं इसको स्क्वायर सब एक तरफ से लिखवा लिखवा के समझा दूं अगर आप चाहते हो कि नहीं हम लिख लेंगे खुद कर लेंगे इतने सक्षम हैं तो फिर ना लिख के कमेंट करिए बस आधा मिनट का काम है आगे बढ़ते हैं तो सभी लगभग चाहते हैं कि आप इसे लिख लेंगे जान लेंगे कर लेंगे हम्म तो चलो फिर आओ हम कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए तब तक हम इसको सेव कर देते हैं पिछली क्लास को पीडीएफ जिससे आपको टेलीग्राम पे भेजा जाएगा जो मैं अभी इसके पहले पढ़ाया था ठीक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेज हो जाएगा तो ये डिलीट हो सकता है सिस्टम हैंग कर जाता है मुझे ये बताइए सभी फटाफट क्या जीरो परमीय संख्या है शून्य परमीय संख्या है अगर हाँ तो वाई लिखेंगे नहीं है तो ये शून्य रेफनल नंबर आ रही रेफनल नंबर जीरो रेफनल नंबर है कि रेफनल नंबर है ओह हम्म बता लिए लाइव बैच बेसिक मैथ्स ये पीडीएफ जो सेव कर रहा ना जो अब तक पढ़ाया हूं सब एक्सपोर्ट हो जाएगा इसको टेलीग्राम पे भेजा जाएगा बच्चों को अजय hmm. सिंह बहुत अच्छा पार्थ कुमार सुमित वेरी गुड लक्ष्मी ठीक है कॉपी पेस्ट कोई ना करे अजय आपको मैं एक बार बता दिया था लेकिन आप नहीं सुधरते हो नहीं समलते हो तो क्या करूं तो इनको मैं अब फिर से बंद नहीं करूंगा नट फिर से स्टार्टिंग से आ जाएंगे को हम क्लियर करेंगे बस ये लाइव नंबर आपका है दस कौन सा है लाइव नंबर अच्छा बेसिक मैथ है लेकिन यार इसमें मैं लाइव नंबर भी डालू डीएलएड वालों के लिए तो पढ़ाई नहीं रहा हूं मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ छोड़ो आगे टॉपिक पे चलते हैं मेन पॉइंट छोड़ो लिखिए लाइव टेन ये भी टेन में ही आएगा विंटर बैच बेसिक मैथ क्योंकि आज एक क्लास में दो क्लास पढ़ा दी जा रही ना दो घंटे हो जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल ठीक है तो शून्य एक परमीय संख्या है जो अभी आपने पढ़ा सही बात है जीरो क्या है एक परमीय संख्या है जीरो क्या है एक परमीय संख्या है <laughs> अब बात करते हैं कि इनको करते कैसे हैं समझना और देखना वर्गमूल कैसे निकालते हैं जैसे ये संख्या है ये उसका वर्ग है और ये है वर्गमूल थोड़ा देखना इनके जिंदगी में घुस के संख्या है छोटी सी है जो पांच है अगर इसके वर्ग की बात करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा पांच का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा पच्चीस अब जो पच्चीस है अगर इसका वर्ग मूल करेंगे तो फाइनल में फिर से आ जाएगा पांच क्या सीखा आपने जहां से चले थे वहीं पर आ गए हम्म <laughs> सुमन कुमार सत्या हाँ कमेंट आ रहा है तनु सहरेलू दीपू महेश अंसारी कमेंट सबका आ रहा है सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक शेयर करें जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें देर ना करें चल भैया समझना यहां पर वर्गमूल होता क्या है देखिए वर्गमूल वास्तव में एक ऐसी संख्या होती है जो अपने वास्तविक रूप से थोड़ा भटक चुकी होती है ठीक है लेकिन उसको फिर से उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वही वर्गमूल होती है ठीक है जैसे संख्या जो पच्चीस थी या सॉरी पांच थी पांच का वर्ग किया था तो पच्चीस आया था और पच्चीस का वर्गमूल करने पर फिर वही आ गया यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर किया गया है उसका वर्गमूल कर दें तो फिर वो मूल संख्या आ जाती है यानी इसमें नाम में छिपा है वर्ग मूल यानी जो एक्टिविटी होती है वो वर्ग की गई संख्याओं का मूल प्राप्त करवाता है ठीक है उनकी वास्तविक औकात क्या थी वर्ग मूल वही चीज है बस जैसे संख्या पच्चीस है तो इसका वर्ग मूल पांच आएगा यानी पांच का ही स्क्वायर करने पर पच्चीस बना था समझ रहे हो ना यानी पांच का वर्ग क्या था पच्चीस था और पांच का जो वर्ग करके पच्चीस आया था पच्चीस का जब स्क्वायर रूट किया तो उसकी मूल संख्या पांच आ गई वैसे सात उनचास कितना आएगा सात हम्म सात पी बी आर सपोर्ट भैया तुम क्लास में आते नहीं हो आजकल बहुत लापरवाही कर रहे हो व्हाट्सएप पे जवाब देना हमें ईमेल पे ठीक है मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अगर नौ बजे आते हो दस बजे नहीं आते हो अब लंबा लंबा मत लिखना आ रहे हैं तो रोज आते हैं प्रूफ रखे हैं कल भी नहीं आए थे दस बजे वाली क्लास में आप है ना आज नौ बजे वाली भी नहीं आए थे आप बताइए क्यों आपकी जिम्मेदारी है ना कमेंट मैनेज करना अगला आप छोटी छोटी संख्याओं के बारे में बात करते हैं विस्तार से जैसे देखो मान लो संख्या हो गई पच्चीस इसका वर्गमूल क्या होगा बताइए और क्लास को जो है किसी को ब्लॉक मत करिए आप होल्ड मत करिए किसी को चलो आगे बढ़े किसी को कोई डाउट नहीं ना किसी को होल्ड ना करिए मिस्टर और हाँ जिस दिन ना आना रहे बता दिया करिए ऐसे नहीं चलेगा आपकी जिम्मेदारी आपकी ड्यूटी है ठीक है कि जो है हम गायब हो जाएंगे अचानक आज कमेंट रिप्लाई नहीं करेंगे ऐसे वैसे तो आप बता दिया करिए ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब मर्जी तब गायब हो जाओ जब मर्जी तब आ जाओ इसका क्या करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे फिर दो दो का जोड़ा बनाएंगे जोड़ा बनाने के बाद इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस में इसका आंसर होगा ठीक है अब ये प्लस माइनस में क्यों होता है यहां पर जीरो लेवल मैथ में ये बताने के लिए जरूरी नहीं है आगे बढ़े अगला देखिए नेक्स्ट सभी को रहा है ना ऐसी संख्याओं का ही इस तरीके से वर्गमूल निकाला जा सकता है जो पूर्ण वर्ग है अगर कोई ऐसी संख्या ले लोगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर उसका वर्गमूल ऐसे नहीं होगा ठीक है जैसे देखिए मान लीजिए मैंने ले लिया नौ सौ तो नौ सौ का वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं इसके पहले सौ का कर लो सौ का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाजी गुणनखंड कैसे होगा दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह ऐसे बनेगा क्या चलो बताते हैं दो से डिवाइड करोगे सौ को पचास आएगा फिर पचास को दो से करोगे पच्चीस आएगा पच्चीस को पांच से करोगे पांच आएगा फिर पांच ये हो गया सौ हो गया जोड़ा बनाओ दो दो का एक जोड़ा से थो, एक ठीक तो एक ठोरे से एक ठू यह आंसर आया दस कोई दिक्कत ना किसी को नहीं ना तेजस्वी खांडे स्क्वायर रूट याद करने का तरीका ट्रिक वाले वीडियो में बताएंगे इंतजार करिए इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं इस लाइव सेशन में कि आप वर्गमूल कैसे निकालें अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप वर्गमूल कैसे निकालें कुछ बच्चों को इनके फैक्टर करने में भी दिक्कत आ रही कैसे आ गया ये तो मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ चलिए अगले सवाल में अगले सवाल में मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है ये समझिए इसको प्यार से देखिए स्क्रीन ले लीजिए ले लिए चलो अगर हमें दो सौ का वर्गमूल करना है तो हम दो सौ का फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको जीरो से दिखाता हूं आओ सबसे पहले ऐसे संख्या लिखेंगे फिर यह देखेंगे कि यह संख्या सम है कि विषम है भाज्य है कि अभाज्य है देखने में यह संख्या सम लग रही है और भाज्य भी लग रही है यानी यह दो से पूर्णता विभाजित है ये दो के विभाजिता नियम का पालन भी कर रही है ऐसी संख्या जिसका लास्ट का अंक जीरो दो चार छ आठ होता है वो दो से पूर्णता विभाजित तो होती है है ना तो फिर कर लो ना देर किस बात की है चलो भैया दो से भाग करेंगे दो सौ को खत्म ऊपर से एक जीरो उतारो फिर क्या होगा जीरो बार ले जाओ या जीरो खत्म एक जीरो दूसरा का उतार लो जीरो जीरो बार जीरो खत्म ऐसे होता है ना यानी हमने भाग दो से किया था भाजक दो था तो भाजक यहां लिखते हैं और भाग करने पर जो कुछ हमें हासिल हुआ यानी भागफल उसको हिया लिखते हैं नीचे यही प्रक्रिया सब में चलती जाती है बार बार मैं ये इतनी हो जाई नहीं करूंगा चल भैया आओ <coughs> फिर दो से भाग करेंगे जब सौ में तो आएगा पचास पचास में फिर भैया दुई से भाग करबा सब वही तो पच्चीस आए पच्चीस में पांच के भाग करबा फिर पांच में आए खत्म बढ़िया अब यहां आप लिखेंगे का पता है तुम्हें लिखो दो गुड़ा दो गुड़ा दो और फिर पांच गुड़ा पांच इनमें क्या करेंगे अब देखना समझना दो दो का जोड़ा बनाएंगे भैया गड़बड़ाई ज्यादा का यार ये? इसका तो पूर्णता वर्गमूल कंप्लीटली आएगा नहीं क्योंकि 201 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है मामला फंस गया लेकिन फिर भी मैं आंसर बता दूंगा चलो एक नया क्वेश्चन हो जाएगा अच्छी बात है जिनके जिनके जोड़े बने हैं वो बाहर निकल गए यानी एक दो और एक पांच यहां देखो एक दो है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये कैद ही रहेगा बाहर नहीं निकल पाएगा ये ये आजाद नहीं रहेगा ये ऐसे रहेगा तो फाइनल में ये दस और ये रूट दो यही आंसर आएगा यही आंसर आएगा समझ में आया गुड वेरी गुड बहुत अच्छा तो आज दोनों क्लास में बराबर बराबर बच्चे हैं लाइव डीएलएड वाले में भी और बेसिक मैथ वाले में भी तीन सौ अस्सी बच्चे इसमें हैं तीन सौ अस्सी उसमें भी हैं समझ में आया ये बिल्कुल वैसे है ऐसे समझ लो मैंने बताया था ना जिनकी इनकी जोड़ी बन जाती है उनका बहुत सारा काम बन जाता है जिनकी जोड़ी नहीं बनती आजकल कुंवरों को मकान मालिक कमरा तक नहीं देते शहरों में कहते नहीं अपना फ्लैट नहीं देंगे तुम फैमिली वाले नहीं हो शादी करके आना तो जिनकी नहीं बनी वैसे रह जाते हैं चलो आगे अब देखो आगे कुछ और भी क्वेश्चन जो आसान हो हा? सोला कवर वर्ग कितना होगा पहले तो ये बताओ सभी लोग हमें नहीं बताओ बतावा सोला कवर कितना होगा आइए एक ट्रिक बता देता हूं आपको इसी में लगे हाथ मान लीजिए कि सोलह का पहाड़ा हमें नहीं आ रहा है स्क्वायर करना हमें आ ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे पता है तुम्हें पहले किनारे किनारे का करिए ऐसे दोनों में आ रहा है तो बारह बारह और तीन हासिल आया था पंद्रह पंद्रह का पांच हाफिल आया एक हाफिल एक लास्ट लास्ट का गुड़ा करो एक एक काम एक और एक हाफिल दुई दो सौ छप्पन सही है ना <laughs> ग्यारह बजे पहले बंद नहीं होगी जिनको सोना जाके सो जाओ जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हो तो पहले मरना पड़ेगा ऐसा नहीं भगवान हमें जमीन पर स्वर्ग दे दो नहीं समझ रहे हो ना तो ये मत कहो क्लास बंद कर दीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कदा भी नहीं होगा हम लो, लोग कुंवर लोग हैं शादीशुदा नहीं है रात में हम लोग फ्री रहते हैं चलो देखो इधर अभी देखो नीतीश बाबू ने ऐसा कोई बयान दिया था माफ़ी मांग रहे हैं वो लेकिन उनका कुछ और गहरा वाला था तो सोलह का मैंने क्या किया था दो सौ छप्पन इसका वर्गमूल कितना आएगा चलो आगे देखो इनका पहले फैक्टर करेंगे दो का फैक्टर दो का फैक्टर कितना आएगा आप इसे दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा पता है दो एक कम दो दूना दो चार दो अठे सोलह एक सौ सो अट्ठाईस आएगा एक सौ अट्ठाईस को दो से भाग करेंगे तो चौसठ आएगा चौसठ को दो से भाग करेंगे बत्तीस आएगा बत्तीस को दो से भाग करेंगे तो सोलह आएगा सोलह को दो से करोगे आठ आएगा आठ को दो से तो चार आएगा और चार को तुम दो गुड़ा दो लिख सकते हो कुछ ज्यादा तो ना लिख दिए दे देखा दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस दुना चौसठ दूना एक सौ अट्ठाईस दूना ज्यादा वही करा देख देखते देखते देख देख फिर से देखो दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस चौसठ दूना एक सौ अट्ठाईस दूना दो सौ छप्पन सही है ना सही है ना गिन लीजिए कितना हुआ तीन अबे रुक जा ना तीन आ, ये तक तीन ये तक छ आठ सही है ना हा? और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें चलो आगे तो भैया इनके जोड़ा बनाओ सभी लोग चला दो 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 दो, दो। तो ये हो जाएगा एक दूसर के जोड़ा फिर दो तिफर के फिर तीन चौथे फिर चार दो दू, दूना चार दूना आठ दूना सोलह आंसर कितना आया सोलह किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना तो ये है क्या वर्गमूल करने का बिल्कुल बेसिक वाला तरीका इनका जो है फैक्टर कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड वो मैं आपको अभी पीछे की भी वीडियो में बता चुका हूं अभी जस्ट क्लास में आज भी बताया था है ना भैया देखो ये बताया था ना ऐसे इनका फैक्टर निकालते हैं जो यहां लिखा गया इसके अंदर में तो कोई बड़ी संख्या बताओगे जिसका वर्गमूल करें एनी वन कोई बड़ी संख्या बताओगे चलो बड़ी संख्या में ले आया हूं ग्यारह सौ छप्पन का वर्गमूल मूल जल्दी करो भाई पहला ऑप्शन है हमें कहा लिखी यही लिख लिया चुप्पे से पहला ऑप्शन इकतीस दूसरा तैतीस तीसरा बत्तीस या चौतीस जिनको वर्ग याद होगा वो फटाक दे आंसर बता देंगे चटाक दे आंसर आ जाएगा चलो रूही जोशी दिवाली बाद रेगुलर चलने लगेगा बाकी टेलीग्राम पे संपर्क करिए बहुत अच्छा चलिए इनका वर्गमूल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस संख्या का जो दी गई है इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इधर साइड में कर ले ग्यारह सौ छप्पन तो प्रथम दृष्टया आप इनको देखेंगे कि क्या यह संख्या दो से फुली डिवाइड है आप सभी कमेंट में हाँ या ना बताओ और अगर दो से फुली डिवाइड है तो इसको दो से भाग करने पर क्या आएगा बताइए मैं कैमरा की बैटरी चेंज करूंगा कितना मिनट तीस सेकेंड बैटरी का चेंज करूंगा मैं चार्जर लगा दूंगा आज इसको चल भैया लग गया आओ तो ये दी गई संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित है दो से फुल डिवाइड है क्यों क्योंकि इसका अंतिम अंक छः है और कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक जीरो दो चार छः आठ होता है वो पूरी तरह से फुल डिवाइड मानी जाती है ठीक है किस से दो से होती भी है तो दो से इनको भाग करेंगे कितना आएगा मैंने पूछा था कौन कौन बताया है बहुत अच्छा इसका आंसर चौंतीस बताया है, कोई ठीक है दो पंच दस दो सात चौदह और दो आठ सोलह फिर से आप दो से ही भाग करेंगे क्योंकि ये संख्या का लास्ट अंक आठ है और ये दो से पूर्ता विभाजित है क्योंकि दो का विभाजिता नियम ऐसा कहता है तो दो से आप जब पांच सौ अठहत्तर को भाग करोगे तो दो दू चार और दो अठे सोलह और दो न अठारह जो दो सौ नवासी आया है ये सभी को अब नहीं आएगा हर कोई इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि मामला फंस गया तो दो सौ नवासी किससे डिवाइड होगा ईमानदारी से बताओ चलो यही लिए तू लोग का कहता हूं कि याद कर लो स्क्वायर याद कर लो तेजस्वी कांडे आपको मैं पांच मिनट के लिए ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि आप कॉपी पेस्ट खूब कर रहे हो ठीक है पाँच मिनट बाद आना कॉपी पेस्ट ना करना दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेस्ट टीचर माना उसके लिए थैंक यू रोहित दो क्लास चल रही है आप क्लास चेंज कर कर करके दोनों में देखिए कमेंट मॉडरेटर आप दोनों में देखिए क्लास चेंज कर करके कुछ देर इसमें देखिए कुछ देर उसमें देखिए क्या क्या, -क्या बवाल बचाया इन लोगों ने अनुज कुमार बहुत अच्छा सुमन कुमार वेरी गुड तो ये डिवाइड होगा सतराह से चूंकि सत्रह का स्क्वायर होता है इसीलिए कहता हूं स्क्वायर याद करो सतराह का स्क्वायर होता है वैसे पगलाओगे एक से लेके सोलह तक कभी नहीं कटेगा तो ये इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड इसमें से एक दो बाहर निकलेगा इसमें से एक सत्रह बाहर निकलेगा गुड़ा करोगे चौतीस आएगा ये आंसर हो गया ऐसे थोड़ा लग रहा है तुमको बहुत आसान है दोनों कह रहा दो सौ चौहत्तर होगा तुम पैदा हुए हो कि आसमान से प्रकट हुए हो आ? तुम पैदा हुए हो कि प्रकट हुए हो आ? गदा आ का चलो भाई हो गया कोई दिक्कत ना किसी को कंफ्यूजन बनाते हैं ये इनको लगता है कि हम कंफ्यूज कर देंगे चलो आगा आगे भाई आगे चलो आगा नहीं मतलब आगे बारह सो का कर लेंगे बारह नंबर ला लो कुछ भी लिख लो बारह सौ का वर्गमूल क्या होगा बत्तीस होगा बयालीस होगा छत्तीस होगा या तिरालीस होगा प्रतीक्षा तिवारी जी बताइए अनुराधा रश यशपाल, प्रतिमा जवाब दीजिए फटाफट बहुत जल्दी करें जो बच्चे अगर इसको डीएलएड वाली लाइव में देख रहे हैं तो वो समझ लें कि डीएलएड का स्पेशल क्लास आज नहीं चल रहा है लेकिन लेकिन ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में कहीं ना कहीं ये है तो क्या कह रहे हो आप लोग आगे बढ़ें। इसका सही आंसर कोई बताया है तो उनका नाम है लखन करण बहुत अच्छा छत्तीस बताया इन्होंने प्रभात कुमार अंबेडकर विशाल पासवान ठीक है रुचि मौर्य समरीन ठीक है इसका आंसर आएगा कितना वही आएगा छत्तीस इसका आंसर आएगा क्योंकि जिन लोगों को पता है वो जान रहे हैं कि का करने पर आता है और तुम अगर नहीं जानता हो तो फिर तुम इसमें पगलाओगे तो चल भैया हम तो बताएंगे तरीका पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंड तक क्या है बारह सौ छानबे इसको संख्या को देखिए प्यार से देखिए गौर से ऊपर पे नीचे तक क्या है ये सम संख्या है हाँ या नहीं भाज्य संख्या है हाँ या नहीं दोनों का आंसर हाँ अगर ये सम संख्या है और भाज्य संख्या है तो तम भी है भाज्य भी है तो क्या होगा पता है आपको दो से विभाजित होगा दो से विभाजित करेंगे तो कितना जाएगा दो छंग बारह दो चौका आठ और दो आठ सोलह ठीक है भैया फिर दो से भाग करिए छह सौ अड़तालीस को तो दो तियाई छा दो दूना चार दो चौका आठ दो एक कम दो दो छंग बारह दो दूना चार फिर दो से बात करो दो अठे सोलह दो एक कम दो अब देखिए तीन जो इक्यासी है एट्टी वन वो दो से डिवाइड नहीं है क्या है दो से डिवाइड नहीं है तो क्या करोगे तीन से तीन दूना छ और तीन सतह इक्कीस फिर ये भी तीन से जाएगा तो तीन नवा सत्ताईस फिर तीन का नौ और फिर तीन कम तीन किसी को कोई डाउट नो डाउट चलो देखो आगे अब इनका क्या करेंगे हम ऐसे यहां पर जितनी बार भी डी डिवाइड हुए उनको इकट्ठा लिखेंगे लिख भैया फटाफट चलो आगे बढ़े तो देखिए वन टू थ्री फोर कितना फोर टाइम टू से डिवाइड हुआ है कितना टाइम फोर टाइम और फोर टाइम ही थ्री से भी डिवाइड है कितना फोर टाइम आप इनका पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे तो देखो एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा चार जोड़ा पहले जोड़ा ही दो बाहर आवा दूसर के एक दो, एमा एक तीन एमा एक तीन दो <स्थाँगा> दूना चार तियाई बारह तियाई छत्तीस ये आंसर आया ये है वर्गमूल करने का तरीका क्या है वर्गमूल करने का तरीका राहुल गुप्ता जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा जिनको गणित में कुछ नहीं आता हम उन्हीं को सिखाते हैं जिनको आता है वो तो बहुत जगह जाते हैं सिखाते हैं यशपाल समझ में आ रहा है अजय सिंह विशाल पासवान समरीन सैनी लक्ष्मी देवी सबको आ रहा है तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके पहले ऐसे कैंडिडेट जिनको गणित में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल सुल्ड मटा सन्नाटा है अगर उनको लगता है कि जीरो का आविष्कार सिर्फ उन्हीं को नंबर देने के लिए हुआ है तो इसे आप गलत सिद्ध कर सकते हैं पी स्टडी की नई बैच के साथ जिसमें दिवाली ऑफर में आपको नब्बे तक का छूट मिल रहा है पूरे वन ईयर की फीस जो वन ट्रिपल नाइन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फाइव हंड्रेड पे करके मिल रहा है यानी आपको 1499 का छूट मिल पंद्रह सौ रुपए की छूट मिल रही है सिर्फ पांच सौ रुपए लग रहा है पूरे एक साल एक साल बहुत टाइम होता भैया एक साल बहुत समय होता बारह महीना होते हैं आजकल की इतनी महंगाई में बारह महीने सिर्फ पाँच सौ रुपये में पढ़ाना बहुत बड़ी बात है समझ रहे हैं ना साल साल के लिए only 1000 दो साल के लिए लिए लगभग भी इसमें ऑप्शन है ऐप में जाएंगे मिल जाएगा ठीक है डेढ़ साल के लिए ओनली सिक्स नाइन नाइन यानी आप भी पढ़ो आपका छोटका भाई वो पढ़े और जो जोड़े वाले हैं हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े एक साल आप पढ़ो एक साल वो पढ़े जल्दी करें इसमें दिवाली ऑफर सिर्फ दिवाली के पहले ही खत्म हो जाएगा नंबर पर संपर्क करिए नीचे नंबर स्क्रीन पे चल रहा है अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं चलें आगे बढ़े तो किसी को कुछ कहना है एनीथिंग कुछ कहना चाहते हो कोई हिल रहा है मेरा हाथ वाथ चल रहा है ना चलो ठीक है तो आप प्रैक्टिस करेंगे आप प्रैक्टिस बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताओ तीन प्रकार के पांच छ प्रैक्टिस ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन से शुरू करो अच्छा लगेगा अगर बीस में ए सही है तो आप कमेंट में ट्वेंटी ए लिखेंगे अगर डी सही है तो ट्वेंटी डी लिखेंगे जल्दी करें वो पेज समझ में आ रहा है सुमन कुमार सत्या कुछ कहना है किसी को नहीं ना चल भाई आगे बढ़ू गुड गुड वेरी गुड चल चल भाई चल भाई चल भाई, चल भाई आगे बढ़े चलो बढ़े चलो बड़े चलो, चलो, चलो त्रिभुज होते हैं तो छह प्रकार के छह प्रकार के होते हैं अगर सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है पूजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के कोणों के आधार पे होते हैं अगर यहां पूछता कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार कहते हैं आप अगर पूछता कोण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं तो आप तीन प्रकार बोलते लेकिन सिर्फ पूछा है कितने प्रकार के होते हैं तो आप छह प्रकार बताएंगे ठीक है आप तीन नहीं बताओगे आगे नेक्स्ट ट्वेंटी वन ये बताइए कि अंडर रूट नौ और प्लस अंडर रूट समझना यहां पे बत्तीस और यहां पर पांच है ये संख्या है इसको जितने लोग बता लेंगे हम मान लेंगे कि आपको गणित आने लगी है पहला ए परमीय बी अपरमीय ये बत्तीस को ध्यान देना ये ऐसे है कंफ्यूजन में ना जाना यहां पे पांच है घात पांच है इसकी प्रिया शुक्ला रागिनी शपाल यादव नहीं बिल्कुल नहीं भर सकते हो आकाश नमस्कार मैं आपका बहुत आभारी हूं हम आपके मैथ में एक जीरो थे आपके फ्री बेसिक मैथ अटेंड किया आज अच्छे से गणित कर पाते हैं आकाश जी आपसे विनम्र निवेदन है और उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगे अगर इतना कुछ आपने सीखा है आप अपना फोन लेकर के ऐसे करेंगे ऐसे और एक वीडियो बनाएंगे ये जो आपने बात कहा ठीक है और इसको अगर हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर भेजेंगे याद रहे फोन आपको ऐसे करना जैसे मैंने किया ऐसे नहीं करना है अगर आप अपना इस फीडबैक को बना के एक वीडियो में भेजेंगे तो लाखों बच्चे देखेंगे और ऐसे लोग जिनकी उम्मीद नहीं है अब मैथ सीखने की जो हो चुके हैं पैंतीस साल के वो भी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे मोटिवेशन बहुत जरूरी है ठीक है तो उम्मीद है नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप जरूर भेजेंगे ठीक है जरूर बना के वीडियो भेजिएगा तो ये परमीय संख्या है ये परमीय संख्या है देखो कैसे इसका वर्गमूल तीन आएगा और इसका पांच घात वाला वो बनाओगे हा दो आएगा कैसे देखो भाई पांच घात है उसकी करड़ी की तो पांच पांच का जोड़ा बनेगा पांच पांच का जोड़ा बनेगा दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस तो एक का दो आएगा इसे पंचमूल आप कह सकते हो क्या कहोगे पंचमूल निकलेगा ठीक है सभी मेरी बात को समझ पाए तो अभी सड़सठ बच्चे जुड़े हैं केवल सड़सठ दो लाइव सेशन में बढ़िया है तो इस चीज से धोखा ना खाना, खाना कहीं मैथ में क्योंकि वो ना तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना पूर्ण घन है फिर भी संख्या परमीय हो रही है क्वेश्चन नंबर बाईस जीरो पॉइंट फाइव के ऊपर बार लगा है धन है नौ ये परमीय है कि अपरमीय है बता भैया ट्वेंटी टू में ए है कि बी है क्या कह रहे हो ए या बी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहा है अब तक मैं पढ़ा दिया था जो पढ़ाना था पढ़ा दिया था क्वेश्चन का आंसर ऐसे देंगे आप ट्वेंटी टू ऐसे लिखेंगे ट्वेंटी टू ए या ट्वेंटी टू बी ये तरीका है बाकी और कोई तीसरा कुछ नहीं लिखेगा ध्यान से देखिए आपके काम का चीज है स्क्रीन पे हाँ पंचमूल मीन्स नहीं समझ रहे जो लोग अभी बताता हूं रुको बताता हूं यह परमीय संख्या है इसका आंसर ये परमीय संख्या है क्यों क्योंकि इसका जो मान है आप हल करोगे तो पांच बटा नौ आएगा जब मैथ पढ़ोगे तो आगे बताएंगे इनको इसमें क्या करोगे हल करोगे एक एक कम पंचे पांच नौ नवा इक्यासी पांच धन इक्यासी नौ छियासी <laughs> बटा नौ आएगा परमीय संख्या होगा ना ये पंचमूल वाला कहां गया उसको देखो भैया ऊपर ना चलो देखो बताता हूं देखो यहां पे समझो मेरी बात समझो यहां पे जैसे ये पहला यहां पर अगर मैंने संख्या ले लिया नौ ठीक है यहां पर लिख दिया तीन सॉरी तीन नहीं दो. दो लिख दिया या कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब जानते हो इसका मतलब हम इसका जो भी मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें दो दो का जोड़ा बनेगा क्यों क्योंकि इसकी घात दो है जितनी घात रहेगी उतने उतने के जोड़े बनाते हैं तो इसका आंसर तीन आएगा वर्गमूल ठीक है समझना है <coughs> समझ यहाँ पे अगर हमने यहां लिख दिया सत्ताईस और यहां पर लिख दिया तीन इसका मतलब यहां पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि घात तीन है समझते जाना अभी तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे ये तो इसका आंसर आएगा तीन समझते जाना अभी <laughs> अब इसमें अगर हम तीन से और गुड़ा कर दें तो क्या सी आ जाएगा ना इक्यासी तो अगर हम यहां पर लिखे इक्यासी और यहां पर लिखे चार चार लिखे वहां तो जानते हो क्या होगा फिर भाई साहब इनके हम चार चार का जोड़ा बनाएंगे अब ये आपने आज तक नहीं पढ़ा ना यहां पे घात चार लगी है ना तो यहां पे हम चार चार का जोड़ा बनाएंगे तो ये आपका कितना आएगा तीन आएगा आंसर सामान्य तरीके से अगर एक कैसी का वर्गमूल करोगे तो चार आठ ना आता है ना ठीक <coughs> है तो यहाँ पे वर्गमूल नहीं हो रहा है ठीक है जितनी यहाँ घात होती है उतने उतने के जोड़े बनते हैं किसी को कोई दिक्कत ना कोई परेशानी नहीं इसी तरीके से एक और आपको बता देता हूं देखो अभी देखो भाई देखो देखो अभी जैसे मैंने बत्तीस का निकाला था उसको भी देख लो बत्तीस ऐसे था बत्तीस था ऐसे यहां पर घात पांच थी इसका मतलब हम बत्तीस के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और पांच पांच का जोड़ा बनाएंगे ठीक है पांच पांच के जोड़े बनेंगे दो और तीन के नहीं बनेंगे देखो ये पांच पांच के जोड़े तो इसका फाइनल आंसर सिर्फ दो आएगा बस वर्गमूल या घनमूल नहीं निकल रहा वहां पे। सभी को समझ में आ गया उम्मीद है किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं है रुचि मौर्य समझ में आया अजय सिंह आपको भी आया किसी को कुछ कहना है तो बता दो फटाफट चलो कोई दिक्कत ना किसी को महिमा शुक्ला आया समझ में प्रिया शुक्ला गीता वर्मा यशपाल यादव रागिनी प्रजापति सभी को आ गया ये बात समझ गए आगे बढ़ें।